एपिसोड के शुरुआत में हम एक ऐसी दुनिया को देखते हैं जहां टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है और उसकी हेल्प से हर किसी के पास एक पार्टनर है जिन्हें लव बॉयज कहते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम हमारी लीड एक्ट्रेस जियांग को देखते हैं जो रास्ते में एक लड़की से टकरा जाती है और उससे माफ़ी मांगती है, मगर वो लड़की किसी और से ही बात कर रही थी जो जियांग को दिखाई नहीं देता, जिससे वो काफ़ी हैरान हो जाती है। पर जब वो अपने चारों तरफ देखती है तो हर कोई किसी न किसी से बातें कर रहा था, लेकिन जिससे वो बातें कर रहे थे वो जियांग को दिखाई नहीं देते। इसीलिए वो काफ़ी परेशान हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो उसे हैप्पी हॉलीडेज विश करता है और उसे पूछता है कि क्या वो न्यू ईयर ईव अकेले सेलिब्रेट करने वाली है। जिस पे जियांग बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, पर वो आदमी उसे उसके बॉयफ्रेंड से बेटर लव बॉयज के बारे में बताता है और उसे एक ग्लासेस दिखाता है। जब जियांग उन ग्लासेस को पहनती है तो देखती है जो लोग अकेले ही बातें कर रहे थे लव बॉयज में से एक उनका पार्टनर है, जो देखने में जियांग को काफ़ी मज़ा आता है। पर वो ग्लासेस उतार देती है और कहती है कि उसके पास ऑलरेडी परफेक्ट लव है, इसीलिए उसे उसकी ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लव बॉयज जिनके साथ लोग टाइम स्पेंड कर रहे थे और उन्हें अपना पार्टनर मानते थे, वो कोई वर्चुअल कैरेक्टर नहीं बल्कि रियल ह्यूमंस हैं जो चेयर पे बैठे हैं, जिनका ओनर मिस्टर जियू है और वही ये सब ऑपरेट करते हैं। सिन वापस जियांग पे आता है जो अपने डैड का स्टेशन पर वेट कर रही थी। तभी उसे उसके डैड का कॉल आता है जहाँ उसके डैड एक शिप पर थे और उसे माफ़ी मांगते हैं कि वो उसके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। और जब वो उसे न्यू ईयर गिफ्ट के बारे में बताते हैं तब तक कॉल कट हो जाती है। पर जियांग अपने आप को मोटिवेट रखती है और अपने पार्ट टाइम जॉब पे जाती है, जहां उसका बॉस उसे फायर कर देता है क्योंकि जियांग काफ़ी सारे पार्ट टाइम जॉब्स करती थी और वो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रही थी। अपनी जॉब खोने के बाद से दुखी होकर जियांग अपना ईयर एंड बोनस मांगती है, जिस पे उसका बॉस उसे एक्सपायर्ड राइस बॉल देता है और कहता है कि यही उसका बोनस है, जिन्हें लेकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है, जिसे जियांग ने अपने साथ फायरवर्क देखने के लिए बुलाया था, जहां वो उसे उसके प्रेजेंट में कंप्यूटर देती है, जिसे लेने से उसका बॉयफ्रेंड मना कर देता है और कहता है कि अब वो रिलेशन को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता क्योंकि उसे अब कोई और लड़की पसंद है, जो सुन के जियांग काफ़ी सैड हो जाती है। और उसका बॉयफ्रेंड भी वहाँ से चला जाता है, जिसे जाते हुए देख कर जियांग रोने लगती है। फिर जियांग वहाँ से फायरवर्क देखने के लिए चली जाती है, जहाँ सभी लोग काफ़ी खुश थे। न्यू ईयर स्टार्ट होने पे जियांग खुद से 3 प्रोमिसेस करती है कि इस साल वो अपने लिए एक अच्छी जॉब ढूंढ कर रहेगी। दूसरी ये कि वो अपने डैड से जल्द मिलेगी और उनके हाथ से बनी फिश खाएगी, और तीसरी ये कि वो अपने लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढेगी। पर जियांग अपने घर में जाती है जहाँ वो आज के दिन को लेकर काफ़ी सैड थी, पर फिर वो एक प्रेजेंट को खोलती है जो कि उसके डैड ने भेजा था, जिसमें उसे वही ग्लासेस मिलते हैं जो उस आदमी ने उसे दिए थे। पर जब वो उन्हें पहनती है तो उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। पर तभी एक लव बॉयज उसके लिए केक लेकर आता है और अपना नाम लियू जियाओ बताता है, जहाँ जियांग को सैड देखकर वो उसके पास बैठ जाता है और उसकी आंखों में देखकर उसका माइंड रीड कर लेता है, जिसके बाद अचानक से आसपास का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है और जियांग उसी शॉप पे आती है जहाँ आज ही उसे काम से निकाला गया था, और उस शॉप पे जियांग का नाम लिखा था, मतलब ये शॉप उसी की है। और जब वो अंदर जाती है तो अपने बॉस को उसी जगह काम करते हुए देखती है। उसके बॉस जियांग को देखकर खुश होते हैं और उसे हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं, जबकि जियांग उनके साथ बिल्कुल वैसे ही करती है और उन्हें काम से निकाल देती है, जहां वो अपने ईयर एंड बोनस मांगते हैं, जिसपे जियांग उन्हें एक्सपायर्ड राइस बॉल देती है, जिसे लेकर वो वहां से चले जाते हैं। ऐसा करके जियांग को काफ़ी मज़ा आता है क्योंकि वो हमेशा से ऐसा करना चाहती थी। जिसके बाद लियू जियांग का हाथ पकड़ के उसे एक डोर के पास ले जाता है जहाँ काफ़ी रोशनी थी। पर जब जियांग दूसरी तरफ जाती है तो एक बड़े से घर में पहुँच जाती है जो देखने में काफ़ी सुंदर था, जहाँ लियू बताता है कि ये तुम्हारा ही घर है, जो सुन के उसे यकीन ही नहीं होता। पर वो टेबल पे इतना सारा खाना देख के एक्साइटेड हो जाती है। तभी वहाँ उसके डैड आते हैं, जिन्हें देखकर जियांग काफ़ी खुश होती है और उन्हें गले लगा लेती है और उनसे कहती है कि वो जाने से पहले उन्हें अपने जैसा खाना बनाना सिखाए, जिसपे उसके डैड कहते हैं कि अब से वो उसी के साथ रहेंगे, जो सुन के जियांग काफ़ी खुश हो जाती है। और फिर दोनों साथ में खाना खाते हैं। खाना ख़त्म होने के बाद उसके डैड अचानक गायब हो जाते हैं, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करती क्योंकि उसे पता था कि ये सब कुछ फेक है।
पर उसे काफ़ी अच्छा लगा था अपने डैड से मिलकर, इसीलिए वो लियू को थैंक्स कहती है। और जियांग को रियलाइज होता है कि लियू उनकी विशेस को पूरी कर रहा है, जिसपे वो अपनी थर्ड विश के बारे में पूछती है। तो लियू अपना हाथ आगे करता है जिसे जियांग पकड़ लेती है, जिसके बाद दोनों एक बिल्डिंग के टॉप पे पहुंच जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि न्यू ईयर ईव का काउंटडाउन अभी चल रहा है। और तभी आसमान में फायर क्रैकर्स का ब्यूटीफुल व्यूज दिखता है, जो देखकर जियांग काफ़ी खुश होती है, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस व्यू को इंजॉय करना चाहती थी, इसीलिए वो लियू के साथ उस व्यू को इंजॉय करती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लव बॉयज़ के फैन आज उनका थर्ड बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जमा हुए हैं। दूसरी तरफ जियांग अपनी फ्रेंड कीकी से लियू की ही बातें करते जा रही थी, जहाँ उसने तो लियू को अपना हस्बैंड तक मान लिया था। वहीं कीकी भी उसकी बर्थडे पार्टी में जाने वाली थी, जो जाने के बाद जियांग उससे रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि उसमें से किसी एक का यहाँ काम संभालना ज़रूरी था, जिसके बदले जियांग अकेले उससे लव बॉयज़ के सेकंड एनिवर्सरी बर्थडे पार्टी का लिमिटेड एडिशन ब्रेसलेट देती है, जिसके लिए कीकी यहाँ रुकने के लिए मान जाती है, जिस बात से खुश होकर जियांग नाचने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और हम ज्ञान को देखते हैं, जो एक डेटिंग कंपनी चलाती है और वो जियांग की बेस्ट फ्रेंड भी है। लेकिन आज लव बॉयज़ का थर्ड बर्थडे था, जिस वजह से ज्ञान के डेटिंग इवेंट में कोई भी लड़की नहीं आती, जिस बात से परेशान होकर वो अपना इमरजेंसी प्लान स्टार्ट करती है। फिर हम जियांग को देखते हैं, जो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी। तभी उसे एक कॉल आती है जो ज्ञान का होता है, और वो उसे बताती है कि उसकी डेटिंग इवेंट में कोई भी फीमेल नहीं आई और वो उसकी हेल्प मांगती है। लेकिन जियांग को तो लव बॉयज़ की बर्थडे पार्टी में जाना था, इसीलिए वो मना कर देती है। फिर ज्ञान उसे ऑफर करती है कि अगर वो उसके इवेंट में जाएगी तो वो उसके पूरे साल का रेंट फ्री कर देगी, पर जियांग कॉल कट कर देती है और एक्साइटमेंट में रोड क्रॉस करने लगती है। जिस बीच एक बाइक वाली उसे बचाने के चक्कर में खुद नीचे गिर जाती है, और वो एक ओल्ड ग्रैनी थी। दूसरी तरफ ज्ञान अपने इवेंट में जाती है, जहां सभी लोग फीमेल्स का इंतजार कर रहे थे, पर वो लोग ज्ञान को गेस्ट समझ लेते हैं और उसे पार्टनर बनाने लगते हैं, जो देखकर असिस्टेंट सीईओ सभी को क्रश ऑन लव की सीईओ से इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसके बाद सभी लोग फीमेल्स के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पे ज्ञान सभी से माफ़ी मांगती है और आज का इवेंट कैंसिल कर देती है, जिस बात से सभी लोग नाराज़ हो जाते हैं, पर ज्ञान बदले में उन्हें कंपेंसेट करने का वादा करती है और वहां से चली जाती है, जहां उसका असिस्टेंट उससे पूछता है कि वो कंपेंसेट कैसे करेगी, जिसके लिए ज्ञान के पास कोई प्लान नहीं था, और वो डिसाइड करती है कि लव बॉयज़ को उनकी नेक्स्ट एनिवर्सरी तक ख़त्म कर देगी। सीन शिफ्ट होता है और हम जियांग को देखते हैं, जो बाइक राइडर के साथ हॉस्पिटल में थी, पर उसे लव बॉयज़ के इवेंट में जाने के लिए लेट हो रहा था, इसीलिए वो डॉक्टर को अपना नंबर देकर वहां से चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो लेडी तो बेहोश होने का नाटक कर रही थी। रात में हम देखते हैं कि काउंटडाउन के साथ लव बॉयज़ का बर्थडे इवेंट स्टार्ट होता है, जिसके बाद पूरी सिटी में क्रैकर्स जलाए जाते हैं। वहीं जियांग भी एंट्री गेट पर पहुंच जाती है, पर वो लेट हो चुकी थी, इसीलिए टिकट होने के बावजूद उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता, जिस बात से वो दुखी हो जाती है। तभी वहाँ कुछ और लड़कियाँ आती है, जो जियांग का मजाक बनाती है कि वो कैसी गर्लफ्रेंड है जो अपने बॉयफ्रेंड के बर्थडे में लेट आई, वो तो उसकी गर्लफ्रेंड होना डिजर्व ही नहीं करती। जिसमें से एक उसके कपड़े देखकर पूछती है कि उसके पास टिकट कहाँ से आई, जिसपे जियांग बताती है कि उसने ये 50,000 एड्स देख के रिडीम की है, जो सुन के सब उसका मजाक बनाते हैं, और उनसे इरिटेट होकर जियांग वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो बिल्डिंग की टॉप पे खड़ा था। तभी वहाँ गार्ड्स आते हैं और उसे पकड़ने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए वो वहाँ से भागता जाता है, पर गार्ड्स भी उसके पीछे पड़े थे। सीन वापस से जियांग पे आता है, जो स्टेशन पे लियू की फोटोज को किस करने वाली थी। तभी वो आदमी जियांग से टकरा जाता है और वो उसे अपने बाहों में पकड़ लेता है, पर जब वो गार्ड्स को अपनी तरफ आते देखता है तो वो जियांग को किस कर लेता है। जब जियांग उसे धक्का देती है तो वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि लियू था। हम जियांग को देखते हैं, जिसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि लियू उसके सामने है, क्योंकि उसके लिए लियू एक वर्चुअल कैरेक्टर था जो रियल वर्ल्ड में उसके सामने है। पर लियू जब वहाँ से जाने लगता है तो जियांग उसका हाथ पकड़ लेती है और पूछती है कि क्या वो सच में लियू है, जो बताने के लिए लियू उसे अपनी आंखें बंद करने को कहता है। और जब जियांग अपनी आंखें बंद करती है तो लियू वहाँ से भाग जाता है, और जब जियांग अपनी आंखें खोलती है तो लियू वहां से जा चुका था, जिसके बाद वो वापस घर में आती है,
जहाँ ज्ञान मेडिटेशन करते वक्त जियांग पे गुस्सा कर रही थी, क्योंकि वो उसके बुलाने पर भी उसकी हेल्प करने की जगह एक वर्चुअल बॉयफ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने गई। पर जियांग उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती और अपने रूम में चली जाती है, जहाँ वो लियो की फोटो लेकर उसके साथ हुए किस वाले मोमेंट को याद करती है और साथ ही लियो की एक्सिस्टेंस को लेकर काफी कंफ्यूज थी। इसलिए सच पता करने के लिए वो लव बॉयज के लेंसेस लगा लेती है, जहां वो देखती है कि लियू उसके पास ही सोया हुआ था, जिसे जियांग बड़े प्यार से देखने लगती है और उसे टच करती है। जब वो उठता है तो बताता है कि वो उसका वेट करते करते यहीं सो गया था, जिसके लिए जियांग उससे माफी मांगती है, जिसपे लियू कहता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी उसका वेट कर सकता है, जो सुन के जियांग स्माइल करती है। जिसके बाद लियू अपना बर्थडे जियांग के साथ सेलिब्रेट करने के लिए पूरे रूम में सुंदर सी डेकोरेशन करता है। जिसके बाद जियांग उसे विशेष मांगने को कहती है, जहां लियू अपनी पहली विश बताता है कि जियांग हमेशा खुश रहे, दूसरी विश ये कि वो अपना हर बर्थडे जियांग के साथ सेलिब्रेट करे, और तीसरी विश लियू जियांग को देता है ताकि जियांग को जो चाहिए वो उसे पाने में उसकी हेल्प कर सके, और दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं। जिसके बाद जियांग अपने कबोट से एक कैप निकालकर लियू को पहनाती है और उसे आज जो कुछ भी हुआ वो रिपीट करने को कहती है। और हम फिर से स्टेशन का सीन देखते हैं, जहां लियू भागते हुए आता है पर गार्ड से ज्यादा ही पीछे छूट गए थे, इसीलिए जियांग उसे दोबारा करने को कहती है, पर इस बार गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन फिर अगली बार सेम सीन क्रिएट होता है, जहाँ लियू जियांग से टकराकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन फिर वो जियांग को उठाकर अपने साथ भगा ले जाता है। नेक्स्ट डे हम ज्ञान को देखते हैं, जहाँ उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि कल इवेंट में आए मेल्स को कंपेंसेट करने के लिए उन्होंने उन्हें एनुअल पास 50% ऑफ पे दिए। वहीं एक एम्प्लॉय बताती है कि जो कंपनीज उनकी साइट पे एड रन करती है वो नेक्स्ट मंथ से उन एड्स को रिन्यू नहीं करेगी, इसीलिए वो 50% प्राइस ऑफ करने का सजेशन देती है, जिसके लिए ज्ञान मान जाती है। इसी बीच जियांग भी 10,000 युआन मांगती है, जो सुन के ज्ञान शॉक हो जाती है, लेकिन जियांग उसे पैसे अकाउंट में भेजने के लिए कहकर वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम प्रेसिडेंट जियू को देखते हैं, जो अपनी कार में लव बॉयज गेम के साइड इफेक्ट्स के न्यूज देख रहे थे, जहां मैरिज रेट कम होते जा रहे थे और डिवोर्स केसेस बढ़ते जा रहे थे, और साथ ही ये गेम फीमेल्स के मेंटल हेल्थ पे असर कर रहा था। फिर जियू की असिस्टेंट लीना उन्हें सजेस्ट करती है कि उन्हें कल इंटरव्यू में उनकी बातों को गलत साबित करना चाहिए, पर वो इस न्यूज को सीरियसली नहीं लेते। फिर लीना बताती है कि कल कुछ इम्प्लॉयज की गलती की वजह से उनकी 10% सैलरी डिडक्ट कर ली, जिसपे जियू उसे इसे ज्ञान को करने को कहता है ताकि ये उसकी काइंडनेस को रिप्रेजेंट करे। वहीं हम उस लेडी को देखते हैं जिनका बाइक एक्सीडेंट हुआ था, और वो नर्स से काफी एरोगेंटली बात कर रही थी, क्योंकि उन्हें खाने में मीट चाहिए था, जो बातें जियांग चुपके से सुन लेती है। और जब वो उनके पास जाती है तो वो ग्रैनी उसे रेड लाइट क्रॉस करने के लिए डांटने लगती है, पर जियांग बताती है कि वो लाइट येलो थी, इसका मतलब उन दोनों को ही वेट करना चाहिए था, जहां दोनों की ही गलती थी, इसीलिए जियांग वहां से जाने लगती है। पर फिर वो लेडी अपने किलर ब्रदर को फोन लगाती है और उसे जियांग को मारने के लिए कहती है, जिनकी बातें जियांग सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि अगर वो खुद इतनी ओल्ड है तो उनका भाई कितना ओल्ड होगा। लेकिन फिर जियांग रोते हुए बताती है कि उनका मेडिकल एक्सपेंस देते देते वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में फंस गई है और वो ऑलरेडी काफी प्रॉब्लम्स में है, जो देखकर लेडी उसे अपनी एक्टिंग बंद करने को कहती है और एक काम के बारे में बताती है, जिससे वो मेडिकल एक्सपेंस वाला पेमेंट रिकवर कर सकती है। पर जब जियांग को पता चलता है कि वो काम क्लीनिंग का है तो वो रोने लगती है, जिससे चुप कराते हुए लेडी कहती है कि अगर वो उनका ये काम करेगी तो उसे उसके पैसे वापस मिल जाएंगे। रात में हम ज्ञान को देखते हैं, जो जियांग को समझा रही थी ये ड्रिंकिंग और गेमिंग की आदत उसे एक दिन जरूर डुबा लेगी, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर ज्ञान उसे उन बोरो के हुए पैसों के बारे में पूछती है, जहाँ जियांग उसे सारी बातें बता देती है कि उसे वो पैसे उस लेडी को देने थे जो उसकी वजह से हॉस्पिटल में है, और बताती है कि किस तरह उनके सबवे में लियू को किस किया। लेकिन ज्ञान उस पे बिलीव नहीं करती, क्योंकि वर्चुअल कैरेक्टर रियल वर्ल्ड में नहीं आ सकता, और वो जियांग को पागल समझने लगती है और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे हम जियांग को देखते हैं जो सो रही थी, तभी वहां लियू आता है और उसे प्यार से जगाता है, जिसके बाद जियांग लियू के साथ बाहर निकलती है, जहां अब अकेले बात करने वालों की भीड़ में जियांग भी शामिल हो गई थी। दूसरी तरफ ज्ञान अपने लिए भी लव बॉयज वाली गेम मंगवाती है,
ताकि वो अपने कॉम्पिटिटर को समझा सके। पर इस प्लान से उसका असिस्टेंट खुश नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो भी इस गेम की आदत ना बना ले, क्योंकि इस गेम की वजह से उसकी वाइफ ने उसे डिवोर्स दे दिया था। पर ज्ञान को अपने सेल्फ कंट्रोल पे काफी भरोसा था, इसीलिए वो उसे जाने को कहती है। सीन शिफ्ट होता है और हम जियू को देखते हैं, जो एक इंटरव्यू में बताता है कि उसे अपनी कंपनी वाइफोर और अपनी गेम लव बॉयस पे काफी प्राउड है, जिनकी बातों से रिपोर्टर अपना टॉपिक चेंज करता है और उन निगेटिव कमेंट्स के बारे में पूछता है जो डॉक्टर चेन ने वाइफोर पे लगाए थे, जिसपे जियो कहता है कि लोग उसकी सक्सेस से जलते हैं और ऐसे सेल्फिश एलिगेशंस लगाते रहते हैं, लेकिन उनकी वाइफोर गेम की हेल्प से काफी सिंगल वुमेन्स ने लव एक्सपीरियंस किया है। और तो और, वो अपने नेक्स्ट अपडेट्स में यंगस्टर्स के लिए टूरिंग फीचर्स भी ऐड करने वाले हैं, जिससे वाइफोर सोसाइटी में एक पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। फिर रिपोर्टर्स उनसे वर्चुअल बॉयफ्रेंड बनाने की क्रिएटिविटी के बारे में पूछता है, जिसपे जियो बताता है कि उसने वर्चुअल कैरेक्टर को सोल दी है जो उन्हें बाकी ह्यूमन से स्पेशल बनाती है। पर रिपोर्टर को कुछ खास क्लैरिफिकेशन नहीं मिलती और वो और डिटेल में बताने को कहते हैं, पर जियो इसे एक सीक्रेट बताता है। फिर हम जियांग को देखते हैं, जो ग्रैनी की बताई हुई लोकेशन पे पहुंच जाती है, जहां हॉस्पिटल में उन्होंने उसे अपने कपड़े और हेलमेट दिया था ताकि कोई भी उसे पहचान ना पाए, जिसके बाद वो ग्रैनी की बताई हुई गाइडेंस की हेल्प से बे हाउस में पहुंच जाती है, जहां उसे काम करना होगा। जब जियांग अपने चारों तरफ देखती है तो काफी सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि सब कुछ काफी लग्जूरियस था। जहां जियांग को अपने 2 से 4 की डेली शिफ्ट करनी होगी और उसे 4 से पहले वहां से निकलना होगा, और अगर किसी ने उसे पकड़ लिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी हम जियो को देखते हैं, जो उसी बे हाउस में आता है, इसका मतलब इतना मॉडर्न हाउस उसी का है। वहीं जियांग तो यहां वहां घूम रही थी, क्योंकि उसने इतने बड़े और लग्जूरियस घर को कभी नहीं देखा था। फिर उसे लगता है कि जरूर ये किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का घर होगा, लेकिन फिर उसे ग्रैनी की कही बात याद आती है, जो उसे सिर्फ अपने काम से काम रखने को कहती है, जिसके बाद जियांग अपने काम में लग जाती है और सफाई करना शुरू करती है, जहां पहले वो मोपिंग करती है और उसके बाद क्लीनिंग। फिर हम जियो और उसकी असिस्टेंट लीना को देखते हैं, जो किसी हाईटेक से रूम में अपने गेम के चारों में कैरेक्टर्स पे नजर रखी हुई थी, और वो कोई वर्चुअल कैरेक्टर नहीं बल्कि रियल ह्यूमंस थे, जो उसी बे हाउस में रहकर सब कुछ ऑपरेट करते हैं। में हम चारों लव बॉयज को देखते हैं, जिनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट लीना जियो को बताती है, पर उस रिपोर्ट से वो खुश नहीं होता और बताता है कि उसे 100% रिजल्ट चाहिए। पर जियो ग्राफ देख के डाउनफॉल का रीजन पूछता है, जिसपे लीना बे हाउस में हुए शॉर्ट सर्किट के बारे में बताती है। सीन शिफ्ट होता है और हम ज्ञान को देखते हैं, जो वाइफोर के लव बॉयज गेम को ट्राई करने वाली थी, पर जब वो उन लेंसेस को लगाती है तो उसे कुछ भी फील नहीं होता। तभी डोर पे एक कुरियर बॉय पार्सल लेके आता है और बॉक्स अंदर रखने के बहाने वो ज्ञान पे चाकू रख के उससे पैसे लूटने लगता है। पर जब वो मौका पाके पुलिस को कॉल करने लगती है तो ये चोर देख लेता है और उसे मारने के लिए बढ़ता है, पर तभी एक लव बॉयज आता है और ज्ञान को बचा लेता है। इसका मतलब ये सब कुछ फेक था। और जब ज्ञान उस चोर पे हमला करती है तो वो दोनों ही गायब हो जाते हैं, जहां उसे यकीन नहीं होता कि ये गेम इतनी रियलिस्टिक हो सकती है। जिसके बाद लियो वहां आता है और ज्ञान के हाथ पे आइस पैक लगाता है, पर ज्ञान उसे ऐसा करने से रोकती है, क्योंकि उसे पता था कि ये सब कुछ फेक है। जिसपे लियो कहता है कि जब तक वो उसके साथ है उसके लिए सब कुछ रियल है। फिर वो ज्ञान से उसकी विश के बारे में पूछता है, जिसपे वो विश मांगती है कि वो गायब हो जाए, इसीलिए लियो ऐसा ही करता है और वहां से गायब हो जाता है। फिर जब ज्ञान एक ग्लोब को देखती है तो एक बर्फीली जगह पे पहुंच जाती है, जहां तीसरा लव बॉय भी उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर ज्ञान को कुछ खास पसंद नहीं आता। और जब वो आगे बढ़ती है तो आखिरी लव बॉयज को देखती है, जो पियानो प्ले कर रहा था, पर उससे एक रिदम प्ले नहीं हो रही थी, इसलिए ज्ञान उसके साथ बैठ के उस रिदम को करेक्टली प्ले करती है, जिसपे पांच उसे देखता रह जाता है। और फिर दोनों साथ में पियानो प्ले करते हैं, जिसके बाद वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, पर ज्ञान उसे थप्पड़ मार देती है, जिस वजह से वो गायब हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम चारों लव बॉयज को देखते हैं, जो विश कर रहे थे कि काश सर्वर्स परमानेंटली ब्रेक डाउन हो जाए ताकि वो दिन भर गेम्स खेल सके। जिसपे जियो कहता है कि अगर टास्क पूरे कंप्लीट नहीं हुए तो
तो उन्हें हमेशा के लिए यहाँ रहना पड़ेगा। पर लियू बताता है कि वो बाहर की दुनिया देखना चाहता है। इस पे जियो कहता है कि एक बार उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए फिर वो आजाद हो जाएंगे। जिस बात से खुश होकर लियू उसके कंधे पे हाथ रखता है, लेकिन जियो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें मार खाए हुए लगता है ज्यादा दिन हो गया। जहाँ हम देख पाते हैं कि लियू सिर्फ गेम के अंदर ही एक केयरिंग कैरेक्टर है, जबकि रियल वर्ल्ड में वो काफी गुस्से वाला है। फिर हम जियांग को देखते हैं, जिसका सारा काम खत्म हो चुका था, इसीलिए वो अपना हेलमेट वापस लगा के वहाँ से जाने लगती है। तभी लिफ्ट की दूसरी तरफ से कोई आ रहा था, जिस बात से वो काफी घबरा जाती है। जब लिफ्ट खुलती है तो वो लव बॉयज थे, जो पिछले दिन सफाई ठीक से ना होने की बात कर रहे थे। लेकिन जब वो देखते हैं तो क्लीनिंग का काम अच्छे से हो चुका था। जहाँ जियो लियू से उनके साथ गेम्स खेलने को कहता है, लेकिन लियू अपने रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ जियांग बिना किसी की नजरों में आए वहां से निकल जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम ज्ञान को देखते हैं, जिसे उन वर्चुअल कैरेक्टर्स लव बॉयज की वजह से काफी नुकसान हो रहा था, इसीलिए वो अपने एम्प्लॉयज से इनपे सजेशंस मांगती है। जिसपे एक एम्प्लॉय सजेस्ट करता है कि उन्हें जियो के साथ कोलैबोरेशन करनी चाहिए, लेकिन ज्ञान जानती थी कि लियू कभी नहीं मानेगा। फिर दूसरा एम्प्लॉय उन्हीं की तरह गेम लॉन्च करने को कहता है ताकि वो मेल ऑडियंस को टारगेट कर सके, लेकिन ज्ञान इसके लिए गुस्सा करती है और बाकियों के प्लान्स को भी रिजेक्ट करके वहां से चली जाती है। जहां कैबिन में ज्ञान को मिस्टर सीओ का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि जीपेंग फाउंडेशन अब अपनी इन्वेस्टमेंट वापस लेने वाले हैं, क्योंकि हमारी कंपनी हर साल घाटे में जा रही है। लेकिन ज्ञान समझ जाती है कि इसका रीजन Y4 है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो वर्चुअल गेम्स को ह्यूमन लाइफ पे अफेक्ट होने नहीं देगी, जो सुन के मिस्टर सीओ उसकी खूब तारीफ करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम जियांग को देखते हैं, जहां ग्रैनी उसकी क्लीनिंग स्किल्स की काफी तारीफ कर रही थी, पर जियांग इससे खुश नहीं होती क्योंकि एंड ऑफ द डे वो एक क्लीनर ही रहेगी। जिसपे ग्रैनी उसे समझाती है कि वो तो एनवायरमेंट क्लीन रखने में दूसरों की हेल्प करते हैं। फिर वो अपना एक्सपीरियंस जियांग को बताती है कि कोई और स्किल्स ना होने की वजह से उन्हें ये जॉब करनी पड़ी और ऊपर से यहाँ की सैलरी काफी ज्यादा है। जब ग्रैनी उसे पेमेंट के बारे में बताती है तो जियांग के होश उड़ जाते, क्योंकि ये उसकी इनकम के 10 times थी। जब जियांग मेट्रो में वापस जा रही थी तो ज्ञान का आर्टिकल पढ़ती है, जिसमें उसने लव बॉयज के अगेंस्ट में काफी बातें लिखी थी, जिसके रिस्पॉन्स में लव बॉयज के फैंस ऑफेंड हो जाती है और ज्ञान के अगेंस्ट निगेटिव कमेंट करने लगती है। दूसरी तरफ हम जियो और लीना को देखते हैं, जहां वो उस आर्टिकल्स के बारे में बताती है जो ज्ञान ने पब्लिश की, जिसपे जियो उसे उस आर्टिकल्स को भी वायरल करने को कहता है, जिससे उन्हें और भी अटेंशन मिलेगी। उसके बाद जियो उन एम्प्लॉयज को फायर करने के लिए कहता है जिन्होंने उसे ग्रीट नहीं किया, जिसे हम समझ सकते हैं कि वो कितना स्ट्रिक्ट पर्सन है। सिन जियांग पे आता है, जो ज्ञान पे उस आर्टिकल्स के लिए काफी गुस्सा करती है और वो बताती है कि Y4 की फैंस उसे नहीं छोड़ेगी, इसलिए उसे पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए। पर ज्ञान को अपने ऊपर काफी कॉन्फिडेंस था, इसीलिए वो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती और स्लीपिंग पिल्स खाने लगती है। लेकिन जियांग उसे रोकती है क्योंकि ये उसकी हेल्थ पे बैड अफेक्ट कर सकता था, और वो उसके साथ सोने का डिसाइड करती है। नेक्स्ट डे हम याओ इनकॉर्पोरेशन में लव बॉयज को देखते हैं, जहां वो खुद को मेंटेन करने के लिए अपना काफी ध्यान रखते हैं, जिसके लिए वो डेली एक्सरसाइज करते हैं और हाइजेनिक फूड खाते हैं। दूसरी तरफ जियांग अपार्टमेंट से बाहर निकलती है तो देखती है कि Y4 के फैंस ज्ञान के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो देखकर जियांग ज्ञान को कॉल करती है और सारी बातें बताती है। फिर कुछ देर बाद अपार्टमेंट से एक कार निकलती है, जिसे ज्ञान समझ के सभी घेर लेते हैं, पर वो जियांग थी। और इसी बीच मौका पाकर ज्ञान दूसरी कार से वहां से चली जाती है, लेकिन प्रोटेस्टर्स ज्ञान की ऑफिस के बाहर थे और उससे माफी मांगने को कह रहे थे। जैसे ही मिस्टर सीओ गाड़ी से उतरता है तो लोग उसे अंडे मारने लगते हैं। फिर ज्ञान लव बॉयज का अम्ब्रेला निकालती है, जिसे देख के कोई भी उस पे अंडे नहीं फेंकता। सीन शिफ्ट होता है और हम जियांग को देखते हैं, जो याओ इनकॉर्पोरेशन में क्लीनिंग के काम के लिए पहुंच चुकी थी और वो ब्यूटी पार्लर वाले काम से रिजाइन करने का सोच रही थी, लेकिन फिर वो अपने काम में लग जाती है, क्योंकि अगर उसकी ये जॉब भी चली गई तो वो प्रॉब्लम में फंस जाएगी। दूसरी तरफ मिस्टर सीओ ज्ञान को एक इन्वेस्टर के बारे में बताते हैं, जो 4:30 मिलने आने वाले थे, लेकिन ज्ञान उन्हें कंपनी की जगह कहीं और बुलाने को कहती है, क्योंकि अगर उन्होंने ये प्रोटेस्ट देखा तो वो शायद इन्वेस्ट ना करें। सीन वापस से जियांग पे आता है, जो अपना काम खत्म करके फ्री हो चुकी थी। फिर तभी उसे याद आता है कि उसका लंच बॉक्स तो
याओ इनकॉर्पोरेशन में ही छूट गया है, इसीलिए वो उसे लेने के लिए वापस जाती है। लेकिन जब वो अपना बैग लेकर वापस जाने लगती है तो देखती है कि लिफ्ट से कोई आ रहा है, जिस बात से वो घबरा जाती है क्योंकि अगर वो पकड़ी गई तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी उसे ग्रैनी की बातें याद आती है जिन्होंने उसे प्रॉब्लम के वक्त छुपने के लिए एक जगह बताई थी। और जब वो पिग्गी में एक कॉइन डालती है तो एक हिडन डोर ओपन होता है, इसीलिए वो उसमें छुप जाती है। लेकिन अपना लंच बॉक्स वो फिर से बाहर ही भूल गई थी। इतने में लव बॉयज वहाँ आते हैं जो काफ़ी थके हुए थे, जहाँ सियोली मजाक करता है कि जियो उसके डैड हैं और लीना उसकी मॉम। तभी जियो न्यान वो बैग नोटिस कर लेता है जो जियांग बाहर ही भूल गई थी। जिस बैग को लेकर जियो न्यान बाकी दोनों के पास जाता है, जिसके बाद उन्हें एक अजीब सी स्मेल उसमें से आने लगती है। इसीलिए लियो उसे खोलता है और लंच बॉक्स को बाहर निकालता है, जिसे देखकर जियो न्यान कहता है कि जियो ने उन्हें बताया था कि ये जंक फूड है जिसमें काफी ऑयल्स और नमक होता है। पर लियो हेल्दी फूड खा के बोर हो चुका था, इसीलिए वो उसे ट्राई करने लगता है। और ये सब जियांग चुपके से देख रही थी और उसे उनकी आवाज जानी पहचानी सी लगती है। जब लियो खाना स्टार्ट करता है तो उसे ये काफी टेस्टी लगता है, जिसे सियोली हैरानी से देखता रहता है। और फिर वो भी उस खाने को ट्राई करता है जो उसे काफी पसंद आता है। जिन्हें इस तरह खाते हुए देखकर जियो न्यान बताता है कि जरूर ये एडिक्टिव फूड होगा, इसीलिए लोग इसे जंक फूड कहते हैं। वहीं जियांग मौका पाकर छुपके से निकलने का ट्राई करती है, लेकिन उसे लियु जियाओ देख लेता है और उसे जाने से रोकता है, जिसकी आवाज से बाकी तीनों भी वहां आ जाते हैं। फिर जियांग अपना फेस हेलमेट से कवर करके पीछे घूमती है और जब वो लियु जियाओ को यहाँ देखती है तो शॉक्ड हो जाती है। हम जियांग को देखते हैं जो लियु को देखने के बाद उसकी तरफ बढ़ती है और उसके गालों को छू के देखती है कि वो रियल है या फिर फेक, जिसके ऐसा करने पे लियो उसे उठा के पटक देता है, जिससे बाकियों को लगता है कि वो मर गई। पर जियांग अपनी आंखें खोलती है और हैरान हो जाती है क्योंकि वो चारों ही लव बॉयज की तरह दिख रहे थे। वहीं लियो को ये सब देखकर जियो को रिपोर्ट करने के लिए कहता है, जिनका नाम सुन के जियांग समझ जाती है कि जियो ने इन चारों को यहाँ रखा हुआ है और ये कोई वर्चुअल कैरेक्टर नहीं बल्कि रियल ह्यूमन से, इसीलिए वो अपना हेलमेट उतारती है। फिर लियो उससे उसके बारे में पूछता है, जिसपे जियांग खुद को उसकी वाइफ बताती है, जो सुन के सभी उसे हैरानी से घूरने लगते हैं। फिर लियो ग्रैनी के बारे में पूछता है, जिसपे जियांग बताती है कि वो इंजर्ड है और वो उसकी जगह काम करने आई है। वही जियो न्यान उन्हें रूल्स याद दिलाता है कि किसी भी अननोन पर्सन के आने पे उन्हें लीना को रिपोर्ट करना होगा, इसीलिए वो दोनों अलार्म बजाने लगते हैं, जिन्हें जियांग रिक्वेस्ट करके रोकती है और 10 मिनट मांगती है सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है और हम ज्ञान को देखते हैं, जहां मिस्टर सियो घबराते हुए आते हैं और बताते हैं कि उनकी वेबसाइट हैक हो गई है। जब ज्ञान चेक करती है तो शॉक्ड रह जाती है, लेकिन वो समझ जाती है ये काम जरूर किसी वाईफोर के फैंस ने किया होगा, इसीलिए वो इस मैटर को नेटवर्क सुपरविजन डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करने के लिए कहती है और लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट से मीटिंग अरेंज करने को कहती है, जिसपे मिस्टर सियो परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये मैटर काफी बड़ा हो सकता है। लेकिन ज्ञान उन्हें अपने ऑर्डर्स फॉलो करने को कहती है। फिर हम जियो को देखते हैं, जिसे लीना ज्ञान की वेबसाइट हैक वाली बात बताती है, लेकिन जियो उसे ज्ञान की जगह लव बॉयज पे नजर रखने को कहता है। फिर हम जियोनिया को देखते हैं जो बुक्स पढ़ रहा था, तभी वहाँ जियांग आती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके बारे में रिपोर्ट ना करे क्योंकि उसे अपना डेब्ट पे करना है, जिसपे जियोनिया उसके डेब्ट के बारे में पूछता है। फिर जियांग बताती है कि उसकी मॉम तब मर गई थी जब मैं काफी छोटी थी और उसके डैड शिप में एक कंट्री से दूसरी कंट्री काम करते हैं, जिसकी वजह से वो अकेली रहती है और अपने सर्वाइवल के लिए काफी सारी जॉब्स करती है और अब उसे ग्रैनी का मेडिकल एक्सपेंस भी उठाना पड़ता है। इसके बाद वो उसे वादा करती है कि ग्रैनी के डिस्चार्ज होते ही वो यहाँ कभी नहीं आएगी। फिर जियांग ल्यूको के पास जाती है और उसे टेस्टी फूड का लालच देती है कि अगर वो उसे रिपोर्ट ना करे तो वो उसे डेली टेस्टी खाना ला कर देगी। पहले तो लियो नहीं मानता, लेकिन फिर टेस्टी फूड के नाम सुन के उससे रहा नहीं जाता और वो भी मान जाता है, जिसके बाद जियांग सियोली के पास जाती है, लेकिन वो उससे डरकर दूर भाग रहा था, जो देखकर जियांग समझ जाती है कि उसे सोशल फोबिया है, इसीलिए वो उसे ऑफर करती है कि अगर वो उसे रिपोर्ट नहीं करेगा तो वो उससे हमेशा दूर रहेगी, लेकिन अगर उसने उसे रिपोर्ट किया तो उसकी जगह कोई और आ जाएगी जो उसके नजदीक जाएगी और ये सिलसिला चलता रहेगा। फिर जियांग लियो के पास जाती है और कहती है कि तुम दिन भर एक्टिंग करके थक गए होगे, जिसे देखकर लियो कहता है कि तुम्हारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है,
जो सुन के जियांग उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें याद नहीं। फिर वो उसे सबवे स्टेशन वाली किस के बारे में पूछती है, जिसपे लियू को वो किस वाला मोमेंट याद आ जाता है, पर वो बिलीव नहीं करता कि ये वही लड़की है, इसीलिए वो इस बात से साफ इनकार कर देता है, जो प्रूफ करने के लिए जियांग उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है। जहां लियू पूछता है कि वो पक्का ज्यादा टाइम नहीं रुकेगी ना, जिसके लिए वो प्रॉमिस करती है और जाने लगती है। लेकिन लियू भी उसके पीछे उसे रिपोर्ट करने जाता है, जो देखकर जियांग उसके पैर पकड़ लेती है और कहती है कि अगर उसने ऐसा किया तो स्विमिंग पूल में डूबकर जान दे देगी, और ना चाहते हुए भी लियू को मानना पड़ता है, जिसके बाद जियांग वहां से चली जाती है। और वो लियू के बारे में ही सोच रही थी कि भला उसकी पर्सनैलिटी गेम से इतनी अलग क्यों है। लेकिन गार्डन में वो ग्रैनी की मोटरसाइकिल और हेलमेट नोटिस करती है, जहां ग्रैनी उसे पूछती है कि वो इतनी लेट क्यों आई, जहां जियांग झूठ बोलती है वो तो यहीं घूम रही थी। लेकिन ग्रैनी समझ जाती है कि जियांग ने उन चारों को देख लिया है, इसीलिए वो उसे ये बात सभी से सीक्रेट रखने को कहती है। फिर जियांग उनसे पूछती है कि वो हॉस्पिटल से बाहर कैसे आई, इस पे ग्रैनी बताती है कि वो रिकवर हो चुकी है, जो सुन के जियांग काफी खुश हो जाती है। लेकिन फिर उन्हें उनकी डील याद दिलाती है कि वो उनकी जगह काम करेगी और सैलरी 50-50 करेगी, जो डील उन्हें याद थी, और वो अब बस अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती है। फिर जियांग उन्हें बाय कहकर वहां से चली जाती है। जब जियांग घर पहुंचती है तो अंधेरा होने की वजह से काफी डर जाती है। जब ज्ञान उसके पास बॉक्सेस देखती है तो उसे लगता है कि उसने फिर से पैसे वेस्ट किए हैं, लेकिन ये सारे पार्सल्स तो ज्ञान के नेम पर था। जब वो उन्हें खोलती है तो उसमें उसके हेटर्स के दिए हुए लेटर्स मिलते हैं, जिसे जियांग फेंकने के लिए वापस रखती है, जहां ज्ञान काफी उदास थी, इसीलिए वो जियांग को कुछ इंटरेस्टिंग बताने को कहती है। इससे पहले वो लव बॉयस के बारे में बताती, उसे ग्रैनी की बात याद आ जाती है, इसीलिए वो बात बदल देती है और कहती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड यानी ज्ञान का कभी बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता। जो सुन के ज्ञान बताती है कि उसके तो आगे पीछे लोग घूमते रहते हैं, लेकिन उसे आज तक उसकी पसंद का लड़का नहीं मिला, जिसपे जियांग उसे जियो सजेस्ट करती है। तभी हम देखते हैं कि ज्ञान और जियो एक दूसरे पे फायरिंग कर रहे हैं, मतलब दोनों ही एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। जिसके बाद ज्ञान जियांग के पीछे उसे मारने जाती है कि भला उसने ऐसा सोचा भी कैसे। नेक्स्ट डे हम लव बॉयज को देखते हैं, जो जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे, लेकिन लियू तो उस मोमेंट के बारे में सोच रहा था जब जियांग उसे किस करने के लिए आगे बढ़ी थी। वहीं बाकी सभी जियांग के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि वो आज उनके लिए टेस्टी खाना लाने वाली थी। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं, जो लव बॉयज के लिए काफी सारा फास्ट फूड ले रही थी। जियांग को इतना सारा खाना लेते देखकर शॉप ओनर पूछता है कि क्या उसके डैड वापस आ गए हैं, जिसपे वो बताती है कि वो अभी सोमालिया में है। फिर कुछ देर बाद जियांग याओ इनकॉर्पोरेशन पहुंच जाती है, जहां वो डिसाइड करती है कि आज वो अपने काम से लियू को इम्प्रेस कर लेगी और अपने प्यार में फंसा लेगी। जब वो काम कर रही थी तो वो अपने हर तरफ लियू को ही फील कर रही थी, जो कभी बुक्स पढ़ रहा था, कभी सो रहा था, तो कभी टेरी के साथ खेल रहा था। फिर अपना काम खत्म करने के बाद जियांग सभी के लिए स्पाइसी फूड डाइनिंग टेबल पे लगा देती है, जो देखकर लियू को और सियोली भागे भागे आते हैं। और जब जियोनिया देखता है तो समझ जाता है कि ये हॉटपॉट है, क्योंकि उसे इसने एक फिल्म में देखा था। फिर जियांग सियोली से कहती है कि अगर उसे मुझसे डर लग रहा है तो वो जा सकता है, लेकिन सियोली इतना टेस्टी खाना मिस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो सबके साथ खाने के लिए बैठ जाता है। फिर जियांग लियू को भी खाना ट्राई करने को कहती है, पर लियू बिना कोई जवाब दिए वहां से चला जाता है, जो देखकर जियांग थोड़ी सैड हो जाती है, लेकिन बाद में उसे काफी अच्छा फील होता है, क्योंकि वो लव बॉयज के साथ बैठी थी। वही रूम में लियू घबराहट में कुछ ढूंढ रहा था, इसीलिए वो सारा सामान इधर उधर कर देता है, पर फिर भी वो उसे नहीं मिलता। लेकिन जब वो दूसरे रूम देखता है तो उसकी टेडी को जियांग ने धो दिया था, जिस बात से लियू काफी गुस्सा हो जाता है और जियांग को वहां से जाने के लिए कहता है, जिसपे जियोनिया इसका रीजन पूछता है, तो लियू बताता है कि जियांग ने उसका टेडी वॉश कर दिया, जो सुन के जियांग उसे कहती है कि वो काफी डर्टी हो गया था और इसीलिए उसने उसे धो दिया। लेकिन लियू उसकी एक नहीं सुनता और उसे जाने के लिए कहता है, जिसे गुस्सा करते देख जियोनिया उसे समझाता है कि उसे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था कि उसे किन चीजों से दूर रहना चाहिए, जिसपे जियांग भी उसपे गुस्सा करने लगती है। फिर लियू अपने रूम में वापस चला जाता है। कुछ देर बाद जब जियांग जब वहां से निकलती है तो लियू पे काफी गुस्सा कर रही थी, क्योंकि वो काफी मीन था, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो लियू से अपना बदला लेगी। जियांग को देखते हैं, जो वर्चुअल लियू को गुस्से में उसका टेडी अपने हाथों से वॉश करने को कहती है, जिसे लेकर लियू वॉश करने चला जाता है। जब वो उसे वॉश कर रहा था तो जियांग वहां आके उस पे चिल्लाती है और कहती है कि तुमने किससे पूछकर मेरा टेडी वॉश किया।
जिसका ऐसा बिहेवियर देखकर लियो उसके सैड मूड का रीजन पूछता है, जिसका जिम्मेदार जियांग उसे ही ठहराती है और कहती है कि अगर वो यहाँ से नहीं गया तो वो उसे मारेगी, जिसपे लियो मार खाने के लिए अपना फेस आगे कर देता है, जो देखकर जियांग स्माइल करने लगती है और वो कहती है कि उसे मार के उसका हाथ दर्द करेगा, जिसपे लियो उसे हक कर लेता है और कहता है कि उसका हाथ नहीं बल्कि हर्ट दर्द करेगा, जो सुन के जियांग का गुस्सा पूरी तरह शांत हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम जियो को देखते हैं, जो लीना को ओरिजिनल प्लांट की जगह फेक प्लांट रखने के लिए कहता है, क्योंकि ये प्लांट टाइम से पहले ही खिल गया था। पर लीना उसे बताती है कि सर्वर प्रॉब्लम की वजह से उनके प्लेयर्स को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही है, इसीलिए उन्हें G4 का मोशन कैप्चर 1 से 2 वीक के लिए बंद करना होगा और तब तक के लिए उन्हें लव बॉयज को छुट्टी देनी पड़ेगी, जिसके लिए जियो मान जाता है। फिर लीना बताती है कि क्यानिया का कोई सपोर्टर भी है जिसकी आईडी नेम गेस है। फिर हम क्यानिया की कंपनी के बाहर प्रोटेस्टर्स को देखते हैं, जो उसे अभी तक माफी मांगने के लिए कह रहे थे। वहीं क्यानिया ये देखती है कि उसके सपोर्ट में भी लोग कमेंट कर रहे हैं, पर सीयू बताता है कि ये उन्हीं की कंपनी के लोग हैं और जो आईडी गेस सबसे ज्यादा एक्टिव है वो मेरी है। फिर क्यानिया मीडिया को अपने फेवर में करने का डिसाइड करती है, जिसपे सीयू उसे अपनी एक्स वाइफ की बेस्ट फ्रेंड सजेस्ट करता है, जो फॉलो न्यूज साइट की टॉप जर्नलिस्ट है, जो सुनके क्यानिया उसे तुरंत कांटेक्ट करने को कहती है, पर सीयू शर्माने लगता है क्योंकि वो उसकी एक्स वाइफ की बेस्ट फ्रेंड थी। पर क्यानिया उसे ऑर्डर देती है, इसीलिए वो तुरंत वहां से उसे कांटेक्ट करने भागता है। सीन शिफ्ट होता है और हम नियान को देखते हैं, जो लियो का टेडी बियर लेकर उसे देने आता है, पर लियो दरवाजा खोलता है तो नियान की कोई बात नहीं सुनता और अपना टेडी लेकर डोर बंद कर देता है। उसका गुस्सा देखकर नियान को उसकी फिक्र होने लगती है, पर लियो के और स्यूली को तो जियांग की फिक्र हो रही थी, क्योंकि अगर वो गुस्सा होकर काम पे नहीं आई तो उन्हें टेस्टी खाना खाने को नहीं मिलेगा। पर नियान को उम्मीद थी कि वो जरूर वापस आएगी, क्योंकि उसे इस जॉब की सख्त जरूरत है। पर हम जियांग को देखते हैं, जो याओ इनकॉर्पोरेशन में काम करने नहीं गई थी, क्योंकि कल के इंसिडेंट के बाद उसने रिजाइन करने का सोच लिया था, जिसके डिसीजन को उसकी फ्रेंड कीकी सपोर्ट करती है। जब कीकी उस जॉब की सैलरी के बारे में सुनती है तो शॉक्ड हो जाती है। पर तभी वहां ग्रैनी आती है, जो जियांग से कहती है कि भला वो जॉब को ऐसे कैसे किसी को दे सकती है, जिसपे कीकी ग्रैनी से कहती है कि वो जियांग के मुकाबले सिर्फ 3 times सैलरी में काम करेगी, जो सुन के जियांग अपने रिजाइन करने का मन बदल लेती है। दूसरी तरफ हम क्यानिया को देखते हैं, जहां वो जर्नलिस्ट उसका इंटरव्यू लेने के लिए आई थी। फिर इंटरव्यू स्टार्ट होता है, जहां क्यानिया बताती है कि उसने सोसाइटी में होने वाली गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाई है, जिसपे रिपोर्टर्स पूछती है कि ये आवाज उसने अपनी कंपनी के डूबते वक्त क्यों उठाई, जहां क्यानिया काफी समझदारी से जवाब देती है कि उसे दर्द का एहसास हुआ तभी वो आवाज उठा पाई, वरना वो भी बाकियों की तरह सब कुछ सिर्फ देखती रहती। फिर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड जियांग का एग्जाम्पल देती है, जो इस गेम की वजह से काफी बदल गई है। पर इसके बाद रिपोर्टिंग के दौरान दोनों एक दूसरे को टारगेट करने लगते हैं और बात बिगड़ जाती है। कुछ देर बाद क्यानिया सीयू से कहती है कि आगे से मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करूंगी, और अब वो खुद ही कोई रास्ता ढूंढेगी, जिसपे सीयू उसका मजाक बनाता है, जिससे गुस्सा होकर वो उसे जाने के लिए कहती है। सीन जियांग पे आता है, जो याओ इनकॉर्पोरेशन में अपना काम करने आई थी, लेकिन वो डिसाइड करती है कि वो उन चारों के आने से पहले ही अपना काम करके चली जाएगी। लेकिन जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि वो चारों ऑलरेडी अंदर हैं। जियांग को वहां देखकर लियो वहां से चला जाता है, क्योंकि वो अभी तक उससे नाराज था, जिसके पूछने पे नियान बताता है कि जियो ने उन्हें 1 हफ्ते की छुट्टी दी है। वहीं लियो को और सियोली उसके हाथ में बैग देखकर समझ जाते हैं कि वो आज भी उनके लिए कुछ खाने के लिए लाई है, जिसके बाद वो सभी को वॉफलेस सर्व करती है। फिर नियान पूछता है कि क्या वो लियो को बुला ले, पर जियांग मना कर देती है, क्योंकि वो अभी भी काफी नाराज थी। जिस पर नियान और लियो के कहते हैं कि वो टेडी बियर उसके लिए काफी मैटर करता है, क्योंकि वो उसे किसी इम्पोर्टेंट पर्सन ने दिया था। फिर लियो के उसे बताता है कि लियो ऐसा ही है, इसीलिए उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर सबके जाने के बाद जियांग अपने काम में लग जाती है, जहां वो पहले टेबल क्लीन करती है और फिर बाकी के काम करती है। जब वो लियो के रूम के बाहर आती है तो खुद से कहती है कि अब वो इसका रूम कभी भी साफ नहीं करेगी। वहीं अंदर रूम में लियो अभी भी अपने टैडी को पकड़ा हुआ था और किसी को मिस कर रहा था, जो उसके साथ बचपन में खेलता था। रात में हम देखते हैं कि जियांग अपना काम खत्म करके वापस आ गई थी, वो काफी थक चुकी थी, जिसे ऐसे देखकर
क्यानिया इसका कारण पूछती है तो जियांग बताती है कि उसने अपने कलीग का टेडी वॉश कर दिया, पर थैंक यू बोलने की जगह उसने मुझे डांटा और मारने की भी कोशिश की। जो सुन के क्यानिया उसी को ब्लेम करती है क्योंकि उसके बिना कहे ही उसने उस टेडी को वॉश कर दिया, पर वो थी तो उसकी बेस्ट फ्रेंड, इसलिए वो कहती है कि लड़कियां कभी गलत नहीं हो सकती, इसलिए वो उसकी जगह उससे बदला लेगी। पर जियांग कहती है कि वो ऑलरेडी उसे डांट चुकी है, जिसके बाद क्यानिया अपने दिन भर की बात बताने लगती है, पर जियांग सुनने से मना कर देती है, जो देखकर क्यानिया नाराज हो जाती है। फिर सोते वक्त क्यानिया नॉर्मल लेंसेस को लगाती है और सोने के लिए जब स्लीपिंग पिल्स चेक करती है तो वो खाली थे, इसीलिए फिर लैपटॉप पे अपना काम करने लगती है। नेक्स्ट डे क्यानिया अपने डॉक्टर के पास जाती है, जिसकी कंडीशन देखकर डॉक्टर समझ जाती है कि जरूर उसने मेडिसिन का ओवरडोज लिया होगा, इसलिए वो उसे समझाती है कि ऐसा करना उसकी जान को खतरे में डाल सकता है, पर वो कहती है कि तब तो मरना ही बेटर होगा। जो सुन के डॉक्टर उसे कहती है कि जब तक बेटर ट्रीटमेंट नहीं मिलता उसे मेडिटेशन करते रहना चाहिए ताकि वो अपने इमोशंस को स्टेबल कर सके। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम जियू और लीना को देखते हैं, जो क्यानिया के आर्टिकल और इंटरव्यू को देखकर परेशान थे क्योंकि उसके आर्टिकल की वजह से मेल ऑडियंस उसकी सपोर्ट में आ चुके थे, लेकिन जियू अभी भी किसी तरह का एक्शन नहीं लेना चाहता था। सीन वापस क्यानिया पे आता है जहाँ सीयू भागा भागा आता है और दिखाता है कि उस जर्नलिस्ट ने उसके फेवर में आर्टिकल पब्लिश किया है और काफ़ी लोग उसके सपोर्ट में भी आए हैं, जो देखकर क्यानिया सरप्राइज हो जाती है। फिर हम लियू को देखते हैं जो बुक पढ़ रहा था, तभी उसके रूम में जियांग आती है और उसे मिल्क टी ऑफर करते हुए कहती है कि अगर वो इसे पी लेगा तो वो समझेगी कि उसने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन वो इसे पीने से साफ मना कर देता है। तभी रूम में सियुली और लियू आते हैं जिन्हें वो मिल्क टी पीना था, तो लियू कहता है कि अगर तुम जियांग को रूम से बाहर निकाल दोगे तो तुम इसे पी सकते हो। जो सुन के वो दोनों जियांग को उठा लेते हैं और बाहर ले जाने लगते हैं। फिर जियांग कहती है कि अगर उन्होंने उसे बाहर निकाला तो वो आगे से कभी उनके लिए खाना नहीं लाएगी। जो सुन के वो दोनों उसे वापस नीचे उतार देते हैं और वहां से चले जाते हैं, लेकिन जब जियांग लियू के कहने पर बाहर नहीं जाती तो लियू उसे उठा लेता है और सोफा पे गिरा कर वापस चला जाता है, जो देखकर जियांग स्माइल करने लगती है। दूसरी तरफ लीना जियू और कीचुआ के बारे में बताती है, जिसने क्यानिया के फेवर में उसके आर्टिकल को सपोर्ट किया है, जिस बात से जियू जरा भी खुश नहीं होता। वहीं हम कीचुआ को देखते हैं जो क्यानिया से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आता है, जहां उसके इम्प्लॉयज कीचुआ को यहां देखकर काफी शॉक्ड थे क्योंकि इतना बड़ा सिंगर उनके बीच मौजूद है। तभी वहां किन्या और सियू आता है, वही सियू तो कीचुआ को देखकर उसे तारीफी किए जा रहा था और तभी सभी इम्प्लॉयज भी काफी एक्साइटेड थे। तभी एक इम्प्लॉय उनके बीच आती है और कहती है कि ये टाइम अब लव बॉयज का है, ना कि उस सिंगर का, जो सुन के सभी गुस्सा हो जाती है। वहीं मीटिंग में उनकी बातों से पता चलता है कि किन्या कीचुआ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहती है, पर कीचुआ को इस बात की फिक्र थी कि ये कंपनी ऑलरेडी बैंकक्रप्ट होने वाली है तो भला वो उसकी पेमेंट कैसे कर पाएंगे। इस बात को लेकर किन्या भी परेशान थी। फिर कीचुआ कहता है कि वो उसके साथ बिना शेयर्स और बिना पैसों में काम करेगा, जो सुन के दोनों ही शॉक हो जाते हैं, पर कीचुआ कहता है कि उसे पैसों के बदले किन्या चाहिए। दूसरी तरफ हम जियू को देखते हैं, जिसके बुलाने पर नियान वहां आता है। फिर जियू कहता है कि उसे सिर्फ उस पे भरोसा है, इसीलिए वो उसे एक मिशन देता है और किसी को भी इसके बारे में बताने से मना करता है। हम कीचुआ को देखते हैं जो किन्या को बताता है कि वो और जियू आज से 14 ईयर्स पहले मिली, म्यूजिशियन वॉयलिन प्ले कर रही थी, जिसे वो कुछ कॉइन्स देकर जाने को कहता है, जो देखकर किन्या हंसने लगती है कि इतना बड़ा सिंगर चिल्लर लेकर घूम रहा है। फिर कीचुआ आगे कंटिन्यू करता है और बताता है कि जियू की बदौलत आज वो सिंगर बना और उसने इतना पैसा कमाया जो काफी जनरेशन तक चल सकता है, पर जियू उसे एक ट्रैप में फंसा दिया क्योंकि जैसे ही उसने उसके लिए काम करना बंद कर दिया उसके गाए हुए सारे गाने के कॉपीराइट्स जियू के पास चले गए और अब उसे हर गाने के कॉपीराइट्स फी उसे पे करनी होगी। और यही रीजन है कि कीचुआ जियू से बदला लेना चाहता है और इसके लिए वो किन्या को भी अपने साथ शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वो अपनी ही तारीफ किए जा रहा था जिस वजह से किन्या वहां से चली जाती है। फिर हम जियांग को देखते हैं जो आज भी खाना लेकर आई थी और लव बॉयज को सरप्राइज करने का सोचती है, इसीलिए वो लिफ्ट के पास खड़ी हो जाती है, लेकिन लिफ्ट से जियू और लीना आ रहे थे जिनकी आवाज़ सुनकर जियांग छुप जाती है। जब जियू सफाई का काम देखता है तो इम्प्रेस हो जाता है। वहीं जियांग को याद आता है कि वो अपना फ़ोन काउच पर ही भूल गई है। तभी वहां लव बॉयज आते हैं जिनसे जियू का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। फिर लीना उन्हें उनकी न्यू सीजन का
फैशन आउटफिट दिखाती है, जिसके बाद जियो सभी पे गुस्सा करता है क्योंकि उनके वेट और फीलिंग्स मीटर में काफी चेंजेस आए थे, जहां लियो को छोड़ के बाकी सभी ने वेट गेन कर लिया था। और जब इस बारे में लियो के से पूछता है तो वो कहता है कि जरूर मैंने ज्यादा पानी पी लिया होगा। वहीं सियोली भी काफी डरा हुआ था, जिन्हें इतने डरे हुए देखकर जियांग को काफी मजा आ रहा था। इसके बाद जियो सभी को जमीन पे लिटा देता है और सभी से सच पूछता है कि उनके अंदर चेंजेस आने का रीजन क्या है। लियो ने वेट लॉस किया था, इसीलिए जियो उसे खड़ा करके सब सच पूछता है। वहीं बुकशेल्फ में छुपी जियांग को समझ आ जाता है कि अब वो पकड़ी जाएगी, पर लियो कहता है कि एक हफ्ते से उनकी छुट्टी की वजह से हम सिर्फ खाना खाते रहे और सोते रहते थे, इसी वजह से शायद उनका वेट बढ़ गया होगा। जो सुनके जियांग शॉक हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि लियो उसे पकड़वा देगा। दूसरी तरफ सियो कीचुआ के साथ होने वाले कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर करके आता है, जो देखकर क्यान्या हैरान हो जाती है क्योंकि उनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ $1 का था। फिर सियो बताता है कि अगर इस दौरान तुम लव बॉयज गेम से अट्रैक्ट हुई तो कीचुआ तुम्हें $10 million पे करेगा। सीन वापस जियो पे आता है, जो उन तीनों को हैवी वेट का डिसएडवांटेज बता रहा था। वहीं अंदर जियांग इन बातों से काफी बोर हो चुकी थी, पर जियो चुप नहीं करता और दोबारा से सब कुछ बताने लगता है, जो देखकर लीना भी परेशान हो जाती है और जियांग तो अंदर सो ही जाती है। रात में हम किन्या को देखते हैं, जो अपने ऑफिस में सिंपल लेंसेस को लगाती है। तभी उसे मेंटेनेंस वर्कर की कॉल आती है, जो उसे सर्वर रूम में ऑथेंटिकेशन के लिए बुलाता है, जिसके बाद किन्या वहां आती है और लॉगिन करती है। पर तभी वहां शॉर्ट सर्किट होता है, जो देखकर किन्या फायर एक्सटिंग्यूशर से आग बुझाने लगती है। पर तभी एक आदमी वहां वो आग बुझाने लगता है, जिसे देखकर किन्या देखती ही रह जाती है। तभी वहां की लाइट्स चली जाती है, इसीलिए वो किन्या का हाथ पकड़ के उसे वहां से ले जाने लगता है, पर ऑटोमेटिक डोर होने की वजह से डोर लॉक हो जाता है, इसीलिए अब उन्हें वहीं पर डोर खुलने तक बैठना पड़ेगा। फिर किन्या उसे उसके बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि वो इस कंपनी में न्यू ज्वाइन हुआ है। और फिर वो इसके बाद किन्या से फ्लर्ट करने लगता है और एक कहानी सुनाता है, जिसपे किन्या उसे डांट के चुप करवा देती है, जिसके बाद वो सोने लगता है। पर किन्या की आवाज़ों से वो डिस्टर्ब हो रहा था, इसीलिए वो उसे चुप करने को कहता है, जिसपे किन्या बताती है कि उसे इंसोमिया है, जिस वजह से वो रात में ठीक से नहीं सो पाती। जो सुन के वो उसे जल्दी सोने की टेक्निक बताता है, जिसे किन्या फॉलो करती है। पर इस बीच वो उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसपे किन्या उसे दूसरी तरफ देख के बताने को कहती है। फिर वो लड़का उसे आंख बंद करके रिलैक्स और काम होने को कहता है, जिसकी बात फॉलो करते करते किन्या उसके कंधों पर ही सो जाती है। नेक्स्ट डे हम उन दोनों को देखते हैं, जो एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर सोए थे। तभी किन्या की आंख खुलती है, तो वो उस लड़के की आंखों से चश्मा हटाती है ताकि वो उसका फेस देख पाए। और जब वो ऐसा करती है तो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि लव बॉय नियान था। इसीलिए वो अपने लेंसेस उतारती है, जिसके ऐसा करते ही नियान वहां से गायब हो जाता है। इसका मतलब कल रात जो कुछ भी हुआ था सब फेक था, और जो लेंसेस उसने लगाए थे वो लव बॉयज गेम के थे। वहीं हम नियान को देखते हैं, जो किन्या के ऑफलाइन होते ही अपने गैजेट और लेंसेस उतार देता है। फिर टाइम फ्लैशबैक में जाता है, जहां जियो उसे उसके मिशन के बारे में बताता है कि उसे रियल टाइम में लोगों से इंटरेक्ट करना होगा ताकि वो अपना सिस्टम परफेक्ट रख सके, जिसमें नियान को डर था कि कहीं वो जियो को निराश ना कर दे, क्योंकि उसने कभी किसी और से बात नहीं की थी। जो देखकर जियो बताता है कि इस यूज़र को तुम बाकियों से ज़्यादा पसंद हो, क्योंकि जब वो पार्टनर चूज़ कर रही थी तो इसने तुम पे एक मिनट ज़्यादा स्पेंड किया, इसीलिए उसे उसकी रिपोर्ट तैयार करनी होगी और जल्द ही उसे अपने प्यार में लेना होगा, जिसके लिए नियान मान जाता है। सीन प्रेजेंट में आता है और हम किन्या को देखते हैं, जो परेशान थी कि भला उसके लेंसेस किसने एक्सचेंज किए। तभी उसकी एम्प्लॉय वहां आ जाती है, जो बताती है कि उसके लेंसेस गलती से उनके साथ चेंज हो गए। और फिर वो पूछती है कि क्या उसने इन्हें ट्राई तो नहीं किया, जिसपे किन्या मना करती है और उसे अपने काम पे जाने को कहती है। फिर किन्या को लगता है कि जरूर ये लेंसेस वॉशरूम में एक्सचेंज हो गए होंगे। वहीं हम किन्या की उसी एम्प्लॉय को देखते हैं, जो लेंसेस बदलने के लिए लीना से लव बॉय लेवेंडर्स की फ्री लाइफटाइम मेंबरशिप लेती है। इसका मतलब लेंसेस गलती से एक्सचेंज नहीं हुए थे, बल्कि लीना के कहने पर एक्सचेंज किए गए थे। और किन्या की एम्प्लॉय ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो किन्या से उसके आर्टिकल को लेकर काफी नाराज थी कि भला वो उसके हस्बैंड को ऐसे कैसे कह सकती है। सीन शिफ्ट होता है और हम किन्या को देखते हैं, जो जियांग को घर में ढूंढ रही थी, जहाँ उसे लगता है कि शायद वो पहले ही काम पे चली गई होगी, इसीलिए वो उसे कॉल करती है, जिसे लियो के उठा लेता है। और वो एक्साइटेड होता है क्योंकि उसने कभी भी किसी से कॉल पे बात नहीं की थी। जब किन्या उसे उसके बारे में पूछती है तो वो खुद को जियांग का फ्रेंड बताता है। इतने में जियांग वहां पर आ जाती है और लियो के से फोन ले लेती है
और क्यान्या को कहती है कि वो बाहर घूमने आई है। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। वहीं क्यान्या को लगता है कि जिससे उसने बात की वो जरूर जियांग का बॉयफ्रेंड होगा। फिर हम लियुके को देखते हैं जो जियांग से पूछता है कि भला आज वो इतनी जल्दी कैसे आ गई। फिर लियु और सियोली वहां आते हैं। तभी जियांग बात कर रही थी कि तभी वो देखती है कि लिफ्ट से कोई आ रहा है, जो देखकर सभी जियांग को छुपाने लगते हैं। लेकिन लियु तो खड़े होकर सब देख रहा था। लिफ्ट में लीना जियु को बताती है कि किस तरह उसने क्यान्या की इम्प्लॉय को यूज किया लेंसेस चेंज करने के लिए। फिर वो दोनों लिफ्ट खुलने के बाद वहां जाते हैं जहां वो तीनों लाइन से खड़े थे। फिर जियु लियुके के चेहरे पर टेंशन देख लेता है और उससे इसका रीजन पूछता है, जिसपे वो कहता है कि आपके बिना बताए आने से वो थोड़ा नर्वस है। फिर जियु वहां से नियान के पास जाता है और उसे कल रात की सारी रिपोर्ट मांगता है, जिसपे नियान बताता है कि कल क्यान्या उसके कंधे पर सर रखकर सो गई थी। जो सुन के जियु कहता है कि उसे क्यान्या को सोने नहीं देना है वरना उन्हें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। जिसपे नियान बताता है कि क्यान्या को इंसोमिया है, जो सुन के जियु काफी खुश होता है और उसे शाबाशी देता है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। वहीं लीना जब यहाँ वहां घूम रही थी तो बाकी तीनों उसके पीछे जा रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो जियांग को देख ना ले। पर लीना को शक हो जाता है और वो देखती है कि सियोली की नजरें बुकशेल्फ के पास रखे मैट कवर पे है, इसीलिए वो उसकी तरफ बढ़ती है। लीना को देखते हैं जो उस मैट रोल की तरफ बढ़ रही थी, जिसे देखकर तीनों की हालत खराब हो जाती है क्योंकि उन्होंने जियांग को रोल करके उसमें छुपाया हुआ था। तभी वहां जियु आता है और लीना को साथ ले जाता है, जिनके जाने के बाद वो तीनों जियांग को लेकर बाहर निकलते हैं, जिसपे सभी सेलिब्रेट करते हैं कि वो पकड़े नहीं गए। फिर जियांग लियु के पास जाती है और पूछती है कि वो उसे पकड़वा सकता है, लेकिन उसने उसे उठा के छुपने में हेल्प की, जिसपे लियु कोई जवाब नहीं देता और वहां से चले जाता है। जिसके जाने के बाद लियुके कहता है कि लियु को शायद तुम्हें उठाने में मजा आता है, जो सुन के जियांग इतराने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और हम क्यान्या को देखते हैं जो लव बॉयज वाले लेंसेस को डस्टबिन में फेंक देती है, लेकिन फिर उसे वो मोमेंट याद आता है जब नियान उसके साथ था, इसीलिए वो उन लेंसेस को डस्टबिन से वापस निकाल कर रख लेती है और अपने नॉर्मल लेंसेस को लगाती है। सीन वापस जियांग पे आता है जो काम खत्म होने के बाद वापस जा रही थी, लेकिन लीना और जियु वहीं उसका इंतजार कर रहे थे, जिन्हें वहां देखकर जियांग भागने लगती है और उसे पकड़ने के लिए गास भी उसके पीछे भागते हैं, पर जियांग उनसे ज्यादा दूर नहीं भाग पाती और पकड़ी जाती है, जिसके बाद उसे जियु के सामने लाया जाता है जहाँ वो बता देती है कि किस तरह से उसकी वजह से ग्रहणी का एक्सीडेंट हुआ और वो उनकी जगह यहाँ काम कर रही है। सीन शिफ्ट होता है और हम जियु को देखते हैं जो ग्रहणी के घर पे गया हुआ था और हमें पता चलता है कि ग्रहणी उसकी आंटी है। जब जियु बताता है कि उसने जियांग को पकड़ लिया तो ग्रैनी हंसने लगती है। वहीं जियु को इस बात की टेंशन होने लगती है कि जियांग ने उनकी कंपनी के बिगेस्ट सीक्रेट G4 को देख लिया है और अगर ये बात बाहर आ गई तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। पर ग्रैनी इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि वो चारों एक लाइफ डिजर्व करते हैं जो उस अंडरग्राउंड घर से काफी बेटर है। जिसपे जियु कहता है कि उसने लास्ट फेज की इम्प्रूवमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर दिया है और इसके बाद वो उन्हें जाने देगा। पर बातों बातों में जियु अपनी आंटी पे ही शक करने लगता है कि कहीं उन्हें ही तो किसी मकसद से जियांग को वहां तो नहीं भेजा। जिसपे ग्रैनी कहती है कि अगर मुझे ऐसा करना होता तो कब का कर चुकी होती, और ग्रैनी उसे बिग डेटा चेक करने को कहती है और बताती है कि जियांग लव बॉयज की काफी बड़ी फैन है, इसीलिए वो उन्हें धोखा नहीं देगी। जिसके बाद जियु कहता है कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है और वो जाते जाते पूछता है कि क्या आपके पैर में सच में चोट लगी है, तो ग्रैनी टेबल पर पैर रखकर उसे अपना प्लास्टर दिखाती है, जो देखकर जियु वहां से चला जाता है। पर ग्रैनी ने पैर ज्यादा ही जोर से पटक दिया था जिससे उन्हें दर्द होने लगता है। फिर हम जियांग को देखते हैं जिसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो जियु के ऑफिस में है, जिसका ऐसा बिहेवियर देखकर लीना उससे ज्यादा खुश होने से मना करती है और कहती है कि हो सकता है कि वो आज के बाद बाहर की दुनिया ना देख पाए, जो सुन के जियांग काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसे लियु के साथ रहने को मिलेगा। तभी लीना को जियु का कॉल आता है, जिसे बात करने के बाद लीना जियांग को जाने देती है, जो सुन के जियांग दुखी हो जाती है और यहाँ की याद में कुछ ले जाने की परमिशन मांगती है, जिसपे वो लियु का पोस्टर अपने साथ ले जाने लगती है। फिर लीना उसे बताती है कि अब से उसे 2 से 4 उसे यहाँ काम पे आना होगा और 4 बजने के बाद वो बिना G4 से मिले यहाँ से चली जाएगी और ना कभी किसी के लिए खाना लाएगी। अगर वो ऐसा करते पकड़ी गई तो उसका खेल खत्म। दूसरी तरफ हम क्यान्या और कीचुआ को देखते हैं जो प्रेस मीट में अपनी एग्रीमेंट को पब्लिकली अनाउंस करते हैं, जहां वो ओपनली अपनी डील को अपोनेंट के बारे में बताते हैं जो जियो है।
वो ये भी बताते हैं कि उनका सेम मोटिव होने की वजह से आज वो दोनों एक साथ हैं, जहां यंगस्टर्स की मेंटल हेल्थ उनकी प्रायोरिटी है। फिर लीना कहती है कि उनके दोनों एनिमीज ने आपस में हाथ मिला लिया है, इसीलिए उन्हें कुछ करना चाहिए, पर जियो कुछ खास रिएक्ट नहीं करता और उन पे नज़र रखने को कहता है। इसके बाद हम क्यान्या को देखते हैं, जो जैसे ही घर में जाती है तो सामने रखे लियू के स्टैंड को देखकर चौंक जाती है, पर जब जियांग पीछे से निकलती है तो वो उससे कहती है कि तुमसे मेरे पैसे तो लौटाए नहीं जा रहे और तुम इन चीज़ों पर मेरे पैसे वेस्ट कर रही हो। तो जियांग कहती है कि मैं तुम्हारे पैसे नेक्स्ट मंथ की सैलरी से दे दूंगी, जिसके बाद क्यान्या उसे उस लड़के के बारे में पूछती है जिसने उसका फ़ोन आंसर किया था। तो जियांग कहती है कि वो तो मेरा कलीग था, जिसपे क्यान्या उसे कहती है कि तुम कहीं उस बेवकूफ लड़के के प्यार में मत फंस जाना। मगर जियांग लियू के स्टैंड को ही गले लगाए हुए थी और कहती है कि मैं तो सिर्फ एक ही लड़के को पसंद करती हूँ। रात में हम क्यान्या को देखते हैं, जो जियो वाले मेथड को ट्राई करके सोने की कोशिश करती है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती, इसलिए वो फिर जियांग के रूम में जाती है ताकि वो उसकी सोने में हेल्प कर सके। मगर वो तो लियू की फ़ोटो को ही देखे जा रही थी, पर क्यान्या उसके पास लेट जाती है और जियांग को उसे सुलाने के लिए कहती है, जिसके बाद जियांग उसे सुलाना शुरू करती है, जिसके लिए वो अपने बॉडी मसल्स को रिलैक्स करके माइंड मेडिटेट करने को कहती है। पर उसे सुलाते सुलाते जियांग खुद ही सो जाती है, जिसे सोते देखकर क्यान्या गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर हम नियान को देखते हैं, जिसके हाथ का बैंड बीप करने लगता है, इसलिए वो अपने लेंसेस लगा लेता है और गेम ऑन करता है, जिसके बाद वो वर्चुअल किन्या के पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर किन्या पूछती है कि क्या बात है, आज तो तुम घर के कपड़ों में हो। तो नियान कहता है कि मैं तो सिर्फ वर्चुअल कैरेक्टर हूँ, तो अपना काम बताओ। फिर किन्या उसे कहती है कि मुझे हिप्नोटाइज करो ताकि मैं सो सकूं, मगर नियान कहता है कि वो मैं पहले ही सिखा चुका हूँ, और जाने लगता है। फिर किन्या उसे रोकती है और कहती है कि मैंने अभी तक गेम क्विट नहीं किया है, इसलिए तुम नहीं जा सकते। तो नियान कहता है कि उस टाइम मैं तुम्हें हिप्नोटाइज इसीलिए कर पाया क्योंकि तुम नहीं जानती थी उस मेथड के बारे में, पर अब ये करना थोड़ा मुश्किल होगा। पर वो उसकी एक नहीं सुनती और उसे हिप्नोटाइज करने के लिए कहती है, पर उस मेथड के बाद भी क्यान्या नहीं सो पाती। तो नियान उसे ना सो पाने का असली कारण पूछता है, जहां फ्लैशबैक में देखते हैं क्यान्या हॉस्पिटल में है और उसके डैड एडमिट है। फिर उसके डैड उसे अपने पास बुलाकर आराम करने को कहते हैं, पर क्यान्या उनका ख्याल रखना चाहती थी, इसीलिए वो उनके पास बैठ जाती है। पर रात को जब उसके डैड की हालत खराब हुई तो उन्होंने क्यान्या को उठाना चाहा, पर वो सोती रही, जिससे टाइम पर मदद ना मिल पाने की वजह से उसके डैड की डेथ हो गई। और यही कारण है कि उस दिन के बाद क्यान्या को इंसोमिया डिसीज हो गया। ये सब कुछ सुनने के बाद नियान भी उसे ही उसके डैड के मौत का जिम्मेदार ठहराता है, जो सुन के क्यान्या उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर नियान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि गलती तुम्हारी है, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद से ही तुम कभी भी नहीं रोई, अगर तुम रोती तो खुद को अपने डैड के मौत का जिम्मेदार मान लेती। पर इन बातों को सुनकर क्यान्या रोने लगती है, जिसे रोते देखकर नियान उसे गले लगा लेता है और कहता है कि तुम्हें रोना चाहिए, और वो उसे समझाता है कि हमारे लाइफ में काफ़ी सारे रिग्रेट्स आते हैं, अगर हम उन्हें अपने दिल में लेकर बैठे रहेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और वो उसे कहता है कि उसके डैड भी यही चाहते होंगे कि तुम्हारे मन में किसी भी तरह का गिल्ट ना रहे और तुम एक हैप्पी लाइफ जी सको। नेक्स्ट डे हम कीचवा को देखते हैं, जो शूट की लोकेशन पे था। तभी वहाँ सियो आता है, जो कीचवा की तारीफें करने लगता है और गेस करता है कि उसका अगला गाना क्यान्या पे होगा, जिस बारे में कीचवा सोचने लगता है। तभी वहाँ क्यान्या आ जाती है, उसे ग्लासेस में देखकर कीचवा उसे पूछता है कि तुम्हें अंदर दिखाई कैसे दे रहा है। फिर सीयू क्यान्या को मक्खन लगाने लगता है और कहता है कि मैं आपका डिनर जैंग के साथ अरेंज करवा दूंगा। मगर वो यही आदमी था जो क्यान्या की कंपनी से फंड विदड्रॉ कर रहा था। तो सीयू बताता है कि जैंग ने अपना पार्टनर खो दिया है और अगर आप दोनों की डील हुई तो उसे वेडिंग गिफ्ट भी मिल सकता है, जिसपे क्यान्या गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो तुम अपने फ्यूनरल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। जब शूट स्टार्ट होता है तो क्यान्या गलती से ग्रीन स्क्रीन के बीच से निकल जाती है, जिसे देखकर कीचवा कहता है कि मैंने पहले ही कहा था सनग्लासेस उतारने को। फिर सीयू डायरेक्टर से माफी मांगता है और किन्या को वहां से ले जाता है, जिसके बाद शूट दोबारा स्टार्ट होता है। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं, जो बिना हेलमेट के काफी खुश थी, पर जब वो अंदर जाती है तो वहीं दोनों गार्ड्स उसे रोक लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी उसे बिना हेलमेट के नहीं देखा था, इसीलिए वो उसे अंदर जाने नहीं देते। लेकिन जब जियांग बताती है कि मैं वही हेलमेट वाली हूँ जिसे कल आपने पकड़ा था, तो उसमें से एक कहता है
कि तुम्हारी वजह से कल मेरा काफी वजन कम हो गया, मगर वो फिर भी उसे जाने नहीं देते। तो जियांग कहती है कि मैं यहाँ की चीफ क्लीनर हूँ, और ये बात वो वेरीफाई कर सकते हैं। जो सुन के एक गार्ड लीना को कॉल करता है और जियांग के बारे में पूछता है, जिसके बाद वो उसे अंदर जाने देता है। फिर जियांग अंदर जाकर अपना क्लीनिंग का काम शुरू कर देती है। वहीं लव बॉयज अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे, जिन पे जियू नजर रखे हुए था, पर वो पनिशमेंट के लिए सबके मशीन की स्पीड बढ़ा देता है और पूछता है कि तुम जानते हो कि पनिशमेंट के लिए मैंने ऐसा किया, जिस पे स्यूली और लियू के नाम में जवाब देता है। तो जियू उनकी स्पीड और बढ़ा देता है और वो समझ जाते हैं कि जियांग को छुपाकर रखने के लिए ये उनकी पनिशमेंट है। जहां एक एक करके जियू उनसे जियांग को छुपाने का कारण पूछता है, तो नियान कहता है कि हमें टेस्टी खाना मिल रहा था, और जियू कहता है कि ग्रैनी के लिए उसने ये बात छुपाई। जब लियू से जियू पूछता है तो वो कोई जवाब नहीं देता, जिसपे वो उसकी स्पीड बढ़ाते रहता है। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं, जो सफाई करते करते लियू के रूम में जाती है, जहाँ वो उसी टेडी को देखती है जिसकी वजह से लियू ने उसे खूब डांटा था। तो वो उस टेडी को कहती है कि तुम मुझे घूरना बंद करो, और वो टेडी को उल्टा करके वहां से चली जाती है। पर सफाई करते वक्त उसे वही कैप मिलती है जो लियू ने उस दिन सबवे में उसे किस करते वक्त पहनी थी। उस कैप को देखकर जियांग कहती है कि उसे एविडेंस मिल गया। फिर हम लव बॉयज को देखते हैं, जिनकी हालत भाग भाग के काफी खराब हो चुकी थी, पर स्यूली को अब भी इस बात की फिक्र थी अब से उन्हें टेस्टी स्पाइसी खाना खाने के लिए नहीं मिलेगा। जिस पे जियू कहता है कि अब से हमें रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, ताकि वो दोबारा किसी प्रॉब्लम में ना फंसे। जिसके बाद लियू और जियू वहां से चले जाते हैं। जब लियू अपने कमरे में जाता है तो वहां जियांग खड़ी थी, पर वो धीरे धीरे उसके नजदीक आने लगती है, जिससे लियू काफी घबरा जाता है। फिर जियांग उसे किस करने के लिए कहती है। में हम जियांग को देखते हैं, जो लियू की तरफ बढ़कर उसे किस करने के लिए कहती है। इतने में बाकी तीनों लव बॉयज भी वहां आ जाते हैं, जो छुपके से बातें सुनने लगते हैं। जहां जियांग कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, कि तुमने मुझे कभी किस नहीं किया है। इनकी ये बातें सुनकर ये तीनों शॉक हो जाते हैं, और उन्हें लगता है कि शायद इसी वजह से लियू ने जियांग को रिपोर्ट नहीं किया। पर अंदर लियू तो अभी यही कह रहा था कि उसने उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिस पे जियांग उसे प्रूफ के लिए उसकी कैप दिखाती है, जो उसने उस दिन पहनी थी। मगर लियू उसकी चीजों को छूने के लिए उस पे गुस्सा करता है और उसे जाने के लिए कहता है, पर जियांग जाने से मना कर देती है। तो लियू खुद ही बाहर जाने लगता है, जिस पे जियांग उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि अगर तुम सीधा जवाब नहीं दोगे तो मैं खुद ही पता कर लूंगी, और वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन अचानक से लियू बेहोश हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जियांग लियू का ध्यान रख रही थी और बाकी तीनों भी वहीं थे। जहां जियांग कहती है कि जियू को इतना जुर्म नहीं करना चाहिए, तो लियू के बताता है कि ये पनिशमेंट उन्हें तुम्हें छुपाने के लिए मिली थी, पर वो उसे माफ कर सकता है अगर वो उसके लिए अच्छा खाना लाती रहे। जिस पे जियांग हंसते हुए कहती है, जब नियान लीना को सब बताने के लिए कहता है तो जियांग मना कर देती है और कहती है कि ये लो शुगर लेवल की वजह से बेहोश हुआ है और इन कैंडीज को खाकर जल्दी ठीक हो जाएगा। जिस पे लियू के और सियोली भी वो कैंडीज मांगते हैं, पर वो मना कर देती है। जब वो लियू को कैंडी खिलाती है तो लियू के बेहोश होने की एक्टिंग करने लगता है, जिसे देखकर जियांग उन्हें भी एक एक कैंडी दे देती है। सीन शिफ्ट होता है और हम क्यान्या को देखते हैं, जो जियांग के साथ लंच पर उसके घर गई थी। जहाँ क्यान्या पूछती है कि आपने पहले तो बिना कोई दया दिखाए सारी इन्वेस्टमेंट वापस ले ली, और अब इस तरह खाने पे इनवाइट किया है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जिस पे जियांग कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, पहले जो हालत थी कंपनी की उस वक्त इन्वेस्टमेंट वापस लेना ही ठीक था, मगर अब कंपनी में काफी डेवलपमेंट है, इसीलिए मैंने अपना फैसला बदल लिया। तो क्यान्या बिजनेस की बातों को साइड पे रख के उस लव बॉयज का ओपिनियन पूछती है, जिस पे जियांग कहता है कि दुनिया में हर चीज की एग्जिस्टेंस का कोई ना कोई मतलब होता है। इतने में सूप रेडी हो जाता है, इसीलिए जियांग अपनी बेटी को भी खाने पर बुलाता है। जहां हम देखते हैं कि उसकी बेटी व्हील चेयर पर है, मगर वो क्यान्या को वहां देख के उससे नाराज हो जाती है और उनके साथ खाने से मना कर देती है। तो जियांग बताता है कि उसकी बेटी भी लव बॉयज की फैन है और वो अपनी बेटी की तरफ से माफी मांगता है। फिर वो बताता है कि जब से उसका एक्सीडेंट हुआ तब से वो चल नहीं पाती, और उस दिन के बाद से उसने खुद को अकेला कर लिया और उसका कोई भी दोस्त नहीं है, पर जैसे लव बॉयज लॉन्च हुआ तब से वो खुश रहने लगी। सीन शिफ्ट होता है और हम लीना को देखते हैं, जो जियू को बताती है कि 12 घंटे बिना खाने और मैराथन के बाद भी लियू ने जियांग को छुपा के रखने का कारण नहीं बताया। जिसपे जियू कहता है कि जरूर वो पनिशमेंट से डर गया होगा। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि लियू एक चेयर पे बंधा हुआ है और जियू उस पे चिल्ला रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले वो बे हाउस से बाहर नहीं जा सकता, और उसने वही कैप पहनी थी जब उसने जियांग को किस किया था।
जहाँ हम देखते हैं कि लाइट के अचानक बंद होने की वजह से लियू वहाँ से भाग गया, पर गार्ड्स ने उसे देख लिया था और वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। पर पकड़े जाने के बाद जियू उससे पूछता है कि बाहर की दुनिया तुम्हें ज़्यादा ही मज़ेदार लगती है, इसीलिए अब तुम पे कोई भी रहम नहीं होगा। जिसके बाद पनिशमेंट के नाम पर उसे टॉर्चर किया जाता है और उसे डूबने का फोबिया होने के बावजूद उसे पानी में डाला जाता है। सीन प्रेजेंट में आता है जहां जियू कहता है कि प्रोजेक्ट वाई अब लास्ट स्टेज पर है और अब वो कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर हम जियांग को देखते हैं जो लियू के वर्चुअल कैरेक्टर के साथ वही सीन क्रिएट कर रही थी जब लियू बेहोश हुआ था, पर इस बार वो बेहोश होने की एक्टिंग करती है और लियू से कैंडीज मांगती है, जिस पे लियू उसे आंख बंद करने को कहता है और मैजिक से पूरा रूम कैंडीज से भर देता है, जिसे देखकर जियांग खुश हो जाती है और उसे खिलाने के लिए कहती है। पर लियू एक एक करके काफी कैंडीज उसके मुंह में भर देता है, जिसके बाद जियांग कहती है कि मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह किसी से मिली, पर वो रियल ह्यूमन है। जिस पे लियू पूछता है कि तुम मुझे छोड़ने वाली हो, पर जियांग मना करती है और उसे गले लगा लेती है और उसे इस तरह क्यान्या देखकर वहां से चली जाती है। मगर अपने रूम में जाकर क्यान्या उन लेंसेस को लगाती है, जिससे नियान वहां आ जाता है और उसे पूछती है कि एक वर्चुअल कैरेक्टर होने के बावजूद तुम अपनी प्रेजेंस के बारे में क्या सोचते हो। जिसमें नियान सोचकर कहता है कि मेरी प्रेजेंस उतनी मैटर नहीं करती, जो मैटर करता है वो ये है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ इस सिटी का व्यू देख रहा हूँ। दूसरी तरफ नियान अपने उन लेंसेस को उतार देता है और खुद से कहता है कि वर्चुअल नियान की भी अपनी एक वैल्यू है, पर मेरा क्या। नेक्स्ट डे जब क्यान्या घर से निकलती है तो काफी सारे सपोर्टर्स उसे सपोर्ट करने आए थे, जहां असिस्टेंट सीयू उसे लव बॉयज का पोस्टर सबके सामने फाड़ने के लिए देता है। जब क्यान्या उस पोस्टर को फाड़ती है तो सारे सपोर्टर्स जोर से उसके लिए तालियां बजाते हैं। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो शॉप में अपना काम कर रही थी, तभी वहां ग्रैनी आती है, जिसे देखकर जियांग भागने लगती है, पर वो ग्रैनी से बच नहीं पाती तो वो उन्हें मक्खन लगाने लगती है। पर ग्रैनी कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़की की मैं मदद कर रही हूँ वो मुझसे झूठ कहेगी और मुझे अवॉइड करेगी। जिस पे जियांग सारी बातें बताती है कि किस तरह वो लव बॉय से मिली और कैसे उसे मैट में छुपना पड़ा। इसे सुनकर ग्रैनी उसे उसकी सैलरी दिखाती है, जिसे लेकर वो काफी खुश हो जाती है। इतने में वहां कीकी आती है जो ग्रैनी को देखकर काफी खुश हो जाती है और उनके लिए चेयर लाने जाती है, पर जब तक वो आती है ग्रैनी जा चुकी थी। फिर जियांग उस चेयर पर बैठकर उन पैसों को देखकर काफी खुश होती है। दूसरी तरफ हम क्यान्या को देखते हैं, जिसके पास असिस्टेंट सीयू भागा भागा आता है और बताता है कि किचुआ से कॉन्ट्रैक्ट के बाद अब वो फिर से ट्रेंडिंग पे हैं और एंटरटेनमेंट स्टार साइट ने उन्हें एक डिबेट के लिए इनवाइट किया है जिसमें जियू भी आएगा, पर क्यान्या मना कर देती है। फिर सीयू बताता है कि जियू ने इनविटेशन ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है और उसने कहा है कि उसका मुकाबला करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन किन्या फिर भी नहीं मानती और कहती है कि हमारा मेन मोटिव हमारी कंपनी को स्टेबल करना था और अब वो स्टेबल है, इसीलिए अब उन्हें इस पे टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और हम जियांग को देखते हैं जो सफाई के लिए बे हाउस में आ चुकी थी और वो लियू के रूम में जाकर उसकी वो कैप ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती, इसीलिए वो अपने काम में लग जाती है। वही हम लियू को देखते हैं, जिसे लियू के पूछता है कि तुमने और जियांग ने किस कब की थी, जहां सियुली तो उसे उसकी फर्स्ट किस का एक्सपीरियंस पूछता है, पर लियू गुस्से में अलमीरा बंद करता है और कहता है कि तुम्हें ये चांस कभी भी नहीं मिलने वाला। दूसरी तरफ हम जियू को देखते हैं, जिसके पास लीना भागी भागी आती है और कहती है कि हमने जियांग को जितना बेवकूफ समझा था वो उतनी ही चालाक है। जिस पे जियू उसे पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, तो लीना बताती है कि वो किन्या की बेस्ट फ्रेंड है, जो सुनते ही जियू गुस्सा हो जाता है। सीन वापस लव बॉयज पे आता है, जहाँ सियुली और लियू के जियांग को यहाँ ना देखकर उदास हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अब वो टेस्टी खाना खाएंगे। पर लियू बिना कुछ कहे ही वहाँ से अपने रूम में चला जाता है, जिसके जाते ही सियुली गेस करता है कि क्या जियांग आज भी लियू के रूम में छुपी होगी। पर जियू उसे अपने काम से काम रखने को कहता है। वहीं जब लियू अपने रूम में बैठा था तो उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए वो यहाँ वहाँ चेक करने लगता है। पर जब वो अलमीरा को खोलता है तो उसमें से जियांग छुपी हुई थी, जो उसे सरप्राइज कहती है। लेकिन लियू उसे वापस जाने के लिए कहता है, तो जियांग कहती है कि मैं चेक करके चली जाऊंगी और वो उसे किस करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, जिसे लियू काफी नर्वस हो जाता है। और इतने में गार्ड्स वहां आ जाते हैं और जियांग को पकड़ कर ले जाते हैं, जिसके बाद जियांग को उसी तरह चेयर पर बांध दिया जाता है। जब लीना उसकी आंखों से पट्टी उतारती है तो जियांग पूछती है कि अब उन्होंने उसे दोबारा क्यों पकड़ा है, जिसपे लीना एक इंजेक्शन लाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि ये क्या है। तो जियांग कहती है कि ये जरूर स्किन वाइटनिंग के लिए होगा, पर लीना कहती है कि ये एक पॉइजन है जिससे उसकी जान जा सकती है। फिर जियू उससे पूछता है कि
किन्या के साथ उसका क्या रिलेशन है, जिसपे जियांग उसे सब सच बता देती है कि हम दोनों बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। फिर ज्यू पूछता है कि क्या तुमने उसे अपने काम के बारे में बताया या फिर बे हाउस के बारे में कुछ बताया है, तो जियांग मना करती है। इतने में उसे किन्या का फोन आ जाता है, तो ज्यू कहता है कि ये अच्छा मौका है तुम्हारी इनोसेंस प्रूव करने का। इसीलिए लीना वो कॉल उठाकर स्पीकर पे कर देती है, जहाँ किन्या पूछती है कि आज वो इतना लेट क्यों हो गई। पर जियांग उसे कहती है कि मैं कहाँ काम करती हूँ, तो किन्या कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता, लगता है तुमने फिर से ड्रिंक कर ली है। इतने में लीना इंजेक्शन लेकर उसकी तरफ बढ़ती है, जिसे देखकर जियांग जोर से चिल्लाकर हेल्प मांगती है। पर किन्या को लगता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रूथ एंड डेयर खेल रही है, इसीलिए वो उसे दूसरे पर्सन से बात करने को कहती है, जहाँ ज़ियू आवाज़ बदलकर कहता है कि इसने काफ़ी ड्रिंक कर ली है, जिसपे किन्या उसकी लोकेशन मांगती है ताकि वो उसे पिक कर सके। पर ज़ियू कहता है कि वो आज वापस नहीं जाएगी और वो कॉल कट कर देता है, जिसके बाद जियांग पूछती है कि अब तो मैं इनोसेंट प्रूफ हो गई ना। पर ज़ियू कहता है कि जब तक मैं खुद चेक नहीं कर लेता तुम कहीं नहीं जा सकती। दूसरी तरफ हम ल्यू के और सियोली को देखते हैं, जो काफ़ी दुखी थे क्योंकि अब वो जियांग को नहीं देख पाएंगे। इतने में वहाँ नियान आता है, जो देखता है कि वो दोनों पानी पीकर नशा करने की एक्टिंग कर रहे हैं, तो सियोली कहता है कि हम और कर भी क्या सकते हैं। पर नियान जानता था कि इस बार पकड़े जाने के बाद ज़ियू उसे नहीं छोड़ेगा। इतने में लियू वहाँ आता है, जिसे नियान बताता है कि जियांग पकड़ी गई है और अब वो वापस कभी नहीं आएगी। जो सुन के लियू कहता है कि अच्छा ही हुआ वो चली गई, क्योंकि अब से वो मुझे परेशान नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ हम किन्या को देखते हैं, जो इस बात से नाराज़ थी कि जियांग उसे लिए बिना पार्टी में चली गई, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो भी किसी के साथ यहाँ ड्रिंक करेगी। इसके बाद वो लव बॉयज वाले लेंसेस को लगा लेती है, जिन्हें लगाते ही नियान वहाँ आ जाता है और उसे पूछता है कि वो तो किसी के भी साथ ड्रिंक कर सकती थी, पर उसने उसे क्यों बुलाया। लेकिन हम देख सकते हैं कि ज़ियू और लीना उन दोनों पर अपनी नज़र रखे हुए थे, जहाँ किन्या नियान के पूछने पर बताती है कि मेरी भी एक बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन वो अकेले ही पार्टी में चली गई, इसीलिए मुझे भी कोई चाहिए था जो मेरे साथ ड्रिंक कर सके। इसीलिए वो नियान को ड्रिंक करने के लिए कहती है, पर वो मना कर देता है, जिसपे किन्या कहती है कि जब कोई लड़की ड्रिंक करने के लिए कहती है तो कोई भी ड्रिंक कर लेता है, हाँ पर तुम तो वर्चुअल कैरेक्टर हो। जो सुन के नियान ड्रिंक करना शुरू कर देता है, पर वो उसे रोक लेती है, और जब किन्या उदास होकर उसे देखने लगती है तो नियान उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, पर किन्या साइड हो जाती है, जिन्हें इस तरह देखकर लीना कहती है कि इन्होंने बस किस कर ही लिया था। फिर वो ज़ियू से पूछती है कि अब जियांग का क्या करना है, जिसके बाद लीना जियांग के पास जाती है, जो चेयर पर ही सो गई थी, इसीलिए वो उसे जगाती है और बताती है कि वो इनोसेंट प्रूफ हो गई, जो सुन के जियांग काफ़ी खुश होती है। लेकिन लीना बताती है कि अब वो रिस्क नहीं ले सकते, इसीलिए उसे फायर कर दिया गया है, और वो उसे धमकाती है कि अगर उसने बे हाउस की कोई भी बात बाहर की तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। जो सुन के जियांग काफ़ी उदास हो जाती है और अपने घर जाती है, जहां वो देखती है कि किन्या टेबल पर ही सो गई है और उसने काफ़ी ड्रिंक कर ली थी, इसीलिए वो उसे ब्लैंकेट से कवर कर देती है। पर वो जॉब जाने से अब भी काफ़ी दुखी थी, इसीलिए वो रूम में जाकर अपने लेंसेस को लगा लेती है, जिसे लियू उसके पास आता है और पूछता है कि वो इतनी उदास क्यों है, जिसके जवाब में जियांग अपने हाई पेइंग जॉब जाने वाली बात बताती है। पर ज़्यादा दुख इस बात का था कि अब वो उस पर्सन को नहीं देख पाएगी, और वो कहती है कि अगर उसे पता होता कि अब से वो उन्हें नहीं देख पाएगी तो वो उनके लिए लास्ट टाइम केक लेकर जाती, जिसपे लियू उनके बारे में पूछता है पर जियांग नहीं बताती। नेक्स्ट डे हम किन्या को देखते हैं, जो अपने डॉक्टर से मिलने गई थी, पर डॉक्टर उस पर गुस्सा कर रही थी क्योंकि उसने फिर से अपनी मेडिसिन जल्दी ख़त्म कर दी थी। पर किन्या कहती है कि अब मैं यहाँ ट्रीटमेंट के लिए नहीं आई, बल्कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वो नियान के साथ कल वाले मोमेंट्स को याद करने लगती है। फिर डॉक्टर उसे कहती है कि उसे जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसके पास आ सकती है। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं, जो आज स्टोर पर काम करने के लिए जल्दी पहुंच गई थी। उसे वहां देखकर केकी उसे पूछती है कि वो आज दूसरे काम पर नहीं गई, तो जियांग दुखी होकर उसे बताती है कि अब उसके पास यही एक जॉब रह गई है, और वो उसे बताती है कि वो कितना रिस्की था। इसपे केकी उसे लियू का लास्ट मिरर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। जो सुन के जियांग रोते हुए उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र होगी। पर केकी तो उसे ग्रैनी का नंबर मांगने लगती है ताकि वो उसकी जगह काम करने जा सके। जो सुन के जियांग का मुंह लटक जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम लीना को देखते हैं, जो ज़ियू को बताती है कि जियांग को फायर कर दिया गया है,
और वो यहाँ के बारे में किसी को नहीं बताएगी। पर जियू जियांग को दोबारा काम पे रखने के लिए कहता है, क्योंकि जब से जियांग यहाँ थी तब से लियू के फीलिंग मीटर में काफ़ी चेंजेस आए हैं और ये चेंजेस प्रोजेक्ट वाई के लिए पॉजिटिव है। फिर लीना जियांग को कॉल करती है और उसे बे हाउस में बुलाती है, जो सुन के जियांग भागी भागी बे हाउस पहुँच जाती है, जहाँ जियू कहता है कि तुम यहाँ रहोगी या नहीं ये लव बॉयस पे डिपेंड करता है। इतने में लव बॉयस वहाँ आते हैं, जिनसे जियू कहता है कि इस लड़की को यहाँ रखने के लिए मैं मान सकता हूँ और तुम सबको इस लड़की के लिए पनिशमेंट झेलनी पड़ेगी। तो लियू के बिना पूरी बात सुने ही जियांग को रखने के लिए मान जाता है। पर फिर वो जियू से पनिशमेंट के बारे में पूछता है, जिस पे जियू उन्हें रोइंग मशीन के 1000 स्ट्रोक्स की पनिशमेंट बताता है। पर वो तीनों ही इस पनिशमेंट के लिए तैयार थे। जब लियू से जियांग को रखने के बारे में पूछा जाता है तो जियांग मन में सोचती है कि ये तो कभी नहीं मानेगा, पर लियू भी इसके लिए मान जाता है, जो देखकर जियांग भी हैरान हो जाती है। लेकिन जियू कहता है कि जियांग भी ये करेगी और बाकी स्ट्रोक्स लियू पूरे करेगा, जिसके बाद हम देखते हैं कि लियू पनिशमेंट पूरी कर रहा है, जिसे ऐसे देखकर जियांग उससे माफ़ी मांगती है और पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करने लगे हो, जिस पे लियू उसे ख्याली दुनिया से बाहर आने को कहता है और बताता है कि ये सब उसने उन तीनों के लिए किया, क्योंकि वो तुम्हें यहाँ रखना चाहते थे और मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं कर सकता था। लेकिन जियांग उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और कहती है कि अब तुम भी मुझे पसंद करने लगे हो और अगर ऐसा है तो ये कैंडी खाओ, और वो उसे खुद कैंडी खिलाती है, जहाँ वो दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। लेकिन उन दोनों पर लीना और जियू अपनी नज़र रखे हुए थे। जब लियू वापस उस रूम में जाता है तो जियांग की कैंडीज को देखकर उनके साथ के कुछ मोमेंट्स को याद करने लगता है और वो कैंडीज को खाकर स्माइल करता है। फिर हम क्यान्या को देखते हैं, जिसके फैंस उसे सपोर्ट कर रहे थे, पर वो उन पे ध्यान ना देकर अपनी कंपनी में जाती है, जहाँ कीचुआ उसे लव इन अ वर्चुअल वर्ल्ड एंड रियलिटी के की डिबेट की डॉक्यूमेंट्स दिखाता है, जिसे देखकर क्यान्या स्यूई से पूछती है कि मैंने तो इस डिबेट के लिए मना किया था, पर कीचुआ बताता है कि इस डिबेट के प्रपोजल को मैंने एक्सेप्ट किया और तुम्हारे फैंस ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है। पर वेबसाइट के लास्ट में एक कमेंट स्यूई का भी था, जिसे उसकी वाइफ ने लव बॉयस के लिए उसे डिवोर्स दे दिया है और वो उसे अब हेल्प मांग रहा है। फिर कीचुआ उसे उकसाने के लिए पूछता है कि क्या तुम डर गई, लेकिन क्यान्या उसे उसके गाने पर काम करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ लीना जियू को बताती है कि क्यान्या डिबेट के लिए मान गई है। फिर हम जियांग को देखते हैं, जो आज काफ़ी खुश थी, क्योंकि लियू ने उसे रखने के लिए पनिशमेंट ली और उसे लग रहा था कि अब लियू भी उसे पसंद करने लगा है, इसलिए वो मन ही मन उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लेती है। जब वो अपना फ़ोन चेक करती है तो देखती है कि क्यान्या कल के डिबेट शो में जियू से डायरेक्ट डिबेट करेगी, जो पढ़ के जियांग काफ़ी खुश हो जाती है और उसके लिए टेस्टी फूड ले जाने का डिसाइड करती है। वहीं दूसरी तरफ हम क्यान्या को देखते हैं, जो ठीक से सो नहीं पा रही थी, इसीलिए वो उन लेंसेस को दोबारा लगाने जाती है, जहाँ उसे डॉक्टर की बात याद आती है कि जो पेशेंट मेडिसिंस पर डिपेंड होते हैं वो कभी ठीक नहीं हो पाते, इसीलिए वो दोबारा सोने की कोशिश करती है, पर वो खुद को उन लेंसेस को लगाने से रोक नहीं पाती। फिर जब नियान का रिस्ट बैंड साउंड करता है तो वो भागा भागा क्यान्या के पास पहुंच जाता है, जहां वो उसे परेशान देखकर इसका कारण पूछता है। तो क्यान्या बताती है कि कल कुछ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मुझे नींद नहीं आ रही, जो सुन के नियान कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। में हम देखते हैं कि नियान क्यान्या को अपना आइडिया बताता है और उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहता है, पर क्यान्या को डांस नहीं आता था, इसीलिए नियान उसे सिखाने लगता है, जहां थोड़ी कोशिश के बाद क्यान्या उसके साथ डांस करने लगती है। इतने में हम जियांग को देखते हैं, जो क्यान्या को चीयर करने के लिए अच्छा खाना लाती है, पर जब वो उसके रूम में जाती है तो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि क्यान्या भी लव बॉयस के लेंसेज को यूज़ कर रही थी। दूसरी तरफ नियान देखता है कि क्यान्या अचानक ऑफलाइन हो गई है, इसलिए वो भी गेम को क्विट कर देता है। वहीं जियांग तो काफ़ी खुश हो रही थी कि उसकी फ्रेंड भी लव बॉयज़ गेम को खेलती है, पर क्यान्या कहती है कि मैं तो बस उन्हें ट्राई कर रही थी, जिस पे जियांग पूछती है कि वो उन चारों में से किसके साथ थी, कहीं वो मेरा वाला तो नहीं था। तो क्यान्या कहती है कि वो मेरे टाइप का ही नहीं है, और वो बता देती है कि मैं नियान के साथ थी। तो जियांग कहती है कि तुम्हें वही मिला, जब देखो तो वो अपनी फिलोसफी झाड़ता रहता है। मगर क्यान्या कहती है कि उसने मेरे इंसोमिया को क्योर किया है और इसी वजह से मैं उसके साथ हूँ, और बात रही डांस की तो मैं सो नहीं पा रही थी इसलिए वो मेरी हेल्प कर रहा था। फिर जियांग को याद आता है कि कल उनकी डिबेट है,
इसीलिए वो पूछती है कि न्यान से मिलने के बाद जियू से डिबेट कैसे कर पाएगी। पर क्यान्या कहती है कि मेरी कंपनी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जिसके बाद जियांग उसे उसके पैसे देती है और कहती है कि ये मैंने अपने हार्डवर्क से कमाए हैं। पर क्यान्या तो शॉक्ड थी कि इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से। नेक्स्ट डे हम जियांग को देखते हैं जो लव बॉयज के लिए आज केक ले जाने के लिए केक शॉप पर आई थी, पर वो केक इतना एक्सपेंसिव था तो वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ शॉप की ऑनर उसे रोकती है और एक बिग केक खरीदने पे उसे दो स्मॉल केक्स फ्री मिलेंगे, पर जियांग दो की जगह तीन केक मांगती है, जिसके लिए वो लेडी मान जाती है। पर जियांग काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि बड़ा वाला केक लियो के लिए होगा और बाकी उन तीनों के लिए। दूसरी तरफ हम लियो को और सियोली को देखते हैं जो हेल्दी खाना खा रहे थे, जहाँ लियो के कहता है कि बाहर का खाना खाने के बाद तो ये हेल्दी फूड खाया ही नहीं जा रहा। तो सियोली कहती है कि तुम इसे अपना फेवरेट खाना समझो जो तुम खाना चाहते हो और इसे खा जाओ। इतने में जियांग वहाँ आ जाती है, जिसे देख के वो दोनों उससे पूछते हैं कि आज वो इतनी जल्दी कैसे आ गई, जिस पे वो बताती है कि अब से वो बे हाउस की फुल टाइम एम्प्लॉय है। और इसी खुशी में वो उन्हें स्पाइसी फूड और केक देती है, जिसे देखकर वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। पर उन्हें इस तरह लियो देख रहा था। इसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जियो लियो से कहता है कि अब उसने जियांग के लिए पनिशमेंट ली है तो वो उसे यहाँ रखेगा, पर इसके बदले उसे जियांग की हर छोटी डिटेल्स नोट करनी होगी वरना वो जियांग को यहाँ से निकाल देगा, जिसके लिए लियो मान जाता है। सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ लियो के बड़ा केक टेस्ट करने के लिए कहता है पर वो मना कर देती है और केक लेकर लियो के रूम की तरफ बढ़ती है, जिसे देखकर लियो अपने रूम में भाग जाता है और डोर नॉक होने पर दरवाज़ा खोलता है। पर जियांग ने नियान को नॉक किया था, इसलिए वो दोबारा अंदर चला जाता है। तभी वहाँ लियो के और सियोली उनकी बातें सुनने लगते हैं, जहाँ जियांग नियान से पूछती है कि उसे किस तरह की लड़कियाँ पसंद है, जो सुन के वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, जिसपे सियोली को लगता है कि जियांग हर मिलने वाले लड़के को पसंद करने लगी है। वहीं नियान बताता है कि उसे जेंटल, लंबे बालों वाली, क्लीन रहने वाली लड़की पसंद है, जो बातें सुन के जियांग समझ जाती है कि क्यान्या का कोई चांस नहीं है क्योंकि वो तो बिल्कुल ही उसके टेस्ट के अपोजिट थी। तभी हम बाहर देखते हैं कि लियो भी उनकी बातें सुनने लगता है, पर लियो को वहाँ देखकर वो दोनों चले जाते हैं। इतने में जियांग बाहर आती है और लियो को देखकर पूछती है कि क्या वो हमारी बातें सुन रहा था, पर लियो मना कर देता है और कहता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, जिस पर जियांग कहती है कि तुम जेलस हो रहे हो ना कि मैंने बड़ा केक उसे दे दिया। लेकिन लियो इस बात से इनकार करता है और कहता है कि तुम जिसे मर्जी केक दो, मुझे उससे क्या। जहाँ जियांग वो बड़ा केक उसे देती है और कहती है कि मैं मजाक कर रही थी। जहाँ हम देखते हैं कि कल ज़्यादा वर्कआउट होने की वजह से लियो तो एक स्पून भी नहीं उठा पा रहा था। फिर जियांग उसे केक के टेस्ट के बारे में पूछती है, जिसपे लियो कहता है कि ये ठीक ही है, पर फिर भी वो एक के बाद एक करके केक खाता रहता है। दूसरी तरफ हम डिबेट शो को देखते हैं, जहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे। फिर शो का होस्ट पहले जियो को हैंडसम मैन ऑफ यूनिवर्स कहकर बुलाता है और फिर क्यान्या को टफेस्ट वुमेन इन यूनिवर्स कहकर डिबेट के लिए बुलाता है, जहां उन दोनों के फैंस उन्हें काफ़ी चीयर कर रहे थे। होस्ट फिर शो को स्टार्ट करके वहां से चला जाता है, जिसके बाद जियो कहता है कि जिन लोगों को जो नहीं मिल पाया वाईफोर उन्हीं के लिए क्रिएट किया गया है। सीन शिफ्ट होता है और हम जियांग को देखते हैं जो अपना काम कर रही थी। वहीं पीछे से छुपके से लियो उसकी हर एक डिटेल लिख रहा था। जब जियांग खड़ी होती है तो वो अचानक से स्विमिंग पूल में गिर पड़ती है, जो देखकर लियो उसे बचाने के लिए आता है पर वो रुक जाता है। जहां हम देखते हैं कि बचपन में डूबने की वजह से उसके मन में आज तक डूबने का डर बना हुआ था, पर वो अपनी परवाह किए बगैर ही जियांग को बचाने के लिए कूद पड़ता है और उसे बाहर निकालता है। मगर जियांग होश में नहीं थी, जिसे इस हालत में देखकर लियो काफ़ी घबरा जाता है और उसे होश में लाने के लिए CPR देता है, जिससे जियांग को होश आ जाता है। और जब वो देखती है कि जियाओ ने उसे बचाया है तो वो उसे किस कर देती है और कहती है कि वो उसे बचाने के लिए थैंक्स गिफ्ट है। पर लियो कपड़े बदलने के बाद जियांग के बारे में लिखने लगता है कि वो एक बेवकूफ़ लड़की है जो पानी में गिर पड़ी, जिसे CPR देकर मैंने उसे बचाया। फिर तभी उसे जियो की बात याद आती है, जहां उसने उसे कहा था कि वो जानता है कि तुम जियांग को यहां रहने देना चाहते हो, जिस बात को याद करके जियाओ वो पेज फाड़ देता है। दूसरी तरफ जियांग अपने बालों को सुखाने के बाद मुस्कुराने लगती है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उस दिन उसे किस करने वाला कोई और नहीं बल्कि लियो था।
पर वो सोचने लगती है कि इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी वो वहाँ से कैसे भागा। जिसके बाद वो उसे सीक्रेट रूम में ले जाकर कुछ ढूंढने लगती है ताकि उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। लेकिन उसे उस रूम के अंदर एक और सीक्रेट रूम मिलता है जिसमें जियांग जैसे ही जाती है तो वो एक स्लाइड पर फिसल कर नीचे गिर जाती है, जहाँ चारों तरफ काफ़ी अंधेरा था और वो जगह एक टनल की तरह दिख रही थी। जब वो उस टनल में आगे बढ़ती है तो हम देख पाते हैं कि वो टनल एक अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक से कनेक्टेड है, जो सब देखकर जियांग काफ़ी हैरान थी। और वो फिर से आगे बढ़ने लगती है जहाँ उसे एक डोर दिखता है, और जब वो वहाँ से निकलती है तो एक बंद सबवे स्टेशन था और उसे लगता है कि लियू ज़रूर यहीं से भागा होगा। सीन शिफ्ट होता है और हम डिबेट शो को देखते हैं जहाँ जियू कहता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट को नहीं रोक सकता क्योंकि ये मानवता के विकास के लिए है, और वो क्यान्या की तरफ इशारा करके कहता है कि जो लोग इसके खिलाफ जाएंगे वो बहुत पछताएंगे। जिसके बाद होस्ट सभी 500 गेस्ट से वोट करवाता है जो जियू के इस बात पर एग्री करते हैं, जहाँ 499 लोगों ने जियू के फेवर में वोट किया था। पर क्यान्या कहती है कि एक राइटर ने लिखा था कि प्यार सारे रिग्रेट्स भुला देता है, पर प्यार और भी ज़्यादा रिग्रेट लाइफ में दे देता है। पर इंसान फेल्ड रिलेशनशिप से ही सीखता है और आने वाले टाइम में अपने लिए बेस्ट पार्टनर चुन सकता है। पर जियू ने तो पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया है, जो सुन के सारी ऑडियंस क्यान्या के लिए तालियां बजाती है। फिर वो आगे कंटिन्यू करते हुए बताती है कि जो लोग इस गेम को खेल रहे हैं वो इस गेम में फंसते जा रहे हैं और अपने करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे, यहाँ तक कि वो रियल वर्ल्ड और वर्चुअल रियलिटी के डिफरेंस को समझ नहीं पा रहे, जिस वजह से कुछ लोगों को मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। पर जियू को तो सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है, जो अपने फायदे के लिए फ्यूचर जनरेशन का भी नहीं सोच सकता। फिर सभी लोग क्यान्या के लिए तालियां बजाते हैं और लीना का चेहरा तो इस सबसे लटक ही जाता है। जब क्यान्या की वोटिंग होती है तो 500 में से सभी लोगों ने उसे वोट किया था, जो देखकर सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। पर तभी जियू बीच में बोलता है, जिस पर कीचुआ कहती है कि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है कहने के लिए तो चुप रहो। पर जियू सबको कुछ दिखाना चाहता था, जिसके बाद वो सभी के सामने होलोग्राम प्रेजेंट करता है जिसमें क्यान्या नियान के साथ थी और उसने भी इस गेम को खेला है। हम देखते हैं कि जब जियू ने क्यान्या के लव बॉयज के साथ वाली वीडियो सभी को दिखाई तो सभी उसे झूठी कहने लगे। जब डिबेट शो ख़त्म होता है तो क्यान्या के जो सपोर्टर्स थे अब उसके हेटर्स बन चुके थे और मीडिया वाले भी उसे कई तरह के सवाल कर रहे थे। इतने में कीचुआ गाड़ी लेके वहाँ आ जाता है और क्यान्या किसी के सवालों का जवाब दिए बगैर ही वहाँ से चली जाती है, मगर कीचुआ उस पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि उन दोनों का सेम गोल होने के बावजूद उसने लव बॉयस गेम खेली और अब इस वजह से वो दोनों ही इस प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। जहाँ कीचुआ भी रो पड़ता है और कहता है कि मैं कभी किसी लड़की से इतनी बुरी तरह चीट नहीं हुआ हूँ। तो क्यान्या कहती है कि एज अ पार्टनर मैं अपनी गलती मानती हूँ और इसके लिए माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। जिसपे कीचुआ उसे कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन याद दिलाता है कि अगर उसने कभी भी लव बॉयस गेम खेली तो उसे 10 मिलियंस का फाइन देना होगा। इसीलिए क्यान्या वो एग्रीमेंट लेकर गाड़ी से उतर जाती है। इतने में सीयू वहाँ आता है जिसके साथ क्यान्या चली जाती है। फिर सीयू बताता है कि वो कंपनी नहीं जा सकते क्योंकि इन्वेस्टर्स उसका कंपनी में वेट कर रहे हैं और तब तक के लिए उसे अपना फ़ोन बंद करना चाहिए। मगर क्यान्या पूछती है कि क्या हमारी कंपनी में अभी 10 मिलियन है, जो सुन के सीयू शॉक्ड रह जाता है और कहता है कि हमारे पास तो 1 मिलियन भी नहीं है। जब क्यान्या बताती है कि ये कीचुआ की पेनल्टी भरने के लिए है तो सीयू तुरंत सारी पेमेंट कर देता है और बताता है कि मुझे डर था कि कहीं आप भी इस गेम की आदत ना डाल लो, इसीलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट में अबाउट 10 मिलियन की जगह 1000 कर दिया। जब किन्या चेक करती है तो वो खुश हो जाती है और सीयू को थैंक्स कहती है। पर सीयू तो ये बात समझ ही नहीं पा रही थी कि जियू ने उसकी वीडियोस निकाली कैसे, क्योंकि किन्या का अकाउंट ऑलरेडी एनोनिमस था और ऊपर से रियल टाइम डेटा में से किसी की डिटेल्स निकाल पाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसीलिए सीयू क्यान्या से सोचने के लिए कहता है, और किसी को इस बारे में पता था कि आप लव बॉयस गेम खेलती हो। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो क्यान्या से डिबेट शो में हुई सारी न्यूज़ पढ़ रही थी और वो हैरान थी कि लव बॉयस गेम को खेलने वाली बात इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गई। सीन वापस से क्यान्या पे आता है जो जियांग पे शक कर रही थी कि कहीं उसी ने तो उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसके बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस हैं। वो काफ़ी देर तक बाहर रहने लगी है और तो और स्ट्रेंज आदमी उसके फ़ोन से जवाब देते हैं
और ऊपर से उसके पास अचानक से इतने पैसे भी आ गए। पर फिर वो अपने हाई स्कूल टाइम को याद करती है जब कुछ लड़कियां उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही थी। इतने में एक टीचर वहां आकर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं, जहां जियांग मॉनिटर होने के नाते टीचर से रिक्वेस्ट करती है कि कियान्या के पेरेंट्स को ना बुलाया जाए, और वो उन लड़कियों से कहती है कि उन्हें अपने पर्स को दोबारा ढूंढना चाहिए और अगर वो नहीं मिला तो मैं खुद वो पैसे पे करूंगी। टाइम प्रेजेंट में आता है जहां कियान्या रोने लगती है कि उसने जियांग पे शक किया। इतने में जियांग वापस आ जाती है, जहां कियान्या को उदास देखकर वो कहती है कि उसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर कियान्या उसे हाई स्कूल वाले इसी इंसिडेंट के बारे में पूछती है जहां उसने बाद में उन लड़कियों को काफ़ी परेशान किया था। तो जियांग पूछती है कि ये सब अभी क्यों याद कर रही हो, तो वो कहती है सभी ने मुझ पर शक किया था कि वो पर्स मैंने चुराया है, पर सिर्फ तुमने मुझ पर भरोसा रखा। तो जियांग कहती है कि मुझे सिर्फ तुम पे भरोसा था और किसी पे भी नहीं। जिस पे कियान्या कहती है कि उस टाइम मैंने वो पर्स सच में चुराया था, तो अब तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तो जियांग कहती है कि ज़रूर उस वक्त तुम्हारे पास कोई मजबूरी रही होगी और वो सब तो पास्ट की बातें हैं। फिर कियान्या उसे सीधा सीधा कह देती है कि मुझे तुम पे शक हुआ था, इसीलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह किसी पर इतना भरोसा नहीं कर सकती। इतना कहकर वो अपने रूम में चली जाती है, जहाँ जियांग भी अपने रूम में दुखी थी कि सिर्फ मैंने ही कियान्या को नियान के साथ डांस करते देखा, तो उसका शक करना भी जायज़ है, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे ये बात बाहर आए। सीन शिफ्ट होता है और हम लीना को देखते हैं, जो जियू के आते ही उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है क्योंकि उनकी दुश्मन उनके सामने टिक नहीं पाई। फिर जियू उसे कियान्या की सिचुएशन के बारे में पूछता है, तो लीना बताती है कि उसके इन्वेस्टर्स ने अपने कैपिटल वापस ले लिए और वो जल्द ही बैंकक्रप्ट हो सकती है, जो सुनने के बाद जियू को बड़ा अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे हम देख पाते हैं कि कियान्या रात भर सो नहीं पाई। इतने में जियांग उसके रूम में आ जाती है, जो बताती है कि मैं भी रात भर सो नहीं पाई, और फिर वो कियान्या को अपने साथ कहीं चलने के लिए कहती है। पर हम देखते हैं कि जियांग कियान्या को अपने साथ उसी बंद पड़े सबवे स्टेशन में लाती है, पर कियान्या को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, तो जियांग उसे उस पर भरोसा रखने के लिए कहती है और उसे सबवे स्टेशन में ले जाती है। फिर उसके बाद वो दोनों बे हाउस की बुक शेल्फ में निकलते हैं, जहाँ जियांग चुपके से कियान्या को नियान को दिखाती है, जो सब देखकर कियान्या शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वाइफोर रियल ह्यूमंस है। फिर जियांग कहती है कि यही मेरा बिगेस्ट सीक्रेट है और मैं यही काम करती हूँ, और ये सब मैंने तुम्हें इसीलिए बताया ताकि मैं रिलीफ फील कर सकूँ। इसके बाद जब कियान्या अपनी कंपनी में होती है तो वो वाइफोर की रियलिटी को जानने के लिए उन लेंसेस को लगाती है, पर नियान की जगह उसके सामने जियो आता है और वो उसे कहता है कि तुम बैंकक्रप्ट होने वाली हो और तुम्हें अभी ये गेम खेलनी है, जहां वो उसका काफ़ी मजाक बनाता है और बताता है कि उसने उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। पर कियान्या गुस्से में लेंसेस को निकाल कर फेंक देती है। दूसरी तरफ हम जियू को देखते हैं, जो लीना से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि कियान्या दोबारा से ग्रो करे, क्योंकि इसी को फेयर कॉम्पिटिशन कहते हैं। इतने में नियान वहाँ आ जाता है, जिससे जियू कहता है कि मिशन कम्प्लीट हुआ और अब उसे कियान्या से नहीं मिलना पड़ेगा, जो सुन के नियान थोड़ा उदास हो जाता है। फिर हम जियांग को देखते हैं, जो ग्रैनी के साथ थी, जहां ग्रैनी उसे एक और जॉब के बारे में बताने लगती है, पर जियांग तो पहले पेमेंट के बारे में ही पूछने लगती है, तो ग्रैनी बताती है कि ये चैरिटी वर्क है, जो सुन के उसका मुंह लटक जाता है और वो कीकी को इस काम के लिए सजेस्ट करती है, जिस पे ग्रैनी कहने लगती है तो फिर मैं कीकी को तुम्हारी सैलरी का 5 times पे करूँगी। तो जियांग कहती है कि आप मुझे इस तरह डरा नहीं सकते, मैं आपको सोच कर बताऊँगी। सिन वापस जियू पे आता है, जो लियू के लिखे नोट्स को पढ़ रहा था, जहां लियू की हैंडराइटिंग इतनी ख़राब थी कि जियू से पढ़ाई नहीं जा रहा था, पर तभी वो मुश्किल से पढ़ता है कि जियांग पूल में गिर गई थी, जिसे CPR से बचाया। पर जियू इस बात से हैरान था कि उसने पानी में कूदकर जियांग की जान बचाई, क्योंकि लियू को तो पानी से डर लगता था, जिस पे लियू कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो डूबकर मर जाती और मैंने उसे मिशन पूरा करने के लिए बचाया। तो जियू पूछता है कि पहली बार किसी लड़की को CPR देकर कैसा लगा, जिस पे लियू थोड़ा शर्माते हुए कहता है कि उसके लिप्स सॉफ्ट थे, जो सुन के जियू भी हंसने लगता है और पूछता है कि तुम्हें हुआ क्या है। तो लियू कहता है कि ये मेरा फर्स्ट मिशन है, इसीलिए थोड़ा नर्वस हूँ। फिर जियू उसके नोट्स के लिए उसकी तारीफ करता है, जिसके बाद लियू वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम जियांग को देखते हैं, जो एक स्लिप पे लिखे एड्रेस को देखकर एक होटल के रूम में जाती है। जब वो थोड़ा अंदर जाती है तो उसे कुछ ओल्ड लेडीज दिखती है जो साथ में गेम खेल रही थी, जिनमें से एक लेडी वहां से चली जाती है। जब जियांग उनसे बात करने के लिए आगे बढ़ती है तो वो लेडीज उसे भी अपने साथ खिलाने लगती है,
पर उसे तो ये गेम आती ही नहीं थी, जहाँ एक लेडी कहती है कि हम तुम्हें सिखा देंगे। पर जियांग को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है, पर फिर भी वो उनके साथ खेलने लगती है, जहाँ वो लगातार 3 बार जीत भी जाती है। पर इस बात से बाकी लेडीज नाराज़ हो जाती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जियांग ने उनसे झूठ कहा कि उसे खेलना नहीं आता, इसलिए वो दोनों भी चली जाती है। जिसके जाने के बाद जियांग उनसे उस लेडी के बारे में पूछती है जो 0028 में रहती है, जिसपे वो बताती है कि वो तो पहले ही जा चुकी है। जब जियांग उनके रूम में जाती है तो देखती है कि उस लेडी की केयर एक नर्स कर रही है, जिसे बात करके जियांग को पता चलता है कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है और उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और हम ल्यूके को देखते हैं, जो मूवीज़ में कपल डांस देख कर स्यूली को अपने साथ ये डांस करने के लिए बुलाता है। जहाँ उन दोनों को डांस करते देख नियान को शानिया के साथ किए डांस वाला मोमेंट याद आता है, पर उसे जियू की बात भी याद आती है कि अब से वो क्यान्या से नहीं मिलेगा। फिर हम क्यान्या को देखते हैं जो न्यू लव बॉयस लेंसेस के साथ नियान से मिलना चाहती थी, और वो उसे पूछना चाहती थी क्या जो इंट्रैक्शन उसके साथ हुई वो सब रियल है या फेक। पर जब वो उन लेंसेस को लगाती है तो फिर से जियू आता है, जो कहता है कि तुम अब भी नहीं मानी, और वो कहता है कि तुम जितने मर्जी अकाउंट बना लो सब बेकार है, क्योंकि वो सब कुछ आँखों के रेटिना को स्कैन करके पता चल जाता है। और वो हंसते हुए कहता है कि अब से तुम नियान से नहीं मिल सकती, इसीलिए अब से वो हमेशा अकेली रहेगी। जिससे परेशान होकर क्यान्या उन लेंसेस को दोबारा उतार देती है। हम क्यान्या को देखते हैं जो जियांग के आते ही एक पेपर छुपा लेती है, पर जियांग वो नोटिस कर लेती है, और जब वो पेपर उसे लेकर दिखाती है तो उसमें सबवे स्टेशन का सीक्रेट रूम तक का मैप बना हुआ था, जो देखकर जियांग पूछती है कि क्या तुम नियान को देखने जा रही हो। जिस पे वो कहती है कि मैं तो बस राइड पे जा रही हूँ, लेकिन जियांग समझ जाती है कि वो ये पता करने जा रही है कि वो वर्चुअल और रियल नियान दोनों सेम है या फिर अलग। इसीलिए जियांग खुद ही उसे बता देती है कि वो दोनों अलग हैं, पर क्यान्या यकीन नहीं करती और कहती है कि अगर लियू अलग है तो इसका ये मतलब नहीं कि नियान भी अलग हो वर्चुअल कैरेक्टर से। जियांग फिर उसकी जिद को देखकर मान जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी नियान से सेफली मिलने में, जिस पे क्यान्या काफ़ी खुश हो जाती है। पर बदले में जियांग ड्रिंक्स की ट्रीट मांगती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जियांग ड्रिंक्स के बाद बेटर फील कर रही थी, इसलिए वो सोफ़ा पर ही लेट जाती है। इतने में लव बॉयज़ वाले आते हैं, जो देखते हैं कि जियांग ने आज अपना काम पूरा नहीं किया। जब स्यूली भागता हुआ सोफ़ा पर जंप करता है तो वो जियांग से टकरा जाता है और दोनों ही चिल्लाने लगते हैं, पर जियांग की तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए ल्यूके उसके लिए डस्टबिन लाता है ताकि वो वॉमिट कर सके। जिसे ऐसे देखकर ल्यूके पूछता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो, मैंने ऐसा टीवी में देखा था। पर जियांग कहती है कि बंद करो अपनी बकवास, ये बस हैंगओवर है। फिर लियू रूम में जाकर वो डायरी लेता है और सब कुछ नोट करने लगता है। जहाँ ल्यूके पूछता है कि ये हैंगओवर क्या होता है, तो जियांग उसे बताती है कि जब तुम ज़्यादा ड्रिंक कर लो तो हैंगओवर होता है। तो ल्यूके बुक में हैंगओवर उतारने के लिए तरीका ढूंढता है, जिसमें उसे हनी वाटर का सॉल्यूशन मिलता है। वहीं ल्यूके अगली बार उनके लिए ड्रिंक्स लाने के लिए कहता है। जब जियांग किचन में जाकर पानी पीती है तो उसे उसमें हनी का टेस्ट आने लगता है। जहाँ हम थोड़ी देर पहले देखते हैं कि ल्यूके ने पहले तो ग्लास में हनी वाटर रखा था, पर उसे डर था कि कहीं कोई और इसे ना पी ले, इसीलिए उसने पूरे वाटर फिल्टर में ही हनी डाल दी। जब जियांग ये देखती है तो काफ़ी खुश हो जाती है और उस वाटर फिल्टर को भी गले लगा लेती है, पर तभी उसे क्यान्या का काम याद आता है। वहीं हम नियान को देखते हैं जो क्यान्या के बारे में ही सोच रहा था, जहाँ वो उससे कहती है कि जब कोई लड़की ड्रिंक ऑफर करे तो मना नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ जियांग उसका रूम साफ करने के लिए आती है, जिसे लियू छुप कर देखता है और सोचता है कि नियान का कमरा साफ करते वक्त ही ये डोर क्यों बंद करती है। फिर जियांग नियान से कहती है कि मैं यहाँ सफाई के लिए नहीं बल्कि किसी और काम से आई हूँ, और ये हम दोनों का सीक्रेट रहेगा। जिसके बाद वो उसे बात याद दिलाती है, उसने उसे गर्लफ्रेंड की एक्सपेक्टेशंस के बारे में पूछा था और वो कहती है कि उसके पास ऐसी एक लड़की है जिसे मैं तुमसे मिलवा सकती हूँ, पर बस उसके बाल छोटे होंगे। जिस पे नियान कहता है कि मैं आज तक सिर्फ 2 ही लड़कियों से मिला हूँ, एक लीना और दूसरी तुम। जहाँ जियांग बताती है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड भी है, तो नियान समझ जाता है कि वो क्यान्या की बात कर रही है। जिस पे नियान कहता है कि मैं बाहर नहीं जा सकता, तो जियांग कहती है कि वो मेरा काम है, बस तुम रात को 10 बजे तैयार रहना। रात में हम क्यान्या को देखते हैं जो वही सबवे वाले रास्ते के अंदर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ नियान भी काफ़ी नर्वस हो रहा था। इतने में जियांग वहाँ आती है, जो बताती है कि सभी लोग सो चुके हैं। फिर वो साथ में जाने लगते हैं, पर तभी वो किसी के आने की आवाज़ सुनती है, जिससे वो लोग छुप जाते हैं।
पर वो ल्यूके था, जिसके जाने के बाद जियांग वो सीक्रेट डोर ओपन करती है। इतने में सियुली वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं, पर वो नींद में था और वो वापस चला जाता है। जिसके बाद लियू वहाँ से गुजर रहा था, जिसे देखकर वो दोनों दोबारा छुप जाते हैं, मगर लियू वहाँ बैठकर टीवी देखने लगता है। इसीलिए जियांग क्यानिया को मैसेज कर देती है कि आज वो 10:20 तक नहीं आए तो वो वापस चली जाए। वहीं जियांग नियान को कॉइन देकर टनल में जाने का रास्ता बताती है और लियू को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चली जाती है, जिसे वहाँ इस टाइम देख के लियू से पूछता है कि वो अभी तक नहीं गई। पर जियांग कहती है कि तुम्हारा इसे कोई लेना देना नहीं है। तो लियू से पूछता है कि वो शाम को नियान के कमरे में क्या करने गई थी, जिस पर जियांग काफ़ी खुशी से पूछती है कि क्या तुम्हें जलसी हो रही थी। फिर वो उसके नज़दीक जाके बताती है कि हम सिर्फ दोस्त थे, मगर लियू कहता है कि अगर ऐसा है तो दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत थी। पर जियांग कहती है तुम्हें तो कुछ ज़्यादा ही जलसी हो रही है, इसीलिए वो उसके साथ बैठकर टीवी देखने लगती है। पर लियू वहाँ से जाने के बजाय उसके साथ ही टीवी देखने लगता है। तो जियांग वहाँ से जाकर लियू का टेडी बियर ले आती है और कहती है कि इसे दोबारा से धोना पड़ेगा, जिसे लेने के लिए लियू उसके पीछे भागता है। जिस बीच मौका पाकर नियान वो सीक्रेट डोर खोलता है और वहाँ से चला जाता है। जब लियू जियांग को पकड़ने ही वाला था तो जियांग उस टेडी को स्विमिंग पूल में फेंकने की धमकी देती है, पर इसी दौरान उसका पैर फिसल जाता है और वो स्विमिंग पूल में गिरने वाली थी, लेकिन लियू उसे पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे जियांग उसे गलती से किस कर देती है। पर जब उसे रियलाइज़ होता है कि ये क्या हो गया तो वो वहाँ से भाग जाती है, जिसके जाते ही लियू स्माइल करने लगता है, मतलब उसके मन में जियांग के लिए फीलिंग्स है। दूसरी तरफ हम क्यानिया को देखते हैं, जो टाइम पूरा होने पर जाने लगती है, पर तभी वहाँ नियान भागता हुआ आता है, जिसे वो देखती रह जाती है। फिर वो उससे पूछती है कि जिसने मेरे साथ डांस किया और इतने टाइम मेरे साथ रहा वो वर्चुअल कैरेक्टर था या फिर तुम, जिस पे नियान कहता है कि ये सच नहीं है और इसीलिए मैं तुम्हें यही बताने के लिए आया हूँ। इतना कहकर वो जाने लगता है, पर क्यानिया उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि उसे यकीन है कि तुम ही थे, पर वो उसके सवालों का जवाब नहीं देता और जाने लगता है। पर बीच रास्ते में रुककर वो क्यानिया से कहता है कि वो मैं ही था जो उसके साथ था। सीन शिफ्ट होता है और हम जियांग को देखते हैं, जो क्यानिया को समझा रही थी कि जिस नियान से वो गेम और रियलिटी में मिली वो दोनों ही अलग हैं। फिर वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताती है जब वो लियू से रियलिटी में मिली थी, पर क्यानिया का ध्यान तो कहीं और ही था और वो मन में सोच रही थी कि ज़रूर ये जियू का प्लान होगा मुझे बर्बाद करने के लिए, और नियान भी उसी के साथ मिला होगा, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि अब वो उन्हें बर्बाद करेगी। पर जियांग तो उसकी स्माइल देखकर टेंशन में आ जाती है, कहीं वो नियान से फर्स्ट साइट में ही प्यार ना कर बैठी हो, और वो काफ़ी बड़बड़ करने लगती है। मगर क्यानिया तो अपने ही ख्यालों में मस्त थी और ड्रिंक कर रही थी, जिसे देखकर जियांग डिसाइड करती है कि वो लियू को ड्रंक करके रहेगी। अगली सुबह हम जियू को देखते हैं और जब वो उठता है तो ग्रैनी को वहाँ देखकर काफ़ी डर जाता है और उनसे पूछता है कि वो अचानक से यहाँ कैसे आ गई, जिस पे ग्रैनी कहती है कि तुम तो मेरे घर पे 15 साल 8 महीने और 18 दिन रहे हो, मैंने तो तुमसे ऐसा कभी नहीं पूछा। फिर ग्रैनी उसे परेशान करने के लिए पहले तो अपने शूज़ के साथ ही बेड पर चढ़ जाती है, और जब जियू ब्रेकफास्ट करने लगता है तो ग्रैनी उसे अपने खाने में से कुछ भी नहीं देती और वो उसे पास्ट याद दिलाने लगती है कि जब वो छोटा था तो ग्रैनी उसका बचा हुआ खाना खाती थी ताकि जियू का पेट भरा रहे, जिस पे जियू कहता है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ, वरना मैं तो ऑर्फनेज में ही रह जाता, जहाँ में पता चलता है कि ग्रैनी ने जियू को अडॉप्ट किया था। फिर ग्रैनी उसे पूछती है कि वो अपने प्रोजेक्ट को कब बंद करेगा, क्योंकि हर बार वो कॉन्ट्रैक्ट की डेट को आगे बढ़ा देता है, जिस पे जियू कहता है कि वो जल्द ही ये सब बंद करेगा। सीन शिफ्ट होता है और हम क्यानिया को देखते हैं, जहाँ सियुई के बुलाने पर लीजा वहाँ आती है, पर उसे गार्ड्स पकड़ लेते हैं। फिर सियुई कहता है कि वो याओ इनकॉर्पोरेशन के साथ मिलकर उन्हें धोखा कैसे दे सकती है, उसके वजह से क्यानिया ने गेम को खेलना शुरू किया था। फिर क्यानिया पूछती है कि क्या उसने किसी और को बताया था कि मैं ये गेम खेलती हूँ, पर लीजा मना करती है और कहती है कि कल डिबेट के दौरान ही उसने देखा था, जिसमें आप काफ़ी सेक्सी लग रही थी। मगर सियुई कहता है कि पॉइंट ये नहीं है, बल्कि तुम्हें याओ इनकॉर्पोरेशन के आदमी के साथ वो ने देखा था। पर लीजा कहती है कि मैंने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, इसलिए वो मुझे फंसा रहा है। लेकिन सियुई कहता है कि तुम्हें जियू की गर्लफ्रेंड लीना के साथ देखा गया था, जिस पर लीजा खुद ही कह देती है कि वो उसकी असिस्टेंट है, जिससे वो पकड़ी जाती है। इसलिए वो क्यानिया से माफ़ी मांगने लगती है कि उसे लव बॉयज़ के लेवेंडर मेंबरशिप चाहिए थे, जिस वजह से उसने ये सब किया,
पर गेम खेलने वाली बात उसने अभी तक किसी को नहीं बताई थी, जहाँ सियुई और लीजा आपस में बहस करने लगते हैं, पर क्यानिया उसे वहाँ से भेज देती है, जिसके बाद क्यानिया सियुई से कहती है कि मुझे पहले से ही स्ट्रैप में फंसाया जा रहा था। फिर वो लीजा को फायर करने के लिए कहती है और वो सियुई से कहती है कि वो अपने वाइफ के जर्नलिस्ट फ्रेंड को रेडी करे, क्योंकि वो जियू के बारे में कुछ बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील करने वाली है। हम क्यान्या को देखते हैं जो उसी सबवे स्टेशन वाली टनल में है और वो आगे बढ़ते बढ़ते बेहाउस के सीक्रेट रूम में निकलती है। तभी उसका फोन वाइब्रेट होता है और जब वो उसे उठाती है तो दूसरी तरफ सियोई बताता है कि उसकी वाइफ की जर्नलिस्ट फ्रेंड मान गई है, इसीलिए आप अपना सरप्राइज जल्दी प्रिपेयर करो। इसके बाद क्यान्या बाहर आती है और इस जगह की प्रूफ के लिए पिक्चर्स क्लिक करती है, जहाँ वो मन ही मन जियांग से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से उसकी जॉब चली जाएगी। इतने में लिफ्ट की आवाज़ सुनकर क्यान्या वहीं छुप जाती है। फिर जियांग वहाँ आती है। दूसरी तरफ हम लव बॉयज़ को देखते हैं जो अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे, जिन्हें एक साथ देखकर क्यान्या हैरान हो जाती है, इसलिए वो उनके भी पिक्चर्स क्लिक करने लगती है। फिर हम जियू को देखते हैं जो लीना पे काफ़ी गुस्सा कर रहा था क्योंकि उसने गेट का पासपोर्ट आंटी फ्यूजन को दे दिया, इसलिए जियू उसे लास्ट चांस देता है और वो पासपोर्ट चेंज करने के लिए कहता है। सीन जियांग पे आता है जो बियर्स की काफ़ी सारी कैंसिल आई थी। तभी वहाँ सियुली और ल्यूके आते हैं जो बियर्स को पहली बार देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और उसे ड्रिंक करने लगते हैं। फिर जियांग उन्हें रोकती है और बाकी सभी के आने का वेट करने के लिए कहती है। फिर जब सभी लोग साथ में टेबल पर खाना खाने बैठते हैं तो जियांग उनकी दोस्ती और बेहाउस के नाम पर चीयर्स करती है। जियांग को ऐसे देखकर ल्यूके पूछता है कि तुम्हें तो हैंगओवर टॉर्चर लगता है ना, तो फिर क्यों ड्रिंक कर रही हो? जिस पर जियांग कहती है कि तुम्हें जब भी हैंगओवर हो तो तुम्हें और भी ड्रिंक करना चाहिए, इससे तुम्हारा हैंगओवर कम हो जाएगा। फिर वो कहती है पर मुझे क्या टेंशन, कोई है जो मेरे लिए हनी वाटर रेडी कर देगा। फिर वो जानबूझकर ल्यूके से पूछती है कि क्या तुमने मेरे लिए हनी वाटर रेडी किया था, पर ल्यूके कहता है कि हनी वाटर के बारे में जो अच्छे से जानता है वो नियान है, जो सुन के ल्यूके का मुँह लटक जाता है। मानो वो अपने मन में कह रहा हो कि वो मैं था जिसने हनी वाटर प्रिपेयर किया था, लेकिन नियान भी इससे मना करता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर लियू सभी को चुप रहने के लिए कहता है और थोड़ा सा ड्रिंक करके ग्लास नीचे रख देता है, जो सब देखकर सभी उसे फोर्स करने लगते हैं कि तुम्हें और ड्रिंक करना होगा। जहां एक के बाद एक ग्लास पीने के बाद सभी नशे में थे, जिन्हें इस तरह देखकर क्यान्या उनकी पिक्चर्स क्लिक करने लगती है, पर लियू तो कुछ ज़्यादा ही नशे में था, इसीलिए जियांग उसे उसके रूम में ले जाती है और उसे उसके बेड पर लिटा देती है, जहाँ उसे पूछती है कि क्या तुम पहले कभी यहाँ से बाहर गए हो और तुमने क्या किया बाहर जाकर। जिस पे लियू कहता है कि मैं सिर्फ एक ही बार बाहर गया हूँ और उससे मिला। तो जियांग पूछती है कि किससे, वो लड़का था या लड़की, तो लियू सो जाता है। दूसरी तरफ क्यान्या ये सब कुछ देखकर काफ़ी सरप्राइज थी और जब वो पूल की फोटोज क्लिक कर रही थी तभी पीछे से नियान आ जाता है, जिसके आते ही क्यान्या अपना फ़ोन छुपा लेती है और नियान को सरप्राइज कहती है। वहीं जब जियांग साइड में रखी बुक देखती है तो वो उसे खोलती है, जहाँ हनी वाटर वाले इलाज के बारे में लियो ने मार्क लगाया था, जो देखकर जियांग स्माइल करती है। तभी उसे बुक में एक पिक्चर्स दिखती है जिसमें वही टेडी बियर था जो आज लियो के पास है। सीन वापस क्यान्या पे आता है, जिसे नियान छुपा के अपने रूम में ले जाता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, जिस पे क्यान्या कहती है कि मैं तो बस तुम्हें देखने आई थी, जो सुन के नियान भी दो सेकंड के लिए चुप हो जाता है। इतने में ही जियू वहाँ आ जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर नियान भागा भागा वहाँ पहुँचता है, जिससे जियू बाकियों के बारे में पूछता है, जिसके बारे में सियुली ल्यूके और लियू लड़खड़ाते हुए जियू के पास आते हैं, जिन्हें इस हालत में देखकर जियू काफ़ी गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि यहाँ बियर आई कैसे, जिस पे ल्यूके और भी बियर मांगने लगता है, जिसे सियुली चुप करता है। अब जियू नियान से कुछ पूछता उससे पहले ही उसके रूम में किसी की आवाज़ आती है, इसीलिए जियू नियान के रूम में चेक करने के लिए जाता है, पर जियू काफ़ी घबराया हुआ था क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, क्योंकि उसने क्यान्या को उसी अलमीरा में छुपाया था। जब जियू डोर खोलता है तो उसमें से जियांग बाहर आती है और वो सीधा उसके पैर पकड़ के माफ़ी मांगने लगती है कि अब से वो ऐसा नहीं करेगी और उनके लव बॉयस के आने से पहले ही चली जाया करेगी, ताकि उन्हें उससे मिलना ना पड़े। मगर जियू तो अपना पैर छुड़ा ही नहीं पा रहा था और उस पर काफ़ी गुस्सा कर रहा था। तभी उसे लियू का ख्याल आता है, क्योंकि जियांग की वजह से उसकी फीलिंग्स मीटर में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, इसलिए जियू जियांग को लास्ट चांस देता है और कहता है कि तुम्हें टाइम पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आफ्टर ऑल ये तुम्हारे फ्रेंड्स ही हैं। मगर क्यान्या ये सब अंदर छुपकर सुन रही थी। फिर जियांग कहती है कि आपका दिल ना दुनिया में सबसे बड़ा है, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर जियू नियान से पूछता है कि क्या मेरा दिल सच में बड़ा है, जिस पर नियान कहता है कि हाँ, एक बड़े समंदर जितना,
जिसके बाद वो जाते जाते स्यूली से कहता है कि तुम इन दोनों को इस तरह लेकर खड़े रहोगे जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता। रात में हम जियांग और क्यान्या को देखते हैं जो सबवे स्टेशन के बाहर क्यान्या का फ़ोन लेती है और उन फोटोज़ को देखती है जो कि उसने क्लिक किया था। इससे पहले हम देखते हैं कि क्यान्या छुपकर लव बॉयज़ को देख रही थी, तब जियांग उसे वहाँ देख लेती है। नेक्स्ट डे हम क्यान्या को देखते हैं जो नियान की फ़ोटोज़ देख रही थी, तभी वहाँ स्यूली आता है और पूछता है कि क्या उसने अपना सरप्राइज रेडी किया। तो क्यान्या कहती है कि अभी नहीं और लगता है कि मुझे दोबारा रिस्क लेना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो नर्सिंग होम में उसी लेडी की केयर कर रही थी जिसके पास ग्रैनी ने उसे भेजा था। तभी जियांग वही फ़ोटोज़ नोटिस करती है जो उसने लियू की बुक में देखी थी, तो वो इस फ़ोटो के बारे में उस लेडी से पूछती है, जहाँ हमें पता चलता है कि उस फ़ोटो में जो लड़के हैं वो उनकी मॉम है। जिसे सुनने के बाद जियांग ग्रैनी से पार्क में मिलने जाती है, जहाँ वो उसे पूछती है कि पहले आपने मुझे बे हाउस पे काम करने के लिए भेजा और अब इस नर्सिंग होम में आखिर बात क्या है और क्या वो लेडी सच में लियू की मॉम है। जिसके इतने सवाल सुनकर ग्रैनी कहती है कि तुम खुद ही पता कर लो और वो उसे बातों में उलझा कर वहाँ से चली जाती है, जिससे जियांग काफ़ी परेशान हो जाती है। रात में हम देखते हैं कि जियांग लियू और उसकी मॉम के बारे में ही सोच रही थी और वो गेस करती है कि शायद लियू उन्हीं से मिलने के लिए बेहाउस से भागा होगा। तभी क्यान्या भी वापस आ जाती है और उसे बताती है कि जियू का मोटिव ज़रूर वर्चुअल वाइफोर को फेमस करके पैसा कमाना है और वो यही चाहता है कि रियलिटी में जो लव बॉयज़ है वो फेमस बने, क्योंकि इससे उनकी प्रॉफिट पे असर पड़ेगा और इसीलिए उसने उन्हें छुपा कर रखा है। जो सुन के जियांग कहती है कि तुम मेरे पीठ पीछे रेवेंज की तैयारी कर रही हो, जिसमें क्यान्या कहती है कि इससे तुम्हारी जॉब जा सकती है पर मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगी। तो जियांग कहती है कि मुझे उसकी फिक्र नहीं है बल्कि लव बॉयज़ की है, क्योंकि उन्हें तो इस सब के बारे में कुछ नहीं पता है और इसके बाद वो दुनिया में कैसे सर्वाइव करेंगे। तो क्यान्या कहती है कि तब तो उन्हें सच्चाई का पता होना ज़रूरी है। जो सुन के जियांग तुरंत लियू को उसकी मदर की कंडीशन के बारे में बताने के लिए जाने लगती है, तो क्यान्या कहती है कि मैं भी चलूँगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग लियू से मिलने बेहाउस पहुँच जाती है, जिसे देखकर लियू कहता है कि यहाँ कोई हनी वाटर नहीं है, तुम जाओ। पर जियांग कहती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है और वो अंदर चली जाती है और उस फोटोज़ को दिखाकर पूछती है कि क्या ये तुम्हारी मॉम है। तो लियू उस पर चिल्लाता है कि उसे उसकी मॉम के बारे में पूछने का कोई हक नहीं है। तो जियांग उसे बता देती है कि उसकी मॉम को कैंसर है और ऐसे टाइम में उसे उनके साथ रहना चाहिए, मगर लियू उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ हम क्यान्या को देखते हैं जो नियान से कुछ पूछती है। उसे पहले नियान उसे एक सरप्राइज दिखाने के लिए अपने साथ एक खाली कमरे में लेकर जाता है, तभी वहाँ एक स्पॉटलाइट ऑन होती है। फिर नियान क्यान्या का हाथ पकड़ के उसके साथ डांस करता है, जहाँ क्यान्या भी उसके साथ बिताए मोमेंट्स को याद करती है और खुशी से उसके साथ डांस करती है, यानी कि वो भी मन ही मन उसे पसंद करने लगी थी। फिर वो उसे पूछती है कि जब हम फर्स्ट टाइम गेम में मिले थे तो क्या जियू ने तुम्हें भेजा था, जिसपे नियान बताता है कि तुम्हें मेरे प्यार में डालने के लिए जियू ने मुझे ये मिशन दिया था, पर उस वक्त के बाद से मैं अपने आप पर काबू खोने लगा। मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता था और हमेशा तुम्हें खुश रखना चाहता था। और यहाँ वो अपना लव क्यान्या के लिए कन्फेस कर देता है, जिसे सुनने के बाद क्यान्या पौसी हो जाती है। क्यान्या नियान से कहती है कि अगर तुम्हारी बातें सच है तो मेरे साथ असली दुनिया में चलो और उसे देखो। जिसकी ये बात पहले तो नियान नहीं मानता, फिर वो उसकी बात मान जाता है, लेकिन वो अपना मन फिर से बदल लेता है और बाहर की दुनिया में जाने से मना करता है और कहता है कि मैं इतने सालों से कभी बाहर नहीं गया और ये सब मेरे लिए काफ़ी जल्दी हो रहा है, जिसके लिए मैं भी तैयार नहीं हूँ। तो क्यान्या कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो तुम मेरे साथ इस दुनिया को देखो। जिस पर नियान उसे कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है पर मुझे इस सब के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसके जाते ही क्यान्या उदास हो जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद जियांग मायूस चेहरा लेकर वहाँ आती है और वो दोनों वापस चले जाते हैं। फिर हम लियू को देखते हैं जो अपनी मॉम की फ़ोटोज़ को हाथ में लेकर बैठा था। फिर हम उस दिन का सीन देखते हैं जब वो बेहाउस से भागा था, तब वो अपनी मॉम के पास गया था, जहाँ वो चुपके से अपनी मॉम को देखकर काफ़ी खुश होता है, लेकिन वो उनसे बिना मिले ही वहाँ से चला आता है, जहाँ उसे गार्ड्स पकड़ लेते हैं। सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ लियू फिर से जियांग के बारे में सोचने लगता है। फिर हम जियांग और क्यान्या को देखते हैं जो साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी जियांग कहती है कि अगर हम उन लड़कों के बारे में सोचेंगे तो हमारे बारे में कौन सोचेगा, इसीलिए हमें अब अपने बारे में सोचना चाहिए। फिर उनकी बातों से हमें पता लगता है कि आज जियांग के मॉम का बर्थडे है, जो कि मर चुकी है, और उसके डैड आज घर आने वाले हैं। सीन फिर से नियान पे आता है, जो उस दिन के बारे में सोच रहा था जब जियू ने उसके सामने लियू को पनिशमेंट दी थी, क्योंकि लियू ने बेहाउस से भागने की हिम्मत की और नियान उनसे रिक्वेस्ट करके उसे पानी से निकलवा लेता है। फिर जियू कहता है कि तुम कैप्टन हो और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है,
सीन फिर से जियांग पे आता है जो अपने डैड को देखकर काफी खुश होती है क्योंकि उसके डैड काफी महीनों के बाद वापस आए थे, जिसके बाद जियांग उन्हें आज का अपना प्लान बताती है। पर उसके डैड कहते हैं कि शिप पोत से आज रात ही निकलने वाली है, जिस वजह से वो आज रात नहीं रुक पाएंगे। जिसे सुनने के बाद जियांग काफी उदास हो जाती है और उनसे कहती है कि आप अपनी जॉब क्विट कर दो क्योंकि अब मैं भी अच्छी इनकम करने लगी हूँ। पर डैड कहते हैं कि अभी मैं यंग और हेल्दी हूँ तो मुझे अभी कुछ साल काम करने हैं। जिसके बाद डैड उसके लिए लाए हुए गिफ्ट उसे देते हैं, जिसमें शिप मॉडल, टूनिशियन कारपेट, केन्या के कॉफी बीन्स थे, जिन्हें देखकर जियांग कहती है कि ये तो मैं ऑनलाइन भी मंगवा सकती थी। पर फिर उसके डैड उसे एक बॉक्स देते हैं जिनमें काफी सारी ज्वेलरीज आइटम थी, जिन्हें देखकर जियांग काफी खुश हो जाती है। जिसपे डैड उसे बताते हैं ये बॉक्स अफ्रीकन ट्राइब एज अ डॉरी प्रिपेयर करते हैं। तो जियांग इसके प्राइस के बारे में पूछती है तो डैड बताते हैं कि ये मेरी कुछ मंथ्स की सैलरी है, लेकिन जियांग देखती है कि ये थोड़े मेड इन चाइना है, इसका मतलब ये नकली था। सीन फिर से क्यानिया पे आता है जो उन लव वॉइस वाली फोटोज को देख रही थी जो कि उसने क्लिक की थी। तभी स्यूई आकर उसे पूछता है कि क्या उसने अपने सरप्राइज के लिए रिस्क लिया। तो क्यान्या कहती है कि अभी मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। तो स्यूई टेंशन में आ जाता है क्योंकि एक तरफ उसकी जर्नलिस्ट फ्रेंड उस सरप्राइज को जानने के लिए प्रेशर बना रही थी तो दूसरी तरफ क्यान्या इसे सॉन्ग में रोल प्ले करवाना चाहता था। तो दूसरी तरफ कीचुआ इसे अपने सॉन्ग में रोल प्ले करवाना चाहता था और उनकी कंपनी अब बस एक महीने ही चल सकती थी, इसीलिए सीओई उसे समझाता है कि अगर वो सरप्राइज सच में बहुत बड़ा है तो इससे उनकी कंपनी बच सकती है। दूसरी तरफ जियांग अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी जहां वो उनसे कहती है कि आप लोगों के झांसों में जल्दी आ जाते हो, इसीलिए आगे से मेरे लिए गिफ्ट्स मत लाना। इसके बाद दोनों साथ में हॉट एयर बैलून में बैठते हैं जहां जियांग के डैड अपने वाइफ से बातें करते हैं और जियांग उन बातों को लिखती है, जहां जियांग मॉम से डैड की शिकायत करने लगती है कि इतनी मेहनत के बाद वो मुश्किल से पैसे कमा पाता है। फिर जियांग कहती है कि मैं अपने करियर में काफ़ी आगे बढ़ रही हूँ और अच्छी सैलरी से एक बड़ा घर लेकर अपना ड्रीम पूरा करना चाहती हूँ ताकि उसके डैड को सी में ना जाना पड़े। जिसकी ऐसी बातें सुनकर डैड इमोशनल हो जाते हैं। फिर वो दोनों मिलकर अपने नोट्स को प्लेन बनाकर उड़ा देते हैं और मॉम को बर्थडे विश करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जियांग छोटी थी तब से लेकर आज तक डैड उसे मॉम के बर्थडे पर हॉट एयर बैलून में ले जाते हैं क्योंकि ये जगह उसकी मॉम की सबसे क्लोज थी जहां वो अपनी बातें उन तक पहुंचा पाते थे। सीन शिफ्ट होता है हम क्यान्या को देखते हैं जहां प्रेसिडेंट जैंग उसे चेक देकर कंपनी उन्हें बेचने को कहता है, लेकिन क्यान्या उनसे टाइम मांगती है और कहती है कि मैं लव ऑन क्रश कंपनी को फिर से पहले जैसा कर दूंगी। पर जैंग उसे कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, पर मैं कर सकता हूँ। लेकिन क्यान्या कहती है कि ये आपके लिए कंपनी हो सकती है लेकिन मेरे लिए ये मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी किसी को नहीं दे सकती। फिर हम न्यान को देखते हैं जो क्यान्या के बारे में ही सोच रहा था। फिर वो सीक्रेट डोर को देखता है और टनल के रास्ते बेहाव से निकल जाता है जहाँ पहली बार वो दुनिया को देखता है और उसे एक अलग ही एहसास होता है। फिर वो थोड़ा सा घबराता हुआ लोगों के बीच जाता है और आसपास की चीज़ों को देखकर काफ़ी खुश होता है। वहीं उसे एक फ्लावर शॉप की ऑनर उसे एक रेड रोज़ देती है क्योंकि वो शॉप बंद कर रही थी। तभी वहाँ बारिश शुरू हो जाती है, जिसे अच्छे से फील करने के लिए नियान अपना मास्क उतार देता है और उस मोमेंट को इंजॉय करता है जो कि उसने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा। सिन वापस से क्यान्या पे आता है जो अपने ऑफिस में थी। तभी नियान उसे ढूंढता हुआ आ जाता है। हम क्यान्या को देखते हैं जो नियान को अपने ऑफिस में देखकर हैरान हो जाती है। फिर वो उसे पूछती है कि वो यहाँ कैसे आया। तो नियान कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में बिना सोचे रह ही नहीं पाया, और वो उसे वही रेड रोज देता है जिसे लेकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। और फिर वो उसे अपनी कंपनी के कपड़े देती है क्योंकि वो भीगा हुआ था। इसके बाद जब कार में क्यान्या नियान की सीट बेल्ट लगा रही होती है तो वो उसे काफ़ी नज़दीक आ जाती है, जिससे नियान की हार्ट बीट काफ़ी फास्ट हो जाती है और वो उसे देखता ही रह जाता है। इसके बाद हम दोनों को एक कार ड्राइव पे देखते हैं जहां नियान को नाइट सिटी व्यू काफ़ी पसंद आता है और वो क्यान्या से कहता है कि मुझे बारिश की फीलिंग पहली बार हुई, जो सुन के क्यान्या को उसके लिए बुरा लगता है। तो वो उसे पूछती है क्या तुम्हें इस दुनिया में आने से डर नहीं लगा। तो नियान कहता है कि तुमसे मिलने की इच्छा मेरे डर से ज़्यादा है, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो अपने डैड के कहने पर स्कूटी लेने के बारे में सोच रही होती है। फिर वो उसी फेक ज्वेलरी बॉक्स को देखकर काफ़ी खुश होती है, भले ही वो नकली है पर वो उसके डैड ने दिया था। सिन वापस क्यान्या पे आता है जो नियान को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लाई थी, जहाँ क्यान्या उसे कहती है कि ये हमारी फर्स्ट डेट है। तभी एक स्टाफ उन्हें नोटिस करने लगती है। दूसरी तरफ जियांग वर्चुअल लियू से अपनी शोल्डर की मसाज करवा रही थी और उसे डांट भी रही थी।
फिर वो उसे पूछती है कि अगर तुम्हारी मॉम की तबीयत खराब हो गई तो तुम क्या करोगे। जिस पे लियो कहता है कि मैं तो उसके पास ही रहता हूँ। जो सुन के जियांग कहती है कि तुम समझ गए, पर वो नहीं समझा। तो लियो कहता है कि एक बार उसे दोबारा समझाना, वो समझ जाएगा, और अगर वो फिर से तुम्हें डांटे तो तुम मुझे डांट लेना। जिस पे जियांग उसे गले लगा लेती है। सीन वापस क्यान्या पे आता है जो जियो के साथ वापस जा रही थी। तभी उन्हें लव बॉयज का होर्डिंग दिखता है जो देखकर क्यान्या कहती है कि वो तो फेक है और रियलिटी तुम हो, इसलिए तुम्हें रियल वर्ल्ड में रहना चाहिए। जब क्यान्या उसे वापस सबवे स्टेशन के पास छोड़ती है तो रियान उसे पूछता है कि तुम दोबारा मिलने बे हाउस कब आओगी, लेकिन क्यान्या आने से मना कर देती है और कहती है कि मैं हर रात तुम्हारा ऑफिस में वेट करूंगी और जब तुम्हारा मन करे तुम आ जाना। फिर नियान उसे बाय बोलकर वहां से चला जाता है, जहां सीक्रेट रूम से निकलने के बाद वो सीधा अपने रूम में जाता है और अपने आज के दिन को याद करता है। फिर हम लियो को देखते हैं जो अपने चाइल्डहुड को याद करता है, जहां हम देखते हैं कि लियो का भाई डूबने की वजह से मर गया था, जिसका जिम्मेदार वहां खड़ी लेडीज लियो को ही ठहराती है क्योंकि उसे अडॉप्ट करने के बाद उनका असली बेटा मर गया। इसका मतलब लियू एक अडॉप्टेड किड था। तभी दरवाजे पे जियांग उसके लिए केक लाती है और लियू से जाने के लिए कहता है, लेकिन जियांग कहती है कि कोई ऑर्डिनरी केक नहीं है बल्कि मेरी मॉम का बर्थडे केक है जो अब इस दुनिया में नहीं है। जिसे सुनकर लियू पूछता है कि अगर ऐसा है तो उनके मरने के बाद भी तुम उनका बर्थडे सेलिब्रेट क्यों करती हो। जिस पे जियांग कहती है कि मैं ये फील करना चाहती हूँ कि मॉम मेरे साथ है और तुम्हें भी मैं यही समझा रही हूँ कि तुम्हें बाद में कोई गिल्ट ना हो अपनी मॉम से दूर जाने के बाद। फिर लियू कहता है कि मेरी मॉम के बारे में किसी से भी कुछ मत कहना, जिसके बाद लियू केक खाता है जो कि उसे काफ़ी पसंद आता है। सीन शिफ्ट होता है और हम कीचुआ को देखते हैं, जहाँ उसकी असिस्टेंट बताती है कि क्यान्या ने उसके म्यूजिकल प्ले में रोल करने से मना कर दिया है। तो कीचुआ उसे क्यान्या की तरह दिखने वाली को ढूंढने के लिए कहता है और बताता है कि नियान का रोल मैं प्ले करूँगा, जो सुन के असिस्टेंट उसे कॉपीराइट से अलर्ट करती है। तो कीचुआ को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि केस फाइल होने से हम और भी पॉपुलर हो जाएंगे। जियो लीना के साथ वहाँ आता है और कहता है कि Y4 कॉन्सर्ट के लिए ये जगह काफ़ी छोटी है। तभी लीना कहती है कि ये जगह कीचुआ ने अपने कॉन्सर्ट के लिए भी बुक किया है, पर जियो यहाँ कीचुआ के सामने ही उसका मजाक बनाने लगता है, जिस पे कीचुआ कहता है कि हमारी सारी टिकट्स बिक चुकी है और तुम्हारे लिए तो मैं VVIP टिकट रखूँगा, तो ज़रूर आना। जियो तब चला जाता है तो असिस्टेंट पूछती है कि हमारी टिकट्स कब सोल्ड हो गई। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो अपने लिए एक स्कूटी लेने गई थी और एक सेल में लगी स्कूटी को देखने लगती है। फिर सीन क्यान्या पे आता है, जहाँ सियोई उसे पूछता है कि कंपनी को बचाने के लिए उसने क्या सोचा, जिसपे क्यान्या उसे अपनी प्रॉपर्टी और कार के डॉक्यूमेंट्स देती है ताकि इसे बैंक में गिरवी रखकर उन्हें कंपनी चलाने का और टाइम मिल सके, जिन्हें लेकर सियोई जाने लगता है। पर क्यान्या उसे उसका ट्रांसपोर्ट पास मांगती है और टाइम देखने लगती है। दूसरी तरफ जियो क्यान्या से मिलने के लिए रेडी हो रहा था, तभी बे हाउस में लाइट चली जाती है। वहीं गार्ड्स देखते हैं कि हेलमेट में कोई बाहर जा रहा था, तो उन्हें लगता है कि ज़रूर ये जियांग होगी, पर तभी वो उसकी हाइट नोटिस करते हैं जो काफ़ी अलग थी, जिससे उन्हें शक हो जाता है और वो गार्ड्स उसके पीछे भागते हैं। फिर हम जियांग को देखते हैं जो अपने न्यू स्कूटी पे काफ़ी खुशी से राइड कर रही थी। तभी उसे याद आता है कि उसकी हेलमेट बे हाउस में ही रह गई है, तो वो बे हाउस की तरफ जाने लगती है, लेकिन उसके सामने से उसके हेलमेट लगाए कोई भाग रहा होता है, तो वो उसके सामने अपनी स्कूटी लगा देती है और उसे रोक लेती है। लेकिन जब वो आदमी अपना हेलमेट ओपन करता है तो वो लियू था, जिसे देखकर जियांग के होश ही उड़ जाते हैं। पर वो जब देखती है कि उसके पीछे गार्ड्स बने हैं तो वो उसे अपने साथ स्कूटी पे भगा ले जाती है, लेकिन जियांग इतनी तेज स्कूटी चला रही थी कि लियू उसे पकड़ लेता है, जिससे जियांग को काफ़ी अच्छा लगता है। वहीं हम जियो को देखते हैं जो लाइट जाने की न्यूज़ सुन के तुरंत बे हाउस पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर उसे पता चलता है कि बे हाउस से कोई भाग गया है, इसीलिए जियो लव बॉयज़ को देखने जाता है, जहाँ वो खुद लियू को देखने जाता है क्योंकि उसे यकीन था कि ज़रूर वही वहाँ से भागा होगा, पर लियू तो अपने रूम में ही था। फिर जियो उन चारों से पूछता है कि कौन यहाँ से भागा था, पर किसी को कुछ भी नहीं पता था। पर हम देखते हैं कि लियू को वापस आते नियान देख लेता है, पर लियू इसे एक सीक्रेट रखने के लिए कहता है। फिर लीना कहती है कि गार्ड्स ने जिसे भागते देखा था उसके कपड़े लियू से मैच करते हैं, पर उसके पास हेलमेट नहीं था, तो लीना उस हेलमेट को ढूंढने लगती है। फिर कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जियांग उसी सबवे वाले रास्ते से वापस बे हाउस ले जाने लगती है, पर लियू कहता है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, पर जियांग उसे समझाती है कि अभी बे हाउस पहुँचना ज़्यादा ज़रूरी है। सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ जियांग भागी भागी आती है, जिसे इस टाइम यहाँ देखकर जियो इसका कारण पूछता है। तो जियांग कहती है कि मैं पावर कैंडल्स लेने गई थी, पर अब लाइट आ चुकी है तो इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं लगती। जिस पे जियो पूछता है कि
जब गार्ड्स ने तुम्हें रोका था तुम भागी क्यों? जियो के पूछने पर बताती है कि जो दो गार्ड्स ड्यूटी पे रहते हैं वो मेरी बॉडी पर कमेंट करते हैं, जिसकी वजह से मैं उन्हें देखते ही भाग जाती हूँ। इसलिए आप उन दोनों को काम से निकाल दो। जिसकी ये बातें सुनकर लीना के साथ वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद जियांग, लियो और नियान को चैन की सांस आती है। वहीं जब जियो उन दोनों गार्ड्स के पास जाता है तो वो अपनी बहादुरी सुनाने लगते हैं और इसके लिए अप्रेजल मांगते हैं, पर जियो उन्हें डांटता है और वापस काम पर भेज देता है। जिस पर लीना पूछती है कि आपने उन्हें फायर क्यों नहीं किया, तो जियो कहता है कि बे हाउस के सीक्रेट में और लोगों को शामिल नहीं करना चाहता। फिर लीना पूछती है कि क्या आपने उनकी सेम आउटफिट नोटिस की, पर जियो उस पर कुछ नहीं कहता और चला जाता है। फिर हम जियांग और लियो को देखते हैं, जहाँ जियांग कहती है कि अगर मेरी स्कूटी नहीं होती तो आज हम पकड़े जाते, इसका मतलब मैंने दो बार तुम्हें बचाया, जिसके लिए लियो उसे थैंक्स बोलता है, जो सुन के जियांग काफ़ी खुश होती है और पूछती है कि तुमने क्या कहा, तो लियो उसे दोबारा थैंक यू कहता है। फिर जियांग उसे कहती है कि अब तुम्हें भी उस सीक्रेट पैसेज के बारे में पता चल गया है, तो जब चाहो जहाँ चाहो जा सकते हो और नेक्स्ट टाइम से मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूँगी, जिसके लिए जियांग उसे पिंकी प्रॉमिस करना सिखाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम क्यान्या को देखते हैं, जो ऑफिस में नियान का वेट कर रही थी, लेकिन काफ़ी देर होने के बाद भी वो नहीं आता, तो वो वहाँ से चली जाती है। वहीं हम नियान को देखते हैं, जो लियू को पावर कट करने के लिए हेल्प करने के लिए और सीक्रेट छुपाए रखने के लिए थैंक्स बोलता है। फिर वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें सीक्रेट पैसेज के बारे में जियांग ने बताया, तो नियान हाँ कहता है। इस पर लियू पूछता है कि उसने मेरी जगह पहले तुम्हें क्यों बताया, तो नियान उसे भरोसा दिलाता है कि हम सिर्फ दोस्त थे और वो प्रॉमिस करते हैं कि सीक्रेट पैसेज वाली बात हमेशा सीक्रेट रखेंगे। फिर हम जियांग और क्यान्या को देखते हैं, जो एक साथ अपने अपार्टमेंट पहुँचते हैं और दोनों ही लेट आने का झूठा कारण बताते हैं, लेकिन वो बात ज़्यादा देर तक अपने तक नहीं रख पाते और दोनों ही अपनी अपनी बात शेयर करते हैं, जहाँ जियांग बताती है कि लियू उसके साथ उसकी मॉम से जाकर मिलने के लिए मान गया है, और क्यान्या कहती है कि नियान के साथ मेरी डेट हुई और मैं उसे इस दुनिया में घुमाना चाहती हूँ ताकि मैं कोई फाइनल डिसीज़न ले सकूँ। तो जियांग कहती है कि हम बाहर चलकर इसके बारे में बात करते हैं। फिर वो दोनों न्यू स्कूटी पे एक साथ राइड करते हैं और इन्जॉय करते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जियांग बे हाउस पहुँचती है और उन दोनों गार्ड्स को डांटने लगती है, जिस पे वो गार्ड्स कहते हैं कि जियो हमें पहले ही डांट चुके हैं और हम आपको कल कोई और समझने के लिए माफ़ी मांगते हैं। इसके बाद जियांग लियो के पास जाती है और उसे कहती है कि आज रात एक्शन के लिए रेडी रहना। फिर हम लव बॉयज को एक साथ डांस प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जहाँ लियो कुछ बात करना चाहता था, इसीलिए नियान ल्यूके और सियोली को स्ट्रेचिंग के लिए भेज देता है, जहाँ ल्यूके की तो चीखें ही बंद नहीं हो रही थी। फिर लियो नियान से कहता है कि आज रात मुझे बाहर जाना है, तो अगर यहाँ कोई गड़बड़ हुई तो संभाल लेना, तो नियान कहता है कि तुम्हारे आने के बाद मैं जाऊँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियांग लियो को अपने साथ ले जा रही थी, पर सियोली और ल्यूके साथ में गेम खेल रहे थे, जो देख कर लियू उन्हें तो मारने ही वाला था, पर तभी वहाँ नियान आकर मॉनिटर ऑफ कर देता है और उन्हें दोबारा डांस प्रैक्टिस के लिए भेज देता है। जिसके बाद जियांग लियू को कॉइन देती है और जैसे ही वो उसे पिगी बैंक में डालता है तो डोर ओपन हो जाता है, जो देखकर लियू हैरान हो जाता है, पर दोनों टनल के रास्ते बाहर निकलते हैं। जिसके बाद लियू जियांग के साथ उसकी स्कूटी पे वहां से हॉस्पिटल की तरफ निकलता है, जहां लियू रास्ते में उसे पकड़ लेता है, जिससे जियांग को काफ़ी अच्छा लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां रिसेप्शन पे लियू अपना असली नाम ली जेन्यू बताता है और मॉम का जियांग वेन्यू, जिसपे रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है और इमरजेंसी की वजह से उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है, जो सुनने के बाद लियू उनसे मिलने जाने लगता है, पर वो रिसेप्शनिस्ट उसे जाने नहीं देती और कहती है कि विजिटिंग आवर्स ख़त्म हो गए हैं, जिसपे जियांग उसे बहस करने लगती है, लेकिन वो नहीं मानती और उन्हें कल 2 से 4 के बीच मिलने का टाइम देती है, जिसके बाद उन्हें निराश होकर जाना पड़ता है, जहां लियो बताता है कि कल उसकी रिहर्सल है और वो नहीं आ पाएगा। इस पर जियांग उसे प्रॉमिस करती है और कहती है कि मैं ज़रूर कोई आइडिया सोच लूँगी। सीन शिफ्ट होता है और हम क्यान्या को देखते हैं, जो अपने ऑफिस में नियान का वेट कर रही थी, पर काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद नियान नहीं आता तो वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके सामने नियान भागता हुआ आता है, जिसे देख कर क्यान्या स्माइल करती है और नियान उसे लेट आने के लिए माफ़ी मांगता है, तो क्यान्या उसे वो ट्रांसपोर्ट कार्ड दे देती है और कहती है कि अब तुम्हें भाग कर आने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ सियोली और ल्यूके नियान को अपने प्रैक्टिस किए हुए स्टेप्स दिखाने चाहते हैं, पर ल्यूके उन्हें ये कहकर भगा देता है कि लगता है तुम्हें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सीन क्यान्या पे आता है,
जो नियान को कांच के जरिए पॉपकॉर्न खरीदवाती है और नियान अपने हाथों से उसे पॉपकॉर्न खिलाता है। फिर वो नोटिस करता है कि कुछ लड़कियां किसी से बात कर रही है जो दिखाई नहीं दे रहे। तो क्यानिया उसे बताती है कि इनके बॉयफ्रेंड तुम हो सकते हो, पर यह सिर्फ उन्हें ही दिखाई देगा, लेकिन मेरे पास तो तुम रियल में हो। लेकिन उनकी रियलिटी में उनके पास कुछ भी नहीं है। तो नियान कहता है कि उन्हें इतना डिमांडिंग नहीं होना चाहिए, और ये तो उनके लिए अच्छा ही है कि वो खुश हैं। पर क्यानिया के अकॉर्डिंग ये सब गलत है, क्योंकि ये सिर्फ एक गेम है और इस गेम की वजह से वो सब रियलिटी से दूर हो गए हैं। फिर वो कहती है कि तुम क्या जानो रियलिटी, क्योंकि तुम तो हमेशा से बेहाउस में ही रहे हो। लेकिन क्यानिया की ये बहस नाराज़गी में बदल जाती है और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद नियान एक बूथ में जाकर जियू और क्यानिया के डिबेट शो की फुटेज देखता है। दूसरी तरफ क्यानिया सोच रही थी कि उसने शायद ज़्यादा ही गुस्सा कर लिया, क्योंकि ये सिर्फ सेकेंड टाइम ही था जब नियान बाहर आया था और उसे सब समझने में टाइम लगेगा। वही हम नियान को भी देखते हैं जो क्यानिया की कही बातों को सोच रहा था कि किस तरह ये गेम लोगों को रियलिटी से दूर कर रही है, और एक दूसरे के बारे में सोचते सोचते वो रात भर सो नहीं पाते। नेक्स्ट डे हम जियू को देखते हैं, तभी वहाँ ग्रैनी आ जाती है जिनसे जियू पूछता है कि मैंने तो डोर पासवर्ड चेंज कर दिया था तो आप कैसे आ गई। जिस पे ग्रैनी कहती है कि पासवर्ड गेस करना कौन सी बड़ी बात थी, मैं उसका डेट ऑफ बर्थ गेस किया जो शादी करके कैनेडा चली गई, और वो तो तुम्हारी वाइफ बस बनने ही वाली थी, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर ही ऐसा है कि कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए, वे चाहे वो लड़की हो या फिर केंचुआ। तो जियू कहता है कि केंचुआ कॉन्सर्ट करके पैसे कमाना चाहता है पर उसके पास सॉन्ग्स ही नहीं है गाने के लिए। जिस पे ग्रैनी कहती है कि मैंने तो उसकी टिकट ली थी, पर तुम अपने वाइफ और शो की टिकट मेरे लिए ज़रूर रखना, क्योंकि तुमने कहा था कि इस शो में ऑडियंस वाइफ और को देखकर महसूस कर पाएंगी। पर जियू कहता है कि इसका पता तो आपको कॉन्सर्ट में ही लगेगा। फिर हम लियू के और सियोली को देखते हैं जो नियान से पूछते हैं कि क्या लियू आज भी ट्रेनिंग के लिए नहीं आएगा। तो नियान लियू के कमरे में चला जाता है और वो दोनों उनकी बातें सुनने लगते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि लियू को काफ़ी तेज़ फीवर है। तभी जियांग भी वहाँ आ जाती है। फिर नियान उसे कहता है कि अभी से रेस्ट की ज़रूरत है। शुरुआत में हम लियू को देखते हैं जो जियांग को इशारा करता है। फिर कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहां लियू जियांग से कहता है कि मैं एक ही तरीके से बेहाउस में रुक सकता हूं, जिसके लिए मुझे बीमार होना होगा। जिसके बाद लियू पहले स्ट्रीम बाथ में जाकर बॉडी को हीट करता है और फिर ठंडे पूल में जाकर बॉडी टेम्परेचर डाउन करता है, जिसके ऐसा बार बार करने पर उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। और ऐसा वो इसीलिए करता है ताकि उसे प्रैक्टिस पे ना जाना पड़े और वो अपनी मॉम से मिल पाए। सीन प्रेजेंट में आता है जहां नियान लियू की तबीयत के बारे में लीना को बताने के लिए कहता है, जिसके लिए लियू और सियोली बजर दबाते हैं ताकि लीना उनके पास आ सके। फिर कुछ देर बाद लीना वहां आकर लियू को ड्रिप लगाती है और जियांग से कहती है कि मैं 2 घंटे बाद आकर ड्रिप हटा दूंगी, तो तब तक लियू का ध्यान रखना। जिसके बाद लीना वहां से चली जाती है, जिसके जाते ही जियांग लियू के हाथ से ड्रिप हटा देती है। फिर वो दोनों स्कूटी पे बैठकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां जियांग लियू को अपनी मॉम के पास भेज देती है और खुद रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने लगती है, जहां रिसेप्शनिस्ट उससे उसका रिलेशन पूछती है। तो जियांग शर्माते हुए कहती है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूं। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि तुम्हारा नहीं, पेशेंट और विजिटर का। तो वो बताती है कि वो उसकी मॉम है। वही हम लियू को देखते हैं जो अपनी मॉम को देखकर रोने लगता है। तभी उसकी मॉम अपनी आँखें खोलती है और वो लियू को देखते ही पहचान जाती है। इसके बाद लियू उनका हाथ पकड़ के माफ़ी मांगता है कि उसकी वजह से उसका भाई चैन मर गया। तो उसकी मॉम कहती है कि वो एक एक्सीडेंट था जिसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर अपनी मॉम के पूछने पर लियू बताता है कि वो घर छोड़कर इसीलिए चला गया क्योंकि अपने भाई के मौत का जिम्मेदार वो खुद को मानता था। जिस पे उसकी मॉम कहती है कि मैं अपना एक बेटा खो चुकी हूँ और अब मैं दूसरा नहीं खोना चाहती। तो लियू उनसे माफ़ी मांगता है कि उसने उन्हें इतना इंतज़ार करवाया, और वो रोने लगता है, जिसे रोते देखकर उसकी मॉम उसे गले लगा लेती है। फिर हम जियांग को देखते हैं जो बाहर वेट कर रही थी। तभी लियू वहाँ आता है और उसे यहाँ लाने के लिए थैंक्स कहता है। तो जियांग कहती है कि हम बाद में बात करेंगे, अभी हमें वापस जाना होगा। जिसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं तो जियांग की स्कूटी वहाँ पर नहीं थी, जिससे वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। पर वापस जाने में लेट हो रहा था, इसीलिए वो टैक्सी से जाने लगते हैं, जहाँ काफ़ी देर बाद उन्हें एक टैक्सी मिलती है जो उन्हें उसके सबवे स्टेशन ले जाने लगती है। लेकिन रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक था,
दूसरी तरफ हम जियो और लीना को देखते हैं जो लव बॉयज की रिपोर्ट एनालाइज कर रहे थे, जिसमें लियो की रिपोर्ट 96% तक पहुंच चुकी थी जो काफ़ी इम्प्रूव्ड है। पर तभी लीना देखती है कि नियान की रिपोर्ट काफ़ी इम्प्रूव्ड है जिसका स्कोर 99.9% था। तो जियो सोचता है कि बे हाउस में तो एक ही लड़की है तो कहीं ये लव ट्रायंगल तो नहीं। तो लीना कहती है ज़रूर ये सब लियो और उसके इमोशंस के साथ रहने से हुआ हो, इसीलिए वो लियो के पास चेक करने जाती है। सीन वापस जियांग और लियो पे आता है जो भागते हुए बेहाउस की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन लियो की तबीयत खराब थी जिस वजह से जियांग उसे पकड़कर भागती है, लेकिन उन दोनों के पहुंचने में देर हो जाती है और लीना उनसे पहले वहां पहुंच जाती है, जो सब वो दोनों बुकशेल्फ से छुपकर देख रहे होते हैं। जब लीना लियो का डोर नॉक करती है तो लियो और जियांग पीछे से आते हैं, जिन्हें देखकर लीना पूछती है कि वो दोनों कहाँ थे। तो जियांग कहती है कि हम किचन में थे। फिर वो अंदर जाकर मेडिकल किट लाती है और लीना को दे देती है, जिसे लेकर लीना जियांग से लियो का ध्यान रखने को कहकर वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम क्यान्या को उसके ऑफिस में देखते हैं जो नियान का वेट कर रही थी, पर वो नहीं आता, इसलिए उसे लगता है कि वो अभी नाराज़ है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। दूसरी तरफ हम नियान को देखते हैं जो भागते हुए टनल के रास्ते बाहर आता है। तभी वो देखता है कि क्यान्या उसके सामने खड़ी है और दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। फिर क्यान्या उससे पिछली रात के बहस के लिए माफ़ी मांगती है, पर अचानक से नियान उसे किस कर देता है और उसे माफ़ी मांगता है, क्योंकि वो डिबेट शो देखने के बाद जान गया था कि क्यान्या की कंपनी उसकी वजह से बैंकक्रप्ट हुई है, और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर हम उन दोनों को कार में देखते हैं जहाँ नियान बताता है कि कल उसने ऑनलाइन जाकर उसकी सारी डिबेट वीडियोस देखी थी और वो उससे पूछता है कि क्या ये गेम सच में इतनी बुरी है। तो क्यान्या बताती है कि इस गेम की वजह से काफ़ी लड़कियों ने अपने रियल पार्टनर को छोड़ दिया और मैं इसके लिए जियो से आखिर तक लड़ूंगी। फिर वो उसे अपने साथ गेम की रियलिटी दिखाने के लिए ले जाती है। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो लियो का ध्यान रख रही थी। फिर जियांग कहती है कि तुम्हारा फीवर उतर चुका है और कल तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इतना कहकर वो जाने लगती है, पर लियो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ बैठकर बातें करने के लिए कहता है, जहां वो उसे बताता है कि वो मेरी मॉम नहीं है, क्योंकि मेरी मॉम मुझे जन्म देने के बाद ही मर गई थी, जो सुनके जियांग शॉक्ड रह जाती है। फिर लियो बताता है कि मेरे डैड की डेथ भी एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, जिसके बाद मेरे किसी रिलेटिव ने मुझे अडॉप्ट नहीं किया और ऑर्फनेज भेज दिया, जहां ऑर्फनेज की डीन काफ़ी अच्छी थी, जिन्होंने अपने बेटे को मेरा बड़ा भाई बनाया और उसने वो टेडी बियर मुझे दिया, जिसके बाद से हम दोनों हमेशा साथ खेलते और साथ बड़े हुए। लेकिन एक दिन उनका टैडी गंदा हो जाता है, इसीलिए वो एक बड़े तालाब के किनारे उसे धोने के लिए जाते हैं, पर टैडी को साफ करते वक्त वो चैन के हाथ से छूट जाता है, जिसे पकड़ने के लिए चैन उसके पीछे रिवर में चला जाता है, लेकिन गहराई ज़्यादा होने की वजह से वो उसी में डूबता है और मर जाता है। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ जियांग समझ गई थी कि क्यों वो अपने टैडी किसी को छूने नहीं देता। तभी लियो जियांग से कहता है कि अब से तुम मुझसे दूर रहना, क्योंकि मेरे करीब रहने वालों के लिए मैं हमेशा एक डिजास्टर का कारण बनता हूँ। तो जियांग कहती है कि लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही सीरियस देखने लगे हो, और वो उससे पूछती है कि क्या इसी वजह से तुम सबसे इरिटेट होकर बात करते हो। तो लियो हाँ कहता है, जिस पे वो कहती है कि मैंने इतना स्टुपिड रीज़न आज तक नहीं सुना, क्योंकि अभी तक जितने लोग उसके साथ हैं वो सब सही सलामत हैं और खुश हैं, इसलिए खुद को बैड लक समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो उसे गले लगाकर कहती है कि तुम कुछ भी मुझसे शेयर कर सकते हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। फिर जियो भी उसे गले लगा लेता है। सीन क्यान्या पे आता है जो नियान को लव बॉयज़ की मर्चेंडाइज शॉप में ले जाती है, जहाँ लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स सेल होते हैं और वहाँ लड़कियों की काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। तभी एक आदमी वहाँ आकर क्यान्या से कहता है कि मैं 5,000 में आपको स्पेशल एंट्री करवा दूँगा, वरना रात भर उन्हें लाइन में लगना पड़ेगा। पर क्यान्या मना कर देती है, क्योंकि उसे इस सब की ज़रूरत ही नहीं थी, जो सुनकर नियान शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि रात भर की लड़कियां यही इंतज़ार करेंगी। फिर क्यान्या वापस उसे सबवे स्टेशन के पास ले जाती है, जहां वो उसे एक कस्टमाइज्ड फ़ोन गिफ्ट करती है, जिसमें नियान का वॉलपेपर और उसी की वॉइस का मैसेज नोटिफिकेशन थी, जिसे देख कर नियान सरप्राइज हो जाता है। नेक्स्ट डे हम जियांग को देखते हैं जो खाना रेडी कर रही थी। इतने में स्यूली वहाँ नींद में चलता हुआ आता है और पूछता है कि यह स्मेल कैसी है। तो जियांग बताती है कि यह चिकन सूप है लियो के लिए। फिर वो उसे बताने लगती है कि इसे बनाने में कितनी मेहनत लगी है और अभी भी ये प्रॉपर रेडी नहीं हुआ। तो स्यूली कहता है तो ठीक है, मैं बाद में आता हूँ।
जिसके जाने के बाद लियो आता है, जो फिर से टेस्ट करवाने के लिए कहता है, पर जियांग मना कर देती है और कहती है कि इसे मैंने बनाया है तो मैं ही बॉस हूँ, इसीलिए जब तक लियो इसे खा नहीं लेता तब तक तुम्हें ये नहीं मिलेगा। जिसके बाद लियो के का मुँह लटक जाता है। जिसके बाद जियांग एक बाउल में लियो के लिए चिकन सूप ले जाती है। जियांग लियो को अपने हाथों का बना चिकन सूप देती है, जिसकी स्मेल लियो को काफ़ी पसंद आती है। वो कहता है कि मैं बाकी सभी के साथ इसे शेयर करना चाहूँगा। वहीं हम उन तीनों को देखते हैं जो जियांग के कहने से पहले ही अपने लिए चिकन सूप निकाल रहे थे। तभी जियांग वहाँ आ जाती है, जिन्हें देखकर लियो के काफ़ी घबरा जाता है और उनसे माफ़ी मांगने लगता है, पर लियो उन्हें डांटने की जगह अपने साथ खाने के लिए कहता है, जो देखकर वो तीनों ही शॉक्ड रह जाते हैं। फिर जियांग उन्हें बताती है कि अब लियो बिल्कुल बदल चुका है, जो प्रूफ करने के लिए वो उसके गालों को दबाती है। फिर नियान भी चेक करने के लिए उसके गालों को दबाता है कि कहीं वो अभी गुस्सा तो नहीं करता, जिस पर लियो उन्हें जल्दी से सूप पीने को कहता है क्योंकि वो ठंडा हो रहा था। जब वो उसे टेस्ट करते हैं तो वो सभी को काफ़ी पसंद आता है, जिसे टेस्ट करके लियो के रो पड़ता है। फिर हम क्यान्या को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ सियोई घबराया हुआ वहाँ आता है और बताता है कि केचुआ ने न्यू म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ कर दी, जिसके देखने के बाद क्यान्या कहती है कि इसमें केस करने जैसा कुछ भी नहीं है क्योंकि एक्ट्रेस ने बस उसके जैसे कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन सियोई उसे डांस करके समझाने की कोशिश करने लगता है कि वो इनडायरेक्टली उनकी कंपनी को टारगेट कर रहा है। इसका डांस देखकर क्यान्या कहती है कि अगर तुमने फिर से ऐसा डांस किया तो मैं केचुआ की जगह तुम पर केस कर दूंगी। तो सियोई के जाने के बाद क्यान्या नियान को मैसेज करती है। दूसरी तरफ नियान के फ़ोन में सभी के सामने मैसेज अलर्ट का साउंड सुनाई देता है, लेकिन सभी को लगता है कि नियान ने उनसे कुछ कहा क्योंकि अलर्ट साउंड भी नियान की वॉइस का ही था। पर नियान बात घुमा के फ़ोन का सीक्रेट उनसे छुपा लेता है। फिर जब नियान अपने रूम में जाकर मैसेज चेक करता है तो क्यान्या ने उसे ये फ़ोन सभी से छुपा कर रखने के लिए कहा और मैसेज डिलीट करने के लिए कहा था। वहीं हम जियांग को देखते हैं जो सफाई कर रही थी। तभी वहाँ पर लियो आता है और जियांग को अपना टेडी बियर देते हुए कहता है कि वो आज प्रैक्टिस में बिजी रहेगा, इसलिए वो टेडी बियर उसकी मॉम तक पहुँचा दे, जिसके लिए जियांग खुशी खुशी मान जाती है। फिर जियांग उस टेडी बियर को लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहाँ लियो की मॉम एडमिट थी। पर जब वो वहाँ पहुँचती है तो वहाँ कोई भी नहीं था, जिस बात से वो काफ़ी घबरा जाती है और रोने लगती है। इसका शोर सुनकर वहाँ नर्स आती है और बताती है कि पेशेंट को इमरजेंसी रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, जिसके बाद वो भागती हुई वहाँ जाती है। तभी वो वहाँ ग्रैनी को देखती है, जो काफ़ी दुखी बैठी थी। फिर वो जियांग को बताती है कि उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है, अभी सर्जरी चल रही है, इसीलिए जियांग उनके साथ बैठ जाती है और उनसे पूछती है कि बेहाउस में वो सीक्रेट टनल आपने बनाई है, जिस पर ग्रैनी उसे कल अपने घर बुलाती है। इतने में डॉक्टर भी सर्जरी रूम से बाहर आता है और उन्हें बताता है कि पेशेंट फिलहाल खतरे से बाहर है, पर ऑब्जर्वेशन के लिए उन्हें आईसीयू में रखा गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि लियो की मॉम को वापस रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां अभी उन्हें होश आया ही था कि जियांग अपने सवाल पूछना शुरू कर देती है और वो उन्हें लियो का दिया हुआ टेडी बियर देती है, जिसे लेकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और लियो के बारे में पूछती है। तो जियांग कहती है कि वो काम में बिजी है और फ्री होने के बाद जल्दी ही उनसे मिलने आएगा। तो मॉम उसे अपने ड्रॉवर में से एक पॉकेट वॉच निकाल कर लियो को देने के लिए कहती है, जिसके लिए जियांग उन्हें प्रॉमिस करती है। फिर हम जियांग को उसी पॉकेट वॉच के साथ बे हाउस में देखते हैं, जो लियो के प्रैक्टिस से वापस आने का वेट कर रही थी। जब वो वापस आते हैं तो उनके साथ लीना भी आई थी, जिस वजह से जियांग वो वॉच छुपा लेती है, जहाँ लीना उन्हें बताती है कि लियो के बीमार पड़ने के बाद अब जियांग को पूरा बे हाउस डिसइनफेक्ट करना होगा और लव बॉयस के कपड़े भी डिसइनफेक्ट करने होंगे। जिसे सुनकर नियान टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसने क्यान्या की दी हुई जैकेट अपने अलमीरा में छुपाई हुई थी। फिर लीना खुद ही उनके रूम से कपड़े निकालने चली जाती है, जहाँ नियान के रूम से कपड़े निकालते वक्त लीना को क्रश ऑन लव कंपनी की जैकेट दिख जाती है, जिसे लेकर वो नियान के पास जाती है और पूछती है कि ये जैकेट तुम्हारे पास कैसे आई, जिसपे नियान कुछ भी नहीं कह पाता। तभी जियांग गुस्से में आती है और नियान को डांटते हुए कहती है कि तो तुमने मेरी हुडी ली थी, और वो लीना से झूठ कहती है कि अपनी जैकेट धोने के बाद उसे वो यहाँ मिली ही नहीं। तो लीना उसे ये हुडी पहनने को देती है, जो साइज में काफ़ी बड़ी थी। तो जियांग कहती है कि ये तो ओवर साइज फैशन है। फिर नियान भी कहता है कि शायद गलती से उसने ये हुडी अपनी लॉन्ड्री में से उठा लिया होगा। जो सुन के लीना जियो की लव ट्रायंगल वाली बात को सोचने लगती है और वहाँ से चली जाती है।
फिर वो ये सारी बातें जियो को बता देती है, जिसे सुनने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि लव ट्रायंगल वाला उनका गेस सही था। इस पे लीना काफ़ी खुश होती है और गेस करने लगती है कि जियांग नियान को चूज़ करेगी या फिर लियो को। इसे ऐसे देखकर जियो कहता है कि इतना खुश मत हो, क्योंकि एट द एंड ये सब खत्म ही होने वाला है। फिर हम लियो को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ जियांग आती है और उसे वो वॉच देती है जो उसकी मॉम ने उसे दी थी। जब वो उसे खोलता है तो इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसमें उसके डैड और रियल मॉम की फ़ोटो थी। उसका मूड अच्छा करने के लिए जियांग उस पपी के बारे में पूछती है जो इस फोटो में है, पर लियो को कुछ भी याद नहीं था। जब तक उसने होश संभाला वो पपी भी मर चुका था। इस पर जियांग कहती है कि फ्यूचर में हम दोनों साथ मिलकर एक पपी को रखेंगे, जो सुन के लियो भी स्माइल करता है। सीन शिफ्ट होता है और हम क्यान्या को देखते हैं, जो नियान का वेट कर रही थी। तभी नियान वहाँ आता है और उसे उसकी हुडी देते हुए सारी बातें बताता है कि किस तरह जियांग ने उसे लीना के शक से बचाया, वरना उसे काफ़ी बुरी पनिशमेंट मिलती। तो क्यान्या पूछती है कि वो बेहाउस में कैसे पहुँचा। इस पर नियान कहता है कि मेरे पैदा होने के बाद ही मुझे लावारिस छोड़ दिया गया, फिर जियो ने मुझे अडॉप्ट किया और उसके बाद मेरे स्किल्स और डेवलपमेंट पे काफ़ी काम किया, जिसके लिए जियो ने उनसे एग्रीमेंट साइन करवाया और उनकी गेम के लिए उनका इमोशनल डेटा मांगा और ये शर्त रखी कि वो बेहाउस के बाहर नहीं जाएंगे। तो क्यान्या पूछती है कि तुम्हारा कभी मन नहीं किया बाहर जाने का। जिस पे नियान कहता है, पहले तो मन नहीं किया, पर तुमसे मिलने के बाद अब मैं इस दुनिया को तुम्हारे साथ देखना चाहता हूँ। जिसकी बातें सुनकर क्यान्या उसे समझाती है कि ज़ियो जो कुछ भी कर रहा है वो सब इलीगल है, क्योंकि किसी की आज़ादी को छीनना सही नहीं है। और तो और वो उनके इमोशन डेटा से यूजर्स का ट्रस्ट गेन करके अपना प्रॉफिट बढ़ा रहा है। तो नियान कहता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद हम आज़ाद हो जाएंगे, पर क्यान्या के हिसाब से अगर उन्हें आज़ाद ही करना होता तो ज़ियो उन्हें इस तरह दुनिया से छुपा कर नहीं रखता। इसका साफ मतलब है कि ज़ियो के मन में कोई और ही प्लान चल रहा है और वो उन्हें आज़ाद नहीं करेगा, जो जानने के बाद नियान भी हैरान हो जाता है। फिर नियान बेहाउस पहुँचने के बाद क्यान्या की कही बातों के बारे में सोचने लगता है, जहाँ उसने उसे कहा था कि वो वाई4 का सीक्रेट रिवील करके ज़ियो को एक्सपोज करना चाहती है, ताकि वो ये सब बंद कर सके। इस पे सोच के नियान गेस करता है कि शायद इसी सीक्रेट को रिवील करने के लिए क्यान्या उसे बाहरी दुनिया में लाई। लेकिन क्यान्या कहती है कि जो फोटोज मेरे पास है उससे ज़ियो का सीक्रेट रिवील हो सकता है, पर अब तक मैंने इसे तुम्हारी वजह से रिवील नहीं किया, वरना वो तुम्हें हर्ट कर सकता है। नेक्स्ट डे हम क्यान्या को उसके ऑफिस में देखते हैं। तभी जियांग वहाँ आती है और बताती है कि मेरी स्कूटी चोरी हो गई है। तो क्यान्या उसे कोई भी पैसे उधार देने से पहले ही मना कर देती है। लेकिन जियांग यहाँ तो उसे टिप्स लेने आई थी कि वो लियो को अपना लव कन्फेस कैसे करें, बिल्कुल उस तरह जैसे उसने अपना लव नियान को कन्फेस किया था। पर क्यान्या कहती है कि हमने अभी तक कन्फेस किया ही नहीं है, क्योंकि हम एक दूसरे की फीलिंग्स अपने आप ही समझ गए थे, जो सुन के जियांग हैरान हो जाती है। पर फिर भी वो डिसाइड करती है कि वो भी अपना लव कन्फेस नहीं करेगी और बिना कोई हेल्प मिले ही वो वहाँ से जाने लगती है। तभी क्यान्या पूछती है कि तुम्हारे कन्फेशन के बाद तुम बेहाउस में लियो के साथ रहोगी या फिर हमारे घर में, जो सुन के जियांग काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि फिर तो हम सभी खूब इंजॉय करेंगे। तभी वहाँ सीओई एम्प्लॉय की सैलरी फाइल लेकर आता है और क्यान्या को याद दिलाता है कि ये सैलरी उस मॉर्टेज से पे होगी जो उसने अपने घर और कार के बदले ली है, और अगर 3 मंथ में ये नहीं लौट आया तो सब चला जाएगा। जो सुनने के बाद जियांग क्यान्या से इस बारे में पूछती है, तो वो कहती है कि तुम टेंशन मत लो, जब तक मैं हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर जियांग बताती है कि उससे पहले मेरे पास एक सीक्रेट है। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को ग्रैनी के घर पर देखते हैं, जिनके घर में जाकर जियांग हैरान हो जाती है, क्योंकि सब कुछ काफ़ी लग्जरियस था। फिर वो उनसे पूछती है कि कैसा होगा अगर 4 यंग लोग आपके घर में रहें। यहाँ वो अपने लियो, क्यान्या और नियान की बात कर रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं क्यान्या का घर चला ना जाए। पर ग्रैनी कहती है कि तुम अपने बातों में मुझे ऐसे नहीं फंसा सकती। तो जियांग सीधा मुद्दे की बात पे आती है और पूछती है कि वो सीक्रेट पैसेज किसने बनाया। तो ग्रैनी उसे खुद ही गेस करने के लिए कहती है। इस पे जियांग कहती है कि ज़रूर उस सीक्रेट पैसेज को आपने बेहाउस से चोरी करने के लिए बनाया होगा। पर वो कहती है कि मेरे पास तो इतना सब है कि मुझे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जियांग ग्रैनी से उस सीक्रेट पैसेज के बारे में पूछती है कि उसे किसने बनाया, जिस पे ग्रैनी कहती है कि वो तो मुझे भी नहीं पता।
जो सुन के जियांग काफ़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो सिर्फ यही जानने के लिए यहाँ आई थी। तो ग्रैनी उसे कहती है कि मैंने यहाँ तुम्हें तुम्हारे और लियू के बीच जो चल रहा है वो जानने के लिए बुलाया है। इस पर जियांग शर्माते हुए कहती है कि उसने मुझे किस किया है और गले भी लगाया है। तो ग्रैनी कहती है कि मेरा मतलब कन्फेशन और रिलेशनशिप से है। जो सुन के जियांग कहती है कि उसकी क्या ज़रूरत है, हमारी अंडरस्टैंडिंग ही काफ़ी है। जिसपे ग्रैनी उसे समझाती है कि रिलेशनशिप में डेट ज़रूरी होती है, जिसमें अपने पार्टनर के साथ लोग अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं, फेरी व्हील्स पे इंजॉय करते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। जिनकी बात जियांग समझ जाती है और वो उनसे कहती है कि अब मैं लियू के साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड करूँगी। फिर हम जियांग को वर्चुअल लियू के साथ उस लोकेशन पर देखते हैं जहाँ से उनका लव स्टार्ट हुआ था। फिर जियांग लियू को बताती है कि वो आज उससे ब्रेकअप करने आई है और वो उसे सॉरी कहती है, जो सुन के लियू उदास हो जाता है और कहता है कि माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए थी कि तुम मेरी वजह से ब्रेकअप कर रही हो, पर मैं खुद को इम्प्रूव कर लूँगा। लेकिन जियांग बताती है कि वो किसी और को पसंद करती है, जिस पर लियू समझ जाता है कि वो उस पर्सन की बात कर रही है जिसकी वो हमेशा उससे कंप्लेन करती थी। तो जियांग कहती है कि अब से मैं एक रियल वर्ल्ड में अपना रिलेशनशिप बनाऊंगी, जिसके डिसीजन की लियू रिस्पेक्ट करता है और उसे कहता है कि जब भी लाइफ में तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। फिर वो उसे गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद जियांग घर जाकर उस लव बॉयज वाले लेंसेज को उतार देती है और डस्टबिन में फेंक देती है, जिससे उसे काफ़ी अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे जियांग पूरी पॉजिटिविटी के साथ उठती है, क्योंकि आज वो लियू को अपना लव कन्फेस करने वाली थी। पर जब वो देखती है कि उसके पास कॉस्मेटिक्स का सामान नहीं है, तो वो क्यान्या के रूम में उसे बिना पूछे उसका सामान उठाने लगती है। इतने में क्यान्या वहाँ आ जाती है और उसे पूछती है कि वो क्या कर रही है। तो जियांग उसे बताती है कि ये सब मुझे रेडी होने के लिए चाहिए, जिससे क्यान्या सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि लास्ट टाइम जियांग ने मेकअप हाई स्कूल टाइम पे किया था। फिर वो समझ जाती है कि ज़रूर वो अपना लव कन्फेस करने वाली है। तो वो उसे पूछती है कि तुम्हारी मेकअप स्किल देख के तो लियू पहले ही बेहोश हो जाएगा, इसीलिए क्यान्या उसकी हेल्प करती है रेडी होने में। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं जो बे हाउस पहुँचती है, जहाँ वो दोनों गार्ड्स जियांग को देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी सुंदर लग रही थी और वो तो उसकी तारीफ ही करते रह जाते हैं, जिन्हें इग्नोर करके जियांग लिफ्ट में चली जाती है। जब वो नीचे लियू का वेट कर रही थी तो बाकी लव बॉयज वहाँ आकर उसे देखते ही रह जाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। तभी जियांग को ग्रैनी का फ़ोन आता है और वो उदास हो जाती है। इतने में लियू भी वहाँ आ जाता है और उसकी तारीफ करता है, पर जियांग उसे बताती है कि उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। इसे सुनकर लियू शॉक्ड हो जाता है। फिर वो दोनों उस नर्सिंग होम में जाते हैं जहाँ लियू की मॉम रहा करती थी। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनके साथ रहने वाली लेडीज़ काफ़ी रो रही थी। तभी वहाँ ग्रैनी आती है, जो लियू को कहती है कि जब जियू ने तुम्हें अडॉप्ट किया उसके बाद वो हमेशा उसकी मॉम से मिलती रहती थी, ताकि उन्हें यकीन रहे कि उनका बच्चा सही सलामत है। जिसके बाद लियू वहाँ से ये कहकर चला जाता है कि मुझे अकेले में कुछ टाइम चाहिए। फिर जियांग अपने घर चली जाती है, जहाँ उसे उदास देखकर क्यान्या को लगता है कि उसका कन्फेशन फेल हो गया। पर जियांग उसे बताती है कि लियू की मॉम अब नहीं रही और इस बात से लियू अकेला ही बेहाउस वापस चला गया। इतना कहकर वो रोने लगती है, जिसे क्यान्या समझाती है और कहती है कि जब लोग दुखी होते हैं तो अकेला रहना पसंद करते हैं, इसलिए उसे थोड़ा टाइम दो। नेक्स्ट डे हम जियांग को बेहाउस में देखते हैं, तो उसे नियान मिलता है, जो उसे कहता है कि क्यान्या ने उसे सारी बातें बता दी है और लियू ने कल से अपने रूम का डोर नहीं खोला है। जो सुन के जियांग लियू के रूम का डोर नॉक करती है और ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है, लेकिन लियू अंदर से कोई जवाब नहीं देता। जियांग डोर पर ही ब्रेकफास्ट रख देती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हें भूख लगे या बात करने का मन करे तो मैं यहीं हूँ। इतना कहकर वो डोर पर ही उसका वेट करने लगती है। फिर नियान वहाँ आता है और उसे कहता है कि वो सियोली और लियूके के साथ प्रैक्टिस पर जा रहा है, इसीलिए लियू का ध्यान रखना। इसके बाद हम उन तीनों को प्रैक्टिस रूम में देखते हैं, जहाँ सियोली और लियूके लियू का वेट कर रहे थे। पर जब नियान उनसे कहता है कि वो बीमार होने की वजह से नहीं आएगा, तो वो दोनों कहते हैं कि तुम सिर्फ लियू से ही अच्छे से बिहेव करते हो और हमसे इतना स्ट्रिक्ट। तो नियान कहता है कि अगर ऐसा है तो खुद ही उसे बुला लो, जो सुन के वो दोनों डर जाते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ जियांग जब लंच बना रही होती है तो देखती है कि लियू ने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं ख़त्म किया है, इसलिए वो उसे समझाने लगती है कि इससे उसकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है, पर लियू कोई जवाब नहीं देता। इतने में बाकी तीनों वहाँ पर आ जाते हैं और जब देखते हैं कि लियू ने खाना नहीं खाया तो लीना को बुलाने के लिए कहते हैं,
इस पे जियांग उन्हें रोकती है और झूठ कहती है कि लीना ऑलरेडी आकर लियू को चेक करके गई है और उसने उसे कुछ दिन आराम करने के लिए कहा है। फिर रात को जब जियांग डिनर लाती है तो देखती है कि लियू ने अभी भी अपना लंच नहीं खाया था, जिस बात से वो परेशान हो जाती है। वहीं लियू अपने भाई मॉम के साथ स्पेंड किए हुए मोमेंट्स को याद करके रोने लगती है। फिर जब वो बाहर आता है तो देखता है कि जियांग उसका इंतजार करते करते वहीं सो गई है, इसलिए वो उसे उठाकर सोफा पर सुला देता है और उसे ब्लैंकेट से कवर करता है। दूसरी तरफ क्यान्या नियान को मैसेज करके जियांग के बारे में पूछती है, तो नियान चेक करने के लिए जब बाहर जाता है तो देखता है कि जियांग सोफे पर सो रही है। इतने में उसकी आँख खुल जाती है और लियू के कमरे में जाने लगती है जहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर हम लियू को देखते हैं जो बेहाउस से बाहर आ चुका था और वो बेंच पर बैठकर काफ़ी ड्रिंक कर रहा था। इतने में जियांग नियान और क्यान्या के साथ मिलकर उसे ढूंढ ही लेते हैं, जिसकी ऐसी हालत देखने के बाद जियांग काफ़ी दुखी होती है। तब नियान लियू से बेहाउस चलकर बात करने के लिए कहता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता, इसलिए वो दोनों जियांग को लियू के पास छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद जियांग उसके साथ बैठकर ड्रिंक करने लगती है, जिससे लियू पूछता है कि उसने उसे कैसे ढूंढा। तो जियांग बताती है कि ग्रैनी से पूछने पे पता चला कि तुम्हें मैडम जियांग ने यहीं से अडॉप्ट किया था। फिर लियू कहता है कि ये सब मेरी गलती है, क्योंकि मैंने ही अपनी मॉम को छोड़ दिया, वरना वो मेरे साथ और टाइम तक जी पाती। इसे जियांग समझाती है कि वो हर बार ब्लेम खुद पर नहीं ले सकता, क्योंकि उस टाइम अगर वो उन्हें नहीं छोड़ता तो लाइफ कुछ और भी हो सकती थी और ये हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए पास्ट को भूलकर हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेती है और अपने साथ एक लोकेशन पर चलने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ क्यान्या नियान से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है, तो नियान कहता है कि मैं अपनी यंग एज से ही बेहाउस में हूँ, इसलिए मुझे उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। पर जियो ने उसे बताया था कि उसकी मॉम एक अच्छी लेडी थी, क्योंकि उसका जन्म होते ही वो उसे छोड़ गई थी और उसकी मॉम को उसके असली डैड के बारे में नहीं पता था। जो सब सुनकर क्यान्या कहती है कि ज़रूर जियू ने उसे ये सब झूठ कहा होगा ताकि तुम उन्हें ढूंढ ना सको, जिस पर नियान कहता है कि मुझे भी यही लगता है, इसलिए बाहर आने के बाद मैं सारी सच्चाई पता करूंगा। जो सुन के क्यान्या खुश हो जाती है कि उसने बेहाउस को छोड़ने का मन बना लिया है, लेकिन नियान कहता है कि मैं अगर बेहाउस से गायब हुआ तो बाकी तीनों भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, इसीलिए लियू से इस बारे में बात करने के लिए उसे थोड़ा टाइम चाहिए। फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। हम देखते हैं कि जियांग लियू को अपने साथ हॉट एयर बलून में ले जाती है और वो लियू को बताती है कि जब मेरी मॉम की डेथ हुई थी तो मैं उन्हें काफ़ी मिस करती थी और बहुत रोती थी, इसलिए उसके डैड उसे हॉट एयर बलून राइड पे ये कहकर लाने लगे कि ये प्लेस उनके मॉम के नियरेस्ट है जो क्लाउड के ऊपर रहती है। फिर वो लियू को डायरी देती है और कहती है कि तुम्हें अपनी मॉम से जो भी कहना है इसमें लिख दो और पेपर प्लेन बनाकर हवा में उड़ा दो, जिससे तुम्हारी बातें उन तक पहुंच पाए। तो लियू बिल्कुल ऐसा ही करता है और अपनी उन सभी फीलिंग्स को लिख देता है जो वो उनसे दूर रहकर उनसे कह ना सका। फिर वो रोते हुए अपने नोट को प्लेन बनाता है और हवा में उड़ा देता है, जिसके बाद वो दोनों वापस से सबवे स्टेशन पहुँच जाते हैं ताकि वो बेहाउस जा सकें। लेकिन अचानक से उनके सामने बाइक पर ग्रहणी आ जाती है और वो उनसे कहती है कि मैं बस ये देखने आई थी कि लियू सही सलामत है या नहीं। तो जियांग उन्हें यकीन दिलाती है कि लियू अब बिल्कुल ठीक है। फिर ग्रैनी लियू को बताती है कि उसकी मॉम ने मरने से पहले उस टेरी को अपने साथ रखने के लिए कहा था, इसका मतलब वो टेरी भी अब उन्हीं के साथ है, इसलिए अब लियू फ्री माइंड होकर हैप्पीली इस बेवकूफ़ लड़की के साथ रह सकता है। जो सुनके जियांग कहती है कि आपने मुझे बेवकूफ़ क्यों कहा, जिस पर लियू हंसने लगता है। फिर ग्रैनी उन दोनों को गले लगाकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद लियू जियांग का हाथ पकड़ लेता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लियू अपनी फ़ोटो और पॉकेट वॉच को एक बॉक्स में बंद कर देता है, जिससे उसे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि अब वो इस सबसे फ्री हो चुका था और उसके मन में भी कोई बोझ नहीं है। फिर सीन लव बॉयज़ पे आता है, जहाँ लियू के आज भी लियू का खाना खाने का बात करता है क्योंकि दो दिन से वो उनसे मिला ही नहीं, जिसमें सियोली उसे लियू से मिलने के लिए कहता है पर लियू के मना कर देता है क्योंकि जियांग ने ही उसे कुछ दिन उससे मिलने से मना किया था। इतने में लियू खुद ही वहाँ आ जाता है, जैसे देखकर उन्हें अच्छा लगता है। फिर बातों बातों में वो लोग उस दिन की बात करने लगते हैं जब जियांग काफ़ी तैयार होकर आई थी, तो नियान कहता है कि वो अपना कन्फेशन देने आई थी लेकिन शायद अब से वो उस तरह तैयार होकर नहीं आएगी। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो लियू के लिए केक रेडी कर रही थी ताकि लियू का मूड अच्छा हो जाए। तभी क्यान्या कहती है कि मैं तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर दूंगी,
जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ क्यान्या उसे सबवे स्टेशन वाले रास्ते पर ड्रॉप करती है। पर जब जियांग टनल में जाती है तो वहाँ की लाइट्स ऑन होने लगती है और नीचे रास्ते पर भी एरोस बने हुए थे। तभी जियांग उन्हें फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है। जब वो लाइट्स को फॉलो करते हुए बे हाउस में पहुँचती है तो चारों तरफ लाइट्स लगी हुई थी, जिन्हें देखकर वो सोचती है कि कहीं कोई पार्टी तो नहीं, लेकिन वो एरो को फॉलो करके आगे बढ़ती रहती है। जहाँ एक रूम में जाने के बाद सभी लाइट्स एक साथ ऑन हो जाती है और उसके सामने लियू गाना गाता और पियानो प्ले करता है, जिसे जियांग देखते ही रह जाती है। फिर लियू उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम्हारे आने से पहले मेरी लाइफ में अंधेरा था, लेकिन तुम्हारी काइंडनेस और चार्म की वजह से मेरी लाइफ में सनलाइट आ गई। जहाँ देख पाते कि जब भी लियू को मदद की ज़रूरत पड़ी तो जियांग हमेशा उसके पास थी। और फिर फाइनली वो उसे कह देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और अब से मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इतने में वो तीनों भी वहाँ पर आकर उनके इस मोमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं जो खुशी खुशी घर पहुँचती है, लेकिन क्यान्या को देखते ही वो उस पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसने उन चारों की हेल्प की थी आज की सारी प्रिपरेशन करने में, और तो और उसे इतने इम्पोर्टेंट डे पे इस सूरत में भेज दिया। तो क्यान्या उसे चिढ़ाने लगती है कि अगर मैं पहले ही बता देती तभी तुम मुझे डांटती कि मैंने तुम्हारा सरप्राइज़ बिगाड़ दिया, जो सुन के वो हंसने लगती है और उसे गले लगा लेती है। फिर दोनों सेलिब्रेट करने लगते हैं, जहाँ क्यान्या उसे वॉर्न करती है कि वो दोबारा से लव बॉयज़ गेम को लेकर एडिक्ट ना हो जाए, जिसकी बात जियांग समझ जाती है क्योंकि रियल लियू अपने गेम वर्जन से काफ़ी अलग होगा, इसीलिए उन्हें टाइम चाहिए एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। फिर क्यान्या उसे उसकी न्यू स्कूटी की चाबी दिखाती है, जिसे पाकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे जियांग अपनी फ्रेंड कीकी से मिलने जाती है, जहाँ कीकी लव बॉयज़ गेम को खेल रही थी, जो देखकर जियांग उसे डरा देती है। फिर वो उसे कहती है तुम अभी भी इस गेम में पड़ी हो और मैं तो रियल वर्ल्ड में एक ट्रू रिलेशनशिप में हूँ, जिस पे कीकी उस लड़के का नाम पूछती है, पर जियांग उसे नाम बताने से मना कर देती है। फिर जियांग उसे समझाती है कि उसे भी गेम को छोड़कर रियल वर्ल्ड में पार्टनर ढूंढना चाहिए, और इसके लिए जियांग उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसे एक लड़के से ज़रूर मिलाएगी। इसके बाद जियांग वापस बे हाउस पहुँचती है, जहाँ पहले तो वो दोनों गार्ड्स उसे पहचानते ही नहीं है क्योंकि वो आज बिना मेकअप के आई थी, जिनमें से एक कहता है कि तुम्हारा सुंदर चेहरा मैं अभी तक भूला ही नहीं हूँ, इसीलिए तुम्हें पहचानने में प्रॉब्लम हो गई। लेकिन जियांग उन्हें फिर से इग्नोर करके चली जाती है। जब वो नीचे पहुँचती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि बे हाउस को पहले से ही किसी ने साफ़ कर दिया था, इसीलिए उसे लगता है कि ग्रैनी वापस आ चुकी है या फिर उन्होंने कोई न्यू वर्कर हायर कर लिया है, जिस बात से वो काफ़ी परेशान हो जाती है कि कहीं लियू को बॉयफ्रेंड बनाने वाली बात किसी को पता तो नहीं चल गई, जिस वजह से उसे काम से निकाल दिया गया हो। फिर वो लॉन्ड्री रूम में जाकर भी चेक करती है, पर वहाँ भी कपड़े साफ़ सुथरे थे। इसके बाद वो सभी के रूम में जाती है, जहाँ की सफाई भी रेडी हो चुकी थी, जिससे वो अपनी जॉब को लेकर काफ़ी घबरा जाती है और बाकी सभी को ढूंढने लगती है। जब वो स्विमिंग पूल के पास जाती है तो देखती है कि ल्यूकी और स्यूली पूल की सफाई कर रहे थे, जिन्हें काम करते देखकर वो शॉक्ड रह जाती है और हंसते हुए पूछती है कि कहीं तुम मेरी जॉब तो नहीं हासिल करना चाहते। तो ल्यूके गुस्से में कहता है कि ये सब कुछ लियू हमसे करवा रहा है और उसने हमसे कहा है कि अब से हमें ही अपनी चीज़ों को साफ करना होगा, जिनकी बातें सुनकर जियांग अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। तभी लियू वहाँ आता है और जियांग से सामान लेकर उसे कहता है कि अब से उसे ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, पर जियांग कहती है कि तुम्हें मेरा काम करते देख मुझे गिल्टी फील होगा। तो लियू कहता है कि तुमने काफ़ी काम कर लिया, इसीलिए अब से तुम आराम करोगी, लेकिन जियांग उसे समझाती है कि ये मेरा काम है, जिस पर लियू उसे कहता है कि फिर तुम सिर्फ अब से मेरा रूम साफ करोगी, जो बात सुनकर लियू की और सियोली का मुँह लटक जाता है और वो उसे पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो लियू जियांग को पकड़कर कहता है क्योंकि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, जिस पर जियांग उसे देखकर स्माइल करती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो गाइज़, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।